अगर आप भी बॉलीवुड की वेब सीरीज़ या फिर फिल्में देखते हो तो शायद प्रतीक गांधी को जानते ही हो गए जिनकी एक बहुत ही बड़ी जो फेमस सीरीज़ रही है जहाँ से उनकी जो पॉपुलर्टी वो काफ़ी बड़ी है आज हम इन्हीं की एक शानदार सीरीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे साथ ही में मैं आपको यहाँ पर यह भी बताऊँगा ये कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है और इसका सीज़न टू कब आएगा ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे तो दोस्तों इस सीरीज़ का नाम है द ग्रेट इंडियन मर्डर 2022 में से रिलीज़ कराया गया था इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर आपको एक बहुत ही तगड़ी मिस्ट्री दिखाई गई है अगर आप लोगों को ऐसी फिल्में देखना अच्छा लगता है जिसके अंदर मर्डर मिस्ट्री हो तो मेरी ये सीरीज़ आपके लिए ही है ये आपको पूरी तरह से एंड तक बांधे रखेंगी यहाँ तक कि आप पता ही नहीं लगा पाएंगे कि इसका मुख्य विलन कौन है और उसने ये सब कुछ क्यों किया है तो चलिए बात करते हैं पहले इस सीरीज़ के बारे में मैं आपको कुछ यहाँ पर जानकारी देता हूँ फिर आगे इसके एपिसोड के बारे में बात करेंगे और कहाँ पर ये अवेलेबल है वो भी बात करेंगे तो इस सीरीज़ के अंदर आपको लगभग जो है वो नौ एपिसोड देखने को मिलेंगे और इसकी जो कहानी है वो दोस्तों सिक्स अस्पेक्ट बाय विकास सौरभ जो है इनके ऊपर ही आधारित है तो जो लेड कॉफ्ट इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे प्रतीक गांधी पवली दम रिचा चड्डा आशुतोष राना जतिन गोस्वामी रोचा लमनदार सारिब हासमी और ससंग अरोरा रघुवीर यादव शक्ति मोहन निकेतन ग्रोवर धीरज राणा रोशद राणा अमी बाग लेमान कंचन घोष राजद भगत ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे इस सीरीज़ को जो आई एम डी बी है वहाँ पर दस में से लगभग इसे छः पॉइंट सात की रेटिंग मिली है और जो रॉटेन टोमेटो है वहाँ पर भी लगभग जो है वो सत्तर प्रतिशत मिले हुए हैं तो आप यहाँ पर यह अनुमान लगा सकते हैं कि एक वॉचेबल सीरीज़ है अगर आप लोग दोस्तों इसे हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो इसके सभी एपिसोड आपको मिल जाएंगे डिजनी प्लस ऑफतार पे और इसका जो दूसरा सीज़न है वो भी आपको काफ़ी जल्दी ही देखने को मिल जाएगा जहाँ तक न्यूज़ आई है मालूम पड़ा है कि वो आपको 2025 तक देखने को मिलेगा क्योंकि आप जब भी सीरीज़ को देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि इसका दूसरा सीज़न ज़रूर आएगा यहाँ पर दोस्तों जो बड़ी बात है वो इस मूवी की स्टोरी है शुरुआत के अंदर मुझे लगा कि अब इस सीरीज यहाँ पे ख़त्म होगी लेकिन जो इसका क्लाइमेक्स आया वो गजब का रहा था क्लाइमेक्स के अंदर स्टोरी जो है एकदम पलट जाती है और यहाँ पर ये यह पता लगाना थोड़ा मुश्किल रह जाता है कि आखिरकार इस मूवी के अंदर विलन कौन था और उसने ये सब कुछ क्यों किया है इस वेब सीरीज़ की जो कहानी शुरू होती है दिल्ली में जहाँ पर मशहूर राजनेता जगन्नाथ राय यानी ये जो आशूष राणा है उनके एक जो कि उनके में बेटे होते हैं जिनका रोल यहाँ पर जतिन गोस्वामी का है वो एक पार्टी के अंदर दो लड़कियों के साथ गलत काम करते हैं और उनके ऊपर मर्डर का आरोप लग जाता है इसके बाद इस केस की जो जांच होती है शुरू होती है जो कि जगन्नाथ राय पुलिस के अधिकारियों को रिश्वत देकर अपने बेटे को छुड़वा लेता है केस से बरी होने के बाद वो खुशी में होता है विकी एक शानदार पार्टी देता है जहाँ उसका मर्डर होता है और उसके बाद जगन्नाथ राय और विकी के मर्डर की जाँच सी को सौंप दी जाती है और इस केस की जाँच और इस केस की जो जाँच की जिम्मेदारी रहती है वो सी बी आई ऑफिसर सूरज यादव यानी कि प्रदीप गांधी और पुलिस ऑफिसर सुधा भारद्वाज यानी कि रिजा चड्डाई की होती है अब केस के अंदर कुल छः लोगों को ऊपर जो शक होता है और विकी का जो मर्डर किसने किया है और इसका उद्देश्य क्या था ये आपको इस सीरीज़ के अंदर जानने को मिलेगा इस सीरीज़ की जो तो कहानी है उनका जो तो डायरेक्शन है वो बहुत ही बढ़िया है विजय मौर्या और पुनी शर्मा ने यहाँ पर बेहतरीन तरीके से नॉवल से अडोप किया है इसका जो स्क्रीन प्ले वो बहुत ही बढ़िया है और यहाँ पर शुरू से सीरीज आपको बांधी भी रखती है और पूरी सीरीज़ के अंदर आप जो है वो अंदाज़ लगाते रहेंगे कि आखिर ये मर्डर किसने किया है और क्यों किया है इस कहानी के अंदर राजनीतिक शासिक भी है बख भी यहाँ पर देखने को मिलेगा इसी के साथ आपको यहाँ पर जो है एक गज़ब की स्टोरी देखने को मिलेंगी स्टूडेंट पॉलिटिक्स जातिवाद और मीडिया का यहाँ पे जो रोल है वो भी चर्चा में देखने को मिलेगा सीरीज की जो कहानी है वो बहुत ही अच्छी है बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है ये इसकी शूटिंग दिल्ली से लेकर राजस्थान झारखंड छत्तीसगढ़ कोलकाता और चांदी जैसी जगह पर हुआ है क्योंकि तो जो मूवी के अंदर जो विलन दिखाया गया है वो अलग अलग लोकेशन पर होते हैं और जो सी वाले हैं और पुलिस ऑफिसर वहाँ पर ढूंढ निकलते हैं भले ही आप सीरीज एक नॉल पर आधारित है लेकिन हाँ दिगमांच दुल् ने इसे बहुत ही बेहतरीन बनाया है जो कि देखने लायक है अगर आप लोग क्राइम थ्रिलर मिक्स सीरीज देखते हैं तो फिर आपको इसे मिस नहीं करना चाहिए डेफिनेटली आपको जो है वो एक बार ज़रूर देखना चाहिए अगर एक्टिंग की बात करें तो सीरीज़ में प्रतिप गांधी ने जो सी बी आई ऑफिसर का रोल प्ले किया है वो बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया भी है शुरू एक ऐसा अधिकारी है जिसकी अपनी राजनीतिक विचारधारा होती है और वे राजनेता अंबिका प्रसाद यानी कि विनोद कुमार का नज़दीकी भी होता है सुधा भारद्वाज के किरदार में रिचा चड्डा भी यहाँ पर दमदार लगती है और वो भी अपने किरदार के अंदर एकदम फिट बैठती है अगर आप एक बेहतरीन सीरीज़ को मिस नहीं करना चाहते तो आप लोग दोस्तों जो है इस सीरीज़ को देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है मैंने इसे दोस्तों काफ़ी समय पहले देखा था 2022 के अंदर ही मैंने देख लिया था और ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और मैं आपको यहाँ पर जो है जो सीज़न टू के बारे में बताऊँ तो भाई सीज़न टू ज़रूर आएगा क्योंकि तो यहाँ पर अभी तक ये पता नहीं लगा है कि आखिरकार किसने सब कुछ किया है और उसका मकसद क्या है सीज़न टू के अंदर वो राज खुल जाएंगे कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है आपको जब भी टाइम मिले तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर एंजॉय करिएगा मुझे उम्मीद है कि आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेंगी अगर आप भी बॉलीवुड की वेब सीरीज़ या फिर फिल्में देखते हो तो शायद प्रतीक गांधी को जानते ही हो जिनकी एक बहुत ही बड़ी जो फेमस सीरीज़ रही है जहाँ से उनकी जो पॉपुलर्टी वो काफ़ी बड़ी है आज हम इन्हीं की एक शानदार सीरीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे साथ ही में मैं आपको यहाँ पर ये भी बताऊँगा ये कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है और इसका सीज़न टू कब आएगा ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे तो दोस्तों इस सीरीज़ का नाम है द ग्रेट इंडियन मर्डर 2022 में से रिलीज़ कराया गया था इसकी ख़ास बात यह है कि इसके अंदर आपको एक बहुत ही तगड़ी मिस्ट्री दिखाई गई है अगर आप लोगों को ऐसी फिल्में देखना अच्छा लगता है जिसके अंदर मर्डर मिस्ट्री हो तो फिर ये सीरीज़ आपके लिए ही है ये आपको पूरी तरह से एंड तक बांधे रखेंगी यहाँ तक कि आप पता ही नहीं लगा पाएंगे कि इसका मुख्य विलन कौन है और उसने ये सब कुछ क्यों किया है तो चलिए बात करते हैं पहले इस सीरीज़ के बारे में मैं आपको कुछ यहाँ पर जानकारी देता हूँ फिर आगे इसके एपिसोड के बारे में बात करेंगे और कहाँ पर ये अवेलेबल है वो भी बात करेंगे तो इस सीरीज़ के अंदर आपको लगभग जो है वो नौ एपिसोड देखने को मिलेंगे और इसकी जो कहानी है वो दोस्तों सिक्स अस्पेक्ट बाय विकास सौरभ जो है इनके ऊपर ही आधारित है तो जो लेड कॉफ्ट इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे प्रतीक गांधी पवली डम रिचा चड्डा आशुतोष राना जतिन गोस्वामी रोचा लमनदार सारिभ भास्मी और ससंग अरोरा रघुवीर यादव शक्ति मोहन निकेतन ग्रोवर धीरज राणा रोशद राणा अमी वाघ लेमान कंचन घोष राजद भगत ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे इस सीरीज़ को जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग इसे छः पॉइंट सात की रेटिंग मिली है और जो रोटेन टोमेटो है वहाँ पर भी लगभग जो है वो सत्तर प्रतिशत मिले हुए हैं तो आप यहाँ पर यह अनुमान लगा सकते हैं कि एक वॉचेबल सीरीज़ है अगर आप लोग दोस्तों इसे हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो इसके सभी एपिसोड आपको मिल जाएंगे डिजनी प्लस ऑफ्टार पे और इसका जो दूसरा सीज़न है वो भी आपको काफ़ी जल्दी ही देखने को मिल जाएगा जहाँ तक न्यूज़ आई है मालूम पड़ा है कि वो आपको 2025 तक देखने को मिलेगा क्योंकि आप जब इस सीरीज को देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि इसका दूसरा सीजन ज़रूर आएगा यहाँ पर दोस्तों जो बड़ी बात है वो इस मूवी की स्टोरी है शुरुआत के अंदर मुझे लगा कि अभी सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म होगी लेकिन जो इसका क्लाइमेक्स आया वो गजब का रहा था क्लाइमेक्स के अंदर स्टोरी जो है एकदम पलट जाती है और यहाँ पर ये यह पता लगाना थोड़ा मुश्किल रह जाता है कि आखिरकार इस मूवी के अंदर विलन कौन था और उसने ये सब कुछ क्यों किया है इस वेब सीरीज़ की जो कहानी शुरू होती है दिल्ली में जहाँ पर मशहूर राजनेता जगन्नाथ राय यानी कि जो आशूस राणा है उनके एक जो कि उनके में बेटे होते हैं जिनका रोल यहाँ पर जतिन गोस्वामी का है वो एक पार्टी के अंदर दो लड़कियों के साथ गलत काम करते हैं और उनके ऊपर मर्डर का आरोप लग जाता है इसके बाद इस केस की जो जांच होती है शुरू होती है जो कि जगन्नाथ राय पुलिस के अधिकारियों को रिश्वत देकर अपने बेटे को छुड़वा लेता है केस से बरी होने के बाद वो खुशी में होता है विकी एक शानदार पार्टी देता है जहाँ उसका मर्डर होता है और उसके बाद जगन्नाथ राय और विकी के मर्डर की जाँच सी को सौंप दी जाती है और इस केस की जांच और इस केस की जो जांच की जिम्मेदारी रहती है वो सी बी ऑफिसर सूरज यादव यानी कि प्रदीप गांधी और पुलिस ऑफिसर सुधा भारद्वाज यानी कि रिजा चड्डाई की होती है अब केस के अंदर कुल छः लोगों को ऊपर जो शक होता है और विकी का जो मर्डर किसने किया है और इसका उद्देश्य क्या था ये आपको इस सीरीज के अंदर जानने को मिलेगा इस सीरीज की जो तो कहानी है उनका जो तो डायरेक्शन है वो बहुत ही बढ़िया है विजय मौर्या और पुनीत शर्मा ने यहाँ पर बेहतरीन तरीके से नॉवल से अडोप किया है इसका जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत ही बढ़िया है और यहाँ पर शुरू से सीरीज आपको बांधी भी रखती है और पूरी सीरीज़ के अंदर आप जो है वो अंदाज लगाते रहेंगे कि आखिर ये मर्डर किसने किया है और क्यों किया है इस कहानी के अंदर राजनीतिक शासिक भी है वो के भी यहाँ पर देखने को मिलेगा इसी के साथ आपको यहाँ पर जो है एक गजब की स्टोरी देखने को मिलेंगी स्टूडेंट पॉलिटिक्स जातिवाद और मीडिया का यहाँ पे जो रोल है वो भी चर्चा में देखने को मिलेगा सीरीज की जो कहानी है वो बहुत ही अच्छी है बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है इसकी शूटिंग दिल्ली से लेकर राजस्थान झारखंड छत्तीसगढ़ कोलकाता और चांदी जैसी जगहों पर हुआ है क्योंकि तो जो मूवी के अंदर जो विलन दिखाया गए हैं वो अलग अलग लोकेशन पर होते हैं और जो सीबीए वाले हैं और पुलिस ऑफिसर वहाँ पर ढूंढ निकलते हैं भले ही आप सीरीज एक नॉल पर आधारित है लेकिन हाँ दिगमांच दुलिया ने इसे बहुत ही बेहतरीन बनाया है जो कि देखने लायक है अगर आप लोग क्राइम थ्रिलर मिक्स सीरीज़ देखते हैं तो फिर आपको इसे मिस नहीं करना चाहिए डेफिनेटली आपको जो है वो एक बार ज़रूर देखना चाहिए अगर एक्टिंग की बात करें तो सीरीज़ में प्रतिप गांधी ने जो सी बी आई ऑफिसर का रोल प्ले किया है वो बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया भी है शुरू एक ऐसा अधिकारी है जिसकी अपनी राजनीतिक विचारधारा होती है और वे राजनेता अंबिका प्रसाद यानी कि विनोद कुमार का नज़दीकी भी होता है सुधा भारद्वाज के किरदार में अमेरिचा चड्डा भी यहाँ पर दमदार लगती है और वो भी अपने किरदार के अंदर एकदम फिट बैठती है अगर आप एक बेहतरीन सीरीज़ को मिस नहीं करना चाहते तो आप लोग दोस्तों जो है इस सीरीज़ को देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है मैंने इसे दोस्तों काफ़ी समय पहले देखा था दो हज़ार बाईस के अंदर ही मैंने देख लिया था और ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और मैं आपको यहाँ पर जो है जो सीज़न टू के बारे में बताऊँ तो भाई सीज़न टू ज़रूर आएगा क्योंकि तो यहाँ पर अभी तक ये पता नहीं लगा है कि आखिरकार किसने सब कुछ किया है और उसका मकसद क्या है सीज़न टू के अंदर वो राज खुल जाएंगे कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है आपको जब भी टाइम मिले तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर इंजॉय करिएगा मुझे उम्मीद है कि आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेंगी अगर आप भी बॉलीवुड की वेब सीरीज़ या फिर फिल्में देखते हो तो शायद प्रतीक गांधी को जानते ही हो जिनकी एक बहुत ही बड़ी जो फेमस सीरीज़ रही है जहाँ से उनकी जो पॉपुलर्टी वो काफ़ी बड़ी है आज हम इन्हीं की एक शानदार सीरीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे साथ ही में मैं आपको यहाँ पर ये भी बताऊँगा ये कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है और इसका सीज़न टू कब आएगा ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे तो दोस्तों इस सीरीज़ का नाम है द ग्रेट इंडियन मर्डर 2022 में से रिलीज़ कराया गया था इसकी ख़ास बात यह है कि इसके अंदर आपको एक बहुत ही तगड़ी मिस्र दिखाई गई है अगर आप लोगों को ऐसी फिल्में देखना अच्छा लगता है जिसके अंदर मर्डर मिस्ट्री हो तो फिर ये सीरीज़ आपके लिए ही है ये आपको पूरी तरह से एंड तक बांधे रखेंगी यहाँ तक कि आप पता ही नहीं लगा पाएंगे कि इसका मुख्य विलन कौन है और उसने ये सब कुछ क्यों किया है तो चलिए बात करते हैं पहले इस सीरीज़ के बारे में मैं आपको कुछ यहाँ पर जानकारी देता हूँ फिर आगे इसके एपिसोड के बारे में बात करेंगे और कहाँ पर ये अवेलेबल है वो भी बात करेंगे तो इस सीरीज़ के अंदर आपको लगभग जो है वो नौ एपिसोड देखने को मिलेंगे और इसकी जो कहानी है वो दोस्तों सिक्स अस्पेक्ट बाय विकास सौरभ जो है इनके ऊपर ही आधारित है तो जो लेड कॉफ्ट इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे प्रतीक गांधी पवली डम्ब रिचा चड्डा आशुतोष सराना जतिन गोस्वामी रोचा लमनदार सारिब हासमी और ससंग अरोरा रघुवीर यादव शक्ति मोहन निकेतन ग्रोवर धीरज राणा रोशद राणा अमी बाग कंचन घोष राजद भगत ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे इस सीरीज़ को जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग इसे छः पॉइंट सात की रेटिंग मिली है और जो रॉट एन टोमेटो वहाँ पर भी लगभग जो है वो सत्तर प्रतिशत मिले हुए हैं तो आप यहाँ पर ये यह अनुमान लगा सकते हैं कि एक वॉचेबल सीरीज़ है अगर आप लोग दोस्तों इसे हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो इसके सभी एपिसोड आपको मिल जाएंगे डिजनी प्लस ऑफर पर और इसका जो दूसरा सीज़न है वो भी आपको काफ़ी जल्दी ही देखने को मिल जाएगा जहाँ तक न्यूज़ आई है मालूम पड़ा है कि वो आपको 2025 तक देखने को मिलेगा क्योंकि आप जब भी सीरीज को देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि इसका दूसरा सीज़न ज़रूर आएगा यहाँ पर दोस्तों जो बड़ी बात है वो इस मूवी की स्टोरी है शुरुआत के अंदर मुझे लगा कि अभी सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म होगी लेकिन जो इसका क्लाइमेक्स आया वो गजब का रहा था क्लाइमेक्स के अंदर स्टोरी जो है एकदम पलट जाती है और यहाँ पर ये यह पता लगाना थोड़ा मुश्किल रह जाता है कि आखिरकार इस मूवी के अंदर विलन कौन था और उसने ये सब कुछ क्यों किया है इस वेब सीरीज़ की जो कहानी शुरू होती है दिल्ली में जहाँ पर मशहूर राजनेता जगन्नाथ राय यानी कि जो आशूस राणा है उनके एक जो कि उनके बिजनेसम बेटे होते हैं जिनका रोल यहाँ पर जतिन गोस्वामी का है वो एक पार्टी के अंदर दो लड़कियों के साथ गलत काम करते हैं और उनके ऊपर मर्डर का आरोप लग जाता है इसके बाद इस केस की जो जाँच होती है शुरू होती है जो कि जगन्नाथ राय पुलिस के अधिकारियों को रिश्वत देकर अपने बेटे को छुड़वा लेता है केस से बरी होने के बाद वो खुशी में होता है विकी एक शानदार पार्टी देता है जहाँ उसका मर्डर होता है और उसके बाद जगन्नाथ राय और विकी के मर्डर की जाँच सी को सौंप दी जाती है और इस केस की जाँच और इस केस की जो जाँच की जिम्मेदारी रहती है वो सी बी आई ऑफिसर सूरज यादव यानी कि प्रदीप गांधी और पुलिस ऑफिसर सुधा भारद्वाज यानी कि रिजा चड्डाई की होती है अब केस के अंदर कुल छः लोगों को ऊपर जो शक होता है और विकी का जो मर्डर किसने किया है और इसका उद्देश्य क्या था ये आपको इस सीरीज के अंदर जानने को मिलेगा इस सीरीज की जो तो कहानी है उनका जो तो डायरेक्शन है वो बहुत ही बढ़िया है विजय मौर्या और पुनीत शर्मा ने यहाँ पर बेहतरीन तरीके से नावल से आरोप किया है इसका जो स्क्रीन प्ले हो बहुत ही बढ़िया है और यहाँ पर शुरू से सीरीज आपको बांधी भी रखती है और पूरी सीरीज के अंदर आप जो है वो अंदाज़ा लगाते रहेंगे कि आखिर ये मर्डर किसने किया है और क्यों किया है इस कहानी के अंदर राजनीतिक सासिक भी है वो के भी यहाँ पर देखने को मिलेगा इसी के साथ आपको यहाँ पर जो है एक गजब की स्टोरी देखने को मिलेंगी स्टूडेंट पॉलिटिक्स जातिवाद और मीडिया का यहाँ पे जो रोल है वो भी चर्चा में देखने को मिलेगा सीरीज की जो कहानी है वो बहुत ही अच्छी है बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है ये इसकी शूटिंग दिल्ली से लेकर राजस्थान झारखंड छत्तीसगढ़ कोलकाता और चांदी जैसी जगह पर हुआ है क्योंकि तो जो मूवी के अंदर जो विलन दिखाया गए हैं वो अलग अलग लोकेशन पर होते हैं और जो सी वाले हैं और पुलिस ऑफिसर वहाँ पर ढूंढ निकलते हैं भले ही आप सीरीज़ एक नावल पर आधारित है लेकिन हाँ दिगमांच दुलिया ने इसे बहुत ही बेहतरीन बनाया है जो कि देखने लायक है अगर आप लोग क्राइम थ्रिलर मिक्स सीरीज़ देखते हैं तो फिर आपको इसे मिस नहीं करना चाहिए डेफिनेटली आपको जो है वो एक बार ज़रूर देखना चाहिए अगर एक्टिंग की बात करें तो सीरीज़ में प्रतीप गांधी ने जो सी बी आई ऑफिसर का रोल प्ले किया है वो बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया भी है शुरू एक ऐसा अधिकारी है जिसकी अपनी राजनीतिक विचारधारा होती है और वे राजनेता अंबिका प्रसाद यानी कि विनोद कुमार का नज़दीकी भी होता है सुधा भारद्वाज के किरदार में रिचा चड्डा भी यहाँ पर दमदार लगती है और वो भी अपने किरदार के अंदर एकदम फिट बैठती है अगर आप एक बेहतरीन सीरीज़ को मिस नहीं करना चाहते तो आप लोग दोस्तों जो है इस सीरीज़ को देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है मैंने इसे दोस्तों काफ़ी समय पहले देखा था दो हज़ार बाईस के अंदर ही मैंने देख लिया था और ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और मैं आपको यहाँ पर जो है जो सीज़न टू के बारे में बताऊँ तो भाई सीज़न टू ज़रूर आएगा क्योंकि तो यहाँ पर अभी तक ये पता नहीं लगा है कि आखिरकार किसने सब कुछ किया है और उसका मकसद क्या है सीज़न टू के अंदर वो सारे राज खुल जाएंगे कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है आपको जब भी टाइम मिले तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर इन्जॉय करिएगा मुझे उम्मीद है कि आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेंगी अगर आप भी बॉलीवुड की वेब सीरीज़ या फिर फिल्में देखते हो तो शायद प्रतीक गांधी को जानते ही हो जिनकी एक बहुत ही बड़ी जो फेमस सीरीज़ रही है जहाँ से उनकी जो पॉपुलर्टी वो काफ़ी बड़ी है आज हम इन्हीं की एक शानदार सीरीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे साथ ही में मैं आपको यहाँ पर ये भी बताऊँगा ये कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है और इसका सीज़न टू कब आएगा ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे तो दोस्तों इस सीरीज़ का नाम है द ग्रेट इंडियन मर्डर 2022 में से रिलीज़ कराया गया था इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर आपको एक बहुत ही तगड़ी मिस्र दिखाई गई है अगर आप लोगों को ऐसी फिल्में देखना अच्छा लगता है जिसके अंदर मर्डर मिस्ट्री हो तो मेरी ये सीरीज़ आपके लिए ही है ये आपको पूरी तरह से एंड तक बांधे रखेंगी यहाँ तक कि आप पता ही नहीं लगा पाएंगे कि इसका मुख्य विलन कौन है और उसने ये सब कुछ क्यों किया है तो चलिए बात करते हैं पहले इस सीरीज़ के बारे में मैं आपको कुछ यहाँ पर जानकारी देता हूँ फिर आगे इसके एपिसोड के बारे में बात करेंगे और कहाँ पर ये अवेलेबल है वो भी बात करेंगे तो इस सीरीज़ के अंदर आपको लगभग जो है वो नौ एपिसोड देखने को मिलेंगे और इसकी जो कहानी है वो दोस्तों सिक्स अस्पेक्ट बाय विकास सौरभ जो है इनके ऊपर ही आधारित है तो जो लेड कॉफ इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे प्रतीक गांधी ओली दम रिचा चड्डा आशुतोष राणा जतिन गोस्वामी रोचा लमनदार सारिब हासमी और ससंग अरोरा रघुवीर यादव शक्ति मोहन निकेतन ग्रोवर धीरज राणा रोशद राणा अमी वाघ लेमान कंचन घोष राजद भगत ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे इस सीरीज़ को जो आईएमडीबी है वहाँ पर दस में से लगभग इसे छः पॉइंट सात की रेटिंग मिली है और जो रॉटेन टमेटो वहाँ पर भी लगभग जो है वो सत्तर प्रतिशत मिले हुए हैं तो आप यहाँ पर यह अनुमान लगा सकते हैं कि एक वॉचेबल सीरीज़ है अगर आप लोग दोस्तों इसे हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो इसके सभी एपिसोड आपको मिल जाएंगे डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर और इसका जो दूसरा सीज़न है वो भी आपको काफ़ी जल्दी ही देखने को मिल जाएगा जहाँ तक न्यूज़ आई है मालूम पड़ा है कि वो आपको 2025 तक देखने को मिलेगा क्योंकि आप जब भी सीरीज़ को देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि इसका दूसरा सीज़न ज़रूर आएगा यहाँ पर दोस्तों जो बड़ी बात है वो इस मूवी की स्टोरी है शुरुआत के अंदर मुझे लगा कि अभी सीरीज़ यहाँ पे खत्म होगी लेकिन जो इसका क्लाइमेक्स आया वो गजब का रहा था क्लाइमेक्स के अंदर स्टोरी जो है एकदम पलट जाती है और यहाँ पर ये यह पता लगाना थोड़ा मुश्किल रह जाता है कि आखिरकार इस मूवी के अंदर विलन कौन था और उसने ये सब कुछ क्यों किया है इस वेब सीरीज़ की जो कहानी शुरू होती है दिल्ली में जहाँ पर मशहूर राजनेता जगन्नाथ राय यानी कि जो आशूस राणा है उनके एक जो कि उनके बिजनेस में बेटे होते हैं जिनका रोल यहाँ पर जतिन गोस्वामी का है वो एक पार्टी के अंदर दो लड़कियों के साथ गलत काम करते हैं और उनके ऊपर मर्डर का आरोप लग जाता है इसके बाद इस केस की जो जांच होती है शुरू होती है जो कि जगन्नाथ राय पुलिस के अधिकारियों को रिश्वत देकर अपने बेटे को छुड़वा लेता है केस से बरी होने के बाद वो खुशी में होता है वे एक शानदार पार्टी देता है जहाँ उसका मर्डर होता है और उसके बाद जगन्नाथ राय और विकी के मर्डर की जांच सीबीआई को सौंप दी जाती है और इस केस की जांच और इस केस की जो जांच की जिम्मेदारी रहती है वो सीबीआई ऑफिसर सूरज यादव यानी कि प्रतीप गांधी और पुलिस ऑफिसर सुधा भारद्वाज यानी कि रिजा चड्डाई की होती है अब केस के अंदर कुल छः लोगों को ऊपर जो सब होता है और विकी का जो मर्डर किसने किया है और इसका उद्देश्य क्या था ये आपको इस सीरीज के अंदर जानने को मिलेगा इस सीरीज की जो तो कहानी है उनका जो तो डायरेक्शन है वो बहुत ही बढ़िया है विजय मौर्या और पुनीत शर्मा ने यहाँ पर बेहतरीन तरीके से नावल से अड़ब किया है इसका जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत ही बढ़िया है और यहाँ पर शरू से ये शरीर आपको बांधी भी रखती है और पूरी सीरीज़ के अंदर आप जो है वो अंदाज़ लगाते रहेंगे कि आखिर ये मर्डर किसने किया है और क्यों किया है इस कहानी के अंदर राजनीतिक सासिक भी है वक्त भी यहाँ पर देखने को मिलेगा इसी के साथ आपको यहाँ पर जो है एक गज़ब की स्टोरी देखने को मिलेंगी स्टूडेंट पॉलिटिक्स जातिवाद और मीडिया का यहाँ पे जो रोल है वो भी चर्चा में देखने को मिलेगा सीरीज की जो कहानी है वो बहुत ही अच्छी है बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है इसकी शूटिंग दिल्ली से लेकर राजस्थान झारखंड छत्तीसगढ़ कोलकाता और चांदनी जैसी जगहों जा पर हुआ है क्योंकि तो तो जो मूवी के अंदर जो विलन दिखाया गए हैं वो अलग अलग लोकेशन पर होते हैं और जो सी वाले हैं और पुलिस ऑफिसर वहाँ पर ढूंढ निकलते हैं भले ही आप सीरीज एक नॉवल पर आधारित है लेकिन हाँ दिगमांच दुलिया ने इसे बहुत ही बेहतरीन बनाया है जो कि देखने लायक है अगर आप लोग क्राइम थ्रिलर मिक्स सीरीज देखते हैं तो फिर आपको इसे मिस नहीं करना चाहिए डेफिनेटली आपको जो है वो एक बार जरूर देखना चाहिए अगर एक्टिंग की बात करें तो सीरीज में प्रतीक गांधी ने जो सी बी आई ऑफिसर का रोल प्ले किया है वो बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया भी है सूरज एक ऐसा अधिकारी है जिसकी अपनी राजनीतिक विचारधारा होती है और वे राजनेता अंबिका प्रसाद यानी कि विनोद कुमार का नज़दीकी भी होता है सोदा भारद्वाज के किरदार में ऋचा चड्डा भी यहाँ पर दमदार लगती है और वो भी अपने किरदार के अंदर एकदम फिट बैठती है अगर आप एक बेहतरीन सीरीज़ को मिस नहीं करना चाहते तो आप लोग दोस्तों जो है इस सीरीज़ को देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है मैंने इसे दोस्तों काफ़ी समय पहले देखा था दो के अंदर मैंने देख लिया था और ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और मैं आपको यहाँ पर जो है जो सीज़न टू के बारे में बताऊँ तो भाई सीज़न टू जरूर आएगा क्योंकि यहाँ पर अभी तक ये पता नहीं लगा है कि आखिरकार किसने सब कुछ किया है और उसका मकसद क्या है सीज़न टू के अंदर वो राज खुल जाएंगे कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है आपको जब भी टाइम मिले तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर इंजॉय करिएगा मुझे उम्मीद है कि आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेंगी अगर आप भी बॉलीवुड की वेब सीरीज़ या फिर फिल्में देखते हो गए तो शायद प्रतीक गांधी को जानते ही हो गए जिनकी एक बहुत ही बड़ी जो फेमस सीरीज़ रही है जहाँ से उनकी जो पॉपुलरिटी वो काफ़ी बड़ी है आज हम इन्हीं की एक शानदार सीरीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे साथ ही में मैं आपको यहाँ पर ये भी बताऊँगा ये कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है और इसका सीज़न टू कब आएगा ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे तो दोस्तों इस सीरीज़ का नाम है द ग्रेट इंडियन मर्डर 2022 में से रिलीज़ कराया गया था इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर आपको एक बहुत ही तगड़ी मिस्र दिखाई गई है अगर आप लोगों को ऐसी फिल्म देखना अच्छा लगता है जिसके अंदर मर्डर मिस्ट्री हो तो फिर ये सीरीज़ आपके लिए ही है ये आपको पूरी तरह से एंड तक बांधे रखेंगी यहाँ तक कि आप पता ही नहीं लगा पाएंगे कि इसका मुख्य विलन कौन है और उसने ये सब कुछ क्यों किया है तो चलिए बात करते हैं पहले इस सीरीज़ के बारे में मैं आपको कुछ यहाँ पर जानकारी देता हूँ फिर आगे इसके एपिसोड के बारे में बात करेंगे और कहाँ पर ये अवेलेबल वो भी बात करेंगे तो इस सीरीज़ के अंदर आपको लगभग जो है वो नौ एपिसोड देखने को मिलेंगे और इसकी जो कहानी है वो दोस्तों सिक्स अस्पेक्ट बाय विकास सौरभ जो है इनके ऊपर ही आधारित है तो जो लेड काफ्ट इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे प्रतीक गांधी पवली डम ऋचा चड्डा आशुतो सराना जतिन गोस्वामी रोचा लमनदार सारिफ़ हासमी और ससंग अरोरा रघुवीर यादव शक्ति मोहन निकेतन ग्रोवर धीरज राणा रोशद राणा अमी वाघ लेमान कंचन घोष राजद भगत ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे इस सीरीज़ को जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग इसे छः पॉइंट सात की रेटिंग मिली है और जो रॉटन टॉमेटो वहां वहाँ पर भी लगभग जो है वो सत्तर प्रतिशत मिले हुए हैं तो आप यहाँ पर यह अनुमान लगा सकते हैं कि एक वॉचेबल सीरीज़ है अगर आप लोग दोस्तों इसे हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो इसके सभी एपिसोड आपको मिल जाएंगे डिजनी प्लस अफतार पे और इसका जो दूसरा सीज़न है वो भी आपको काफ़ी जल्दी ही देखने को मिल जाएगा जहाँ तक न्यूज़ आई है मालूम पड़ा है कि वो आपको 2025 तक देखने को मिलेगा क्योंकि आप जब भी सीरीज़ को देखेंगे तो आपको पता ही जाएगा कि इसका दूसरा सीज़न ज़रूर आएगा यहाँ पर दोस्तों जो बड़ी बात है वो इस मूवी की स्टोरी है शुरुआत के अंदर मुझे लगा कि अभी सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म होगी लेकिन जो इसका क्लाइमेक्स आया वो गज़ब का रहा था क्लाइमेक्स के अंदर स्टोरी जो है एकदम पलट जाती है और यहाँ पर ये यह पता लगाना थोड़ा मुश्किल रह जाता है कि आखिरकार इस मूवी के अंदर विलन कौन था और उसने ये सब कुछ क्यों किया है इस वेब सीरीज़ की जो कहानी शुरू होती है दिल्ली में जहाँ पर मशहूर राजनेता जगन्नाथ राय यानी ये जो आशूष राणा है उनके एक जो कि उनके बिजनेसमैन बेटे होते हैं जिनका रोल यहाँ पर जतिन गोस्वामी का है वो एक पार्टी के अंदर दो लड़कियों के साथ गलत काम करते हैं और उनके ऊपर मर्डर का आरोप लग जाता है इसके बाद इस केस की जो जांच होती है शुरू होती है जो कि जगन्नाथ राय पुलिस के अधिकारियों को रिश्वत देकर अपने बेटे को छुड़वा लेता है केस से बरी होने के बाद वो खुशी में होता है विकी एक शानदार पार्टी देता है जहाँ उसका मर्डर होता है और उसके बाद जगन्नाथ राय और विकी के मर्डर की जाँच सी को सौंप दी जाती है और इस केस की जाँच और इस केस की जो जांच की जिम्मेदारी रहती है वो सी बी आई ऑफिसर सूरज यादव यानी कि प्रतीप गांधी और पुलिस ऑफिसर सुधा भारद्वाज यानी कि रिजा चड्डाई की होती है अब केस के अंदर कुल छः लोगों को ऊपर जो सब होता है और का जो मर्डर किसने किया है और इसका उद्देश्य क्या था ये आपको इस सीरीज के अंदर जानने को मिलेगा इस सीरीज की जो तो कहानी है उनका जो तो डायरेक्शन है वो बहुत ही बढ़िया है विजय मौर्या और पुनीत शर्मा ने यहाँ पर बेहतरीन तरीके से नावल से अडोप किया है इसका जो स्क्रीन प्ले है बहुत ही बढ़िया है और यहाँ पर जरूर से सीरीज आपको बांधी भी रखती है और पूरी सीरीज़ के अंदर आप जो है वो अंदाज़ा लगाते रहेंगे कि आखिर ये मर्डर किसने किया है और क्यों किया है इस कहानी के अंदर राजनीतिक सासिक भी हैं बुख भी यहाँ पर देखने को मिलेगा इसी के साथ आपको यहाँ पर जो है एक गजब की स्टोरी देखने को मिलेंगी स्टूडेंट पॉलिटिक्स जातिवाद और मीडिया का यहाँ पर जो रोल है वो भी चर्चा में देखने को मिलेगा सीरीज की जो कहानी है वो बहुत ही अच्छी है बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है इसकी शूटिंग दिल्ली से लेकर राजस्थान झारखंड छत्तीसगढ़ कोलकाता और चांदी जैसी जगह पर हुआ है क्योंकि तो जो मूवी के अंदर जो विलन दिखाया गया है वो अलग अलग लोकेशन पे होते हैं और जो सी वाले हैं और पुलिस ऑफिसर वहाँ पर ढूंढ निकलते हैं भले ही आप सीरीज एक नॉल पर आधारित है लेकिन हाँ दिग्माचु दुलिया ने इसे बहुत ही बेहतरीन बनाया है जो कि देखने लायक है अगर आप लोग क्राइम थ्रिलर मिक्स की सीरीज देखते हैं तो फिर आपको इसे मिस नहीं करना चाहिए डेफिनेटली आपको जो है वो एक बार ज़रूर देखना चाहिए अगर एक्टिंग की बात करें तो सीरीज में प्रतीक गांधी ने जो सी बी आई ऑफिसर का रोल प्ले किया है वो बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया भी है शुरू एक ऐसा अधिकारी है जिसकी अपनी राजनीतिक विचारधारा होती है और वे राजनेता अंबिका प्रसाद यानी कि विनोद कुमार का नज़दीकी भी होता है सुधा भारद्वाज की किरदार में मिर्चा चड्डा भी यहाँ पर दमदार लगती है और वो भी अपने किरदार के अंदर एकदम फिट बैठती है अगर आप एक बेहतरीन सीरीज़ को मिस नहीं करना चाहते तो आप लोग दोस्तों जो है इस सीरीज़ को देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है मैंने इसे दोस्तों काफ़ी समय पहले देखा था दो के अंदर ही मैंने देख लिया था और ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और मैं आपको यहाँ पर जो है जो सीज़न टू के बारे में बताऊँ तो भाई सीज़न टू ज़रूर आएगा क्योंकि यहाँ पर अभी तक ये पता नहीं लगा है कि आखिरकार किसने सब कुछ किया है और उसका मकसद क्या है सीज़न टू के अंदर वो राज खुल जाएंगे कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है आपको जब भी टाइम मिले तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर इंजॉय करिएगा मुझे उम्मीद है कि आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेंगी अगर आप भी बॉलीवुड की वेब सीरीज़ या फिर फिल्में देखते हो गए तो शायद प्रतिक गांधी को जानते ही हो गए जिनकी एक बहुत ही बड़ी जो फेमस सीरीज़ रही है जहाँ से उनकी जो पॉपुलर्टी वो काफ़ी बड़ी है हम इन्हीं की एक शानदार सीरीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे साथ ही में मैं आपको यहाँ पर ये भी बताऊँगा ये कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है और इसका सीज़न टू कब आएगा ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे तो दोस्तों इस सीरीज़ का नाम है द ग्रेट इंडियन मर्डर 2022 में से रिलीज़ कराया गया था इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर आपको एक बहुत ही तगड़ी मफ्र दिखाई गई है अगर आप लोगों को ऐसी फिल्में देखना अच्छा लगता है जिसके अंदर मर्डर मिस्ट्री हो तो फिर ये सीरीज़ आपके लिए ही है ये आपको पूरी तरह से एंड तक बांधे रखेंगी यहाँ तक कि आप पता ही नहीं लगा पाएंगे कि इसका मुख्य विलन कौन है और उसने ये सब कुछ क्यों किया है तो चलिए बात करते हैं पहले इस सीरीज़ के बारे में मैं आपको कुछ यहाँ पर जानकारी देता हूँ फिर आगे इसके एपिसोड के बारे में बात करेंगे और कहाँ पर ये अवेलेबल है वो भी बात करेंगे तो इस सीरीज़ के अंदर आपको लगभग जो है वो नौ एपिसोड देखने को मिलेंगे और इसकी जो कहानी है वो दोस्तों सिक्स एस्पेक्ट बाय विकास सौरभ जो है इनके ऊपर ही आधारित है तो जो लेड कॉफ थी इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे प्रतीक गांधी पवली डम ऋचा चड्डा आशुतोष राना जतिन गोस्वामी रोचा लमनदार सारिब हाशमी और ससंग अरोरा रघुवीर यादव शक्ति मोहन निकेतन ग्रोवर धीरज राणा रोशद राणा अमी वाघ लेमान कंचन घोष राजद भगत ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे इस सीरीज़ को जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग इसे छः पॉइंट सात की रेटिंग मिली है और जो रॉटेन टॉमेटो वहां वहाँ पर भी लगभग जो है वो सत्तर प्रतिशत मिले हुए हैं। तो आप यहाँ पर यह अनुमान लगा सकते हैं कि एक वॉचेबल सीरीज है अगर आप लोग दोस्तों इसे हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो इसके सभी एपिसोड आपको मिल जाएंगे डिजनी प्लस ऑफ्टार पे और इसका जो दूसरा सीज़न है वो भी आपको काफ़ी जल्दी देखने को मिल जाएगा जहाँ तक न्यूज़ आई है मालूम पड़ा है कि वो आपको 2025 तक देखने को मिलेगा क्योंकि आप जब भी सीरीज़ को देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि इसका दूसरा सीज़न ज़रूर आएगा यहाँ पर दोस्तों जो बड़ी बात है वो इस मूवी की स्टोरी है शुरुआत के अंदर मुझे लगा कि अभी सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म होगी लेकिन जो इसका क्लाइमेक्स आया वो गज़ब का रहा था क्लाइमेक्स के अंदर स्टोरी जो है एकदम पलट जाती है और यहाँ पर ये यह पता लगाना थोड़ा मुश्किल रह जाता है कि आखिरकार इस मूवी के अंदर विलन कौन था और उसने ये सब कुछ क्यों किया है इस वेब सीरीज़ की जो कहानी शुरू होती है दिल्ली में जहाँ पर मशहूर राजनेता जगन्नाथ राय यानी ये जो आशूस राणा है उनके एक जो कि उनके बिजनेसमैन बेटे होते हैं जिनका रोल यहाँ पर जतिन गोस्वामी का है वो एक पार्टी के अंदर दो लड़कियों के साथ गलत काम करते हैं और उनके ऊपर मर्डर का आरोप लग जाता है इसके बाद इस केस की जो जांच होती है शुरू होती है जो कि जगन्नाथ राय पुलिस के अधिकारियों को रिश्वत देकर अपने बेटे को छुड़वा लेता है केस से बरी होने के बाद वो खुशी में होता है विकी एक शानदार पार्टी देता है जहाँ उसका मर्डर होता है और उसके बाद जगन्नाथ राय और विकी के मर्डर की जाँच सी को सौंप दी जाती है और इस केस की जाँच की, और इस केस की जो जांच की जिम्मेदारी रहती है वो सी बी ऑफिसर सूरज यादव यानी कि प्रतीप गांधी और पुलिस ऑफिसर सुधा भारद्वाज यानी कि रिजा चड्डाई की होती है अब केस के अंदर कुल छः लोगों को ऊपर जो सब होता है और का जो मर्डर किसने किया है और इसका उद्देश्य क्या था ये आपको इस सीरीज के अंदर जानने को मिलेगा इस सीरीज की जो तो कहानी है उनका जो तो डायरेक्शन है वो बहुत ही बढ़िया है विजय मौर्या और पुनीत शर्मा ने यहाँ पर बेहतरीन तरीके से नावल से अडोप किया है इसका जो स्क्रीन प्ले हो बहुत ही बढ़िया है और यहाँ पर जरूर से सीरीज आपको बांधी भी रखती है और पूरी सीरीज़ के अंदर आप जो है वो अंदाज़ लगाते रहेंगे कि आखिर ये मर्डर किसने किया है और क्यों किया है इस कहानी के अंदर राजनीतिक सासिक भी हैं बुख भी यहाँ पर देखने को मिलेगा इसी के साथ आपको यहाँ पर जो है एक गज़ब की स्टोरी देखने को मिलेंगी स्टूडेंट पॉलिटिक्स जातिवाद और मीडिया का यहाँ पे जो रोल है वो भी चर्चा में देखने को मिलेगा सीरीज की जो कहानी है वो बहुत ही अच्छी है बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है इसकी शूटिंग दिल्ली से लेकर राजस्थान झारखंड छत्तीसगढ़ कोलकाता और चांदनी जैसी जगह पे हुआ है क्योंकि तो तो जो मूवी के अंदर जो विलन दिखाया गए हैं वो अलग अलग लोकेशन पे होते हैं और जो सी वाले हैं और पुलिस ऑफिसर वहाँ पर ढूंढ निकलते हैं भले ही आप सीरीज एक नावल पर आधारित है लेकिन हाँ दिग्माच दुलिया ने इसे बहुत ही बेहतरीन बनाया है जो कि देखने लायक है अगर आप लोग क्राइम थ्रिलर मिक्स सीरीज देखते हैं तो फिर आपको इसे मिस नहीं करना चाहिए डेफिनेटली आपको जो है वो एक बार ज़रूर देखना चाहिए अगर एक्टिंग की बात करें तो सीरीज़ में प्रतिप गांधी ने जो सी बी आई ऑफिसर का रोल प्ले किया है वो बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया भी है शुरू एक ऐसा अधिकारी है जिसकी अपनी राजनीतिक विचारधारा होती है और वे राजनेता अंबिका प्रसाद यानी कि विनोद कुमार का नज़दीकी भी होता है सुधा भारद्वाज के किरदार में मेंचा चड्डा भी यहाँ पर दमदार लगती है और वो भी अपने किरदार के अंदर एकदम फिट बैठती है अगर आप एक बेहतरीन सीरीज़ को मिस नहीं करना चाहते तो आप लोग दोस्तों जो है इस सीरीज़ को देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है मैंने इसे दोस्तों काफ़ी समय पहले देखा था दो के अंदर ही मैंने देख लिया था और ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और मैं आपको यहाँ पर जो है जो सीज़न टू के बारे में बताऊँ तो भाई सीज़न टू ज़रूर आएगा क्योंकि यहाँ पर अभी तक ये पता नहीं लगा है कि आखिरकार किसने सब कुछ किया है और उसका मकसद क्या है सीज़न टू के अंदर वो सर्राज़ खुल जाएंगे कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है आपको जब भी टाइम मिले तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर इंजॉय करिएगा मुझे उम्मीद है कि आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेंगी अगर आप भी बॉलीवुड की वेब सीरीज़ या फिर फिल्में देखते हो तो शायद प्रतिक गांधी को जानते ही हो जिनकी एक बहुत ही बड़ी जो फेमस सीरीज़ रही है जहाँ से उनकी जो पॉपुलर्टी वो काफ़ी बड़ी है आज हम इन्हीं की एक शानदार सीरीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे साथ ही में मैं आपको यहाँ पर ये भी बताऊँगा ये कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है और इसका सीज़न टू कब आएगा ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे तो दोस्तों इस सीरीज़ का नाम है द ग्रेट इंडियन मर्डर 2022 में से रिलीज़ कराया गया था इसकी ख़ास बात यह है कि इसके अंदर आपको एक बहुत ही तगड़ी मफ्र दिखाई गई है अगर आप लोगों को ऐसी फिल्म देखना अच्छा लगता है जिसके अंदर मर्डर मिस्ट्री हो तो मेरी ये सीरीज आपके लिए ही है ये आपको पूरी तरह से एंड तक बांधे रखेंगी यहाँ तक कि आप पता ही नहीं लगा पाएंगे कि इसका मुख्य विलन कौन है और उसने ये सब कुछ क्यों किया है तो चलिए बात करते हैं पहले इस सीरीज के बारे में मैं आपको कुछ यहाँ पर जानकारी देता हूँ फिर आगे इसके एपिसोड के बारे में बात करेंगे और कहाँ पर ये अवेलेबल है वो भी बात करेंगे तो इस सीरीज़ के अंदर आपको लगभग जो है वो नौ एपिसोड देखने को मिलेंगे और इसकी जो कहानी है वो दोस्तों सिक्स एस्पेक्ट बाय विकास सौरभ जो है इनके ऊपर ही आधारित है तो जो लेड कॉफ इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे प्रतीक गांधी पवली डम्ब रिचा चड्डा आशुतो सराना जतिन गोस्वामी रोचा लमनदार सारिब हासमी और ससंग अरोरा रघुवीर यादव शक्ति मोहन निकेतन ग्रोवर धीरज राणा रोसद राणा अमी वाघ लेमान कंचन घोष राजद भगत ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे इस सीरीज को जो आईएमडीबी है वहाँ पर 10 में से लगभग इसे 6.7 पॉइंट सात की रेटिंग मिली है और जो रॉट एन टॉमेटो वहाँ पर भी लगभग जो है वो सत्तर प्रतिशत मिले हुए हैं। तो आप यहाँ पर यह अनुमान लगा सकते हैं कि एक वॉचेबल सीरीज है अगर आप लोग दोस्तों इसे हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो इसके सभी एपिसोड आपको मिल जाएंगे डिजनी प्लस ऑफवेयर पर और इसका जो दूसरा सीज़न है वो भी आपको काफ़ी जल्दी ही देखने को मिल जाएगा जहाँ तक न्यूज़ आई है मालूम पड़ा है कि वो आपको 2025 तक देखने को मिलेगा क्योंकि आप जब भी सीरीज़ को देखेंगे तो आपको पता चली जाएगा कि इसका दूसरा सीज़न ज़रूर आएगा यहाँ पर दोस्तों जो बड़ी बात है वो इस मूवी की स्टोरी है शुरुआत के अंदर मुझे लगा कि अभी सीरीज यहाँ पे ख़त्म होगी लेकिन जो इसका क्लाइमेक्स आया वो गजब का रहा था क्लाइमेक्स के अंदर स्टोरी जो है एकदम पलट जाती है और यहाँ पर यह पता लगाना थोड़ा मुश्किल रह जाता है कि आखिरकार इस मूवी के अंदर विलन कौन था और उसने ये सब कुछ क्यों किया है इस वेब सीरीज़ की जो कहानी शुरू होती है दिल्ली में जहाँ पर मशहूर राजनेता जगन्नाथ राय यानी कि जो आशूस राणा है उनके एक जो कि उनके बिजनेसम बेटे होते हैं जिनका रोल यहाँ पर जतिन गोस्वामी का है वो एक पार्टी के अंदर दो लड़कियों के साथ गलत काम करते हैं और उनके ऊपर मर्डर का आरोप लग जाता है इसके बाद इस केस की जो जांच होती है शुरू होती है जो कि जगन्नाथ राय पुलिस के अधिकारियों को रिश्वत देकर अपने बेटे को छुड़वा लेता है केस से बरी होने के बाद वो खुशी में होता है विकी एक शानदार पार्टी देता है जहाँ उसका मर्डर होता है और उसके बाद जगन्नाथ राय और विकी के मर्डर की जाँच सी को सौंप दी जाती है और इस केस की जाँच और इस केस की जो जांच की जिम्मेदारी रहती है वो सी बी ऑफिसर सूरज यादव यानी कि प्रतीप गांधी और पुलिस ऑफिसर सुधा भारद्वाज यानी कि रिजा चड्डाई की होती है अब केस के अंदर कुल छः लोगों के ऊपर जो सब होता है और विकी का जो मर्डर किसने किया है और इसका उद्देश्य क्या था ये आपको इस सीरीज के अंदर जानने को मिलेगा इस सीरीज की जो तो कहानी है उनका जो तो डायरेक्शन है वो बहुत ही बढ़िया है विजय मौर्या और पुनित शर्मा ने यहाँ पर बेहतरीन तरीके से नावल से अडोप किया है इसका जो स्क्रीन प्ले हो बहुत ही बढ़िया है और यहाँ पर शरू से सीरीज आपको बांधी भी रखती है और पूरी सीरीज़ के अंदर आप जो है वो अंदाज़ा लगाते रहेंगे कि आखिर ये मर्डर किसने किया है और क्यों किया है इस कहानी के अंदर राजनीतिक सासिक भी है बख भी यहाँ पर देखने को मिलेगा इसी के साथ आपको यहाँ पर जो है एक गज़ब की स्टोरी देखने को मिलेंगी स्टूडेंट पॉलिटिक्स जातिवाद और मीडिया का यहाँ पे जो रोल है वो भी चर्चा में देखने को मिलेगा सीरीज की जो कहानी है वो बहुत ही अच्छी है बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है ये इसकी शूटिंग दिल्ली से लेकर राजस्थान झारखंड छत्तीसगढ़ कोलकाता और चांदी जैसी जगह पर हुआ है क्योंकि जो मूवी के अंदर जो विलन दिखाया गया है वो अलग अलग लोकेशन पर होते हैं और जो सी वाले हैं और पुलिस ऑफिसर वहाँ पर ढूंढ निकलते हैं भले ही आप सीरीज एक नॉल पर आधारित है लेकिन हाँ तिगमांच दुलिया ने इसे बहुत ही बेहतरीन बनाया है जो कि देखने लायक है अगर आप लोग क्राइम थ्रिलर मिक्स सीरीज देखते हैं तो फिर आपको इसे मिस नहीं करना चाहिए डेफिनेटली आपको जो है वो एक बार ज़रूर देखना चाहिए अगर एक्टिंग की बात करें तो सीरीज़ में प्रतीप गांधी ने जो सी बी आई ऑफिसर का रोल प्ले किया है वो बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया भी है सूरज एक ऐसा अधिकारी है जिसकी अपनी राजनीतिक विचारधारा होती है और वे राजनेता अंबिका प्रसाद यानी कि विनोद कुमार का नजदीकी भी होता है सुधा भारद्वाज के किरदार में मेंचा चड्डा भी यहाँ पर दमदार लगती है और वो भी अपने किरदार के अंदर एकदम फिट बैठती है अगर आप एक बेहतरीन सीरीज़ को मिस नहीं करना चाहते तो आप लोग दोस्तों जो है इस सीरीज़ को देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है मैंने इसे दोस्तों काफ़ी समय पहले देखा था दो के अंदर ही मैंने देख लिया था और ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और मैं आपको यहाँ पर जो है जो सीज़न टू के बारे में बताऊँ तो भाई सीज़न टू जरूर आएगा क्योंकि यहाँ पर अभी तक ये पता नहीं लगा है कि आखिरकार किसने सब कुछ किया है और उसका मकसद क्या है सीज़न टू के अंदर वो राज खुल जाएंगे कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है आपको जब भी टाइम मिले तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर इंजॉय करिएगा मुझे उम्मीद है कि आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेंगी अगर आप भी बॉलीवुड की वेब सीरीज़ या फिर फिल्में देखते हो तो शायद प्रतीक गांधी को जानते ही हो जिनकी एक बहुत ही बड़ी जो फेमस सीरीज़ रही है जहाँ से उनकी जो पॉपुलरिटी वो काफ़ी बड़ी है आज हम इन्हीं की एक शानदार सीरीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे साथ ही में मैं आपको यहाँ पर यह भी बताऊँगा ये कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है और इसका सीज़न टू कब आएगा ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे तो दोस्तों इस सीरीज़ का नाम है द ग्रेट इंडियन मर्डर 2022 में से रिलीज़ कराया गया था इसकी ख़ास बात यह है कि इसके अंदर आपको एक बहुत ही तगड़ी मिस्र दिखाई गई है अगर आप लोगों को ऐसी फिल्म देखना अच्छा लगता है जिसके अंदर मर्डर मिस्ट्री हो तो मेरी ये सीरीज़ आपके लिए ही है ये आपको पूरी तरह से एंड तक बांधे रखेंगी यहाँ तक कि आप पता ही नहीं लगा पाएंगे कि इसका मुख्य विलन कौन है और उसने ये सब कुछ क्यों किया है तो चलिए बात करते हैं पहले इस सीरीज़ के बारे में मैं आपको कुछ यहाँ पर जानकारी देता हूँ फिर आगे इसके एपिसोड के बारे में बात करेंगे और कहाँ पर ये अवेलेबल है वो भी बात करेंगे तो इस सीरीज़ के अंदर आपको लगभग जो है वो नौ एपिसोड देखने को मिलेंगे और इसकी जो कहानी है वो दोस्तों सिक्स सस्पेक्ट बाय विकास सौरभ जो है इनके ऊपर ही आधारित है तो जो लेड कॉफ इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे प्रतीक गांधी पवली डम ऋचा चड्डा तो सराना जतिन गोस्वामी रोचा लमनदार सारिब हाशमी और ससंग अरोरा रघुवीर यादव शक्ति मोहन निकेतन ग्रोवर धीरज राणा रोसद राणा अमी वाघ लेमान कंचन घोष राजद भगत ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे इस सीरीज को जो आईएमडीबी है वहाँ पर 10 में से लगभग इसे छः पॉइंट सात की रेटिंग मिली है और जो रॉट एन वहां वहाँ पर भी लगभग जो है वो सत्तर प्रतिशत मिले हुए हैं तो आप यहाँ पर यह अनुमान लगा सकते हैं कि एक वॉचेबल सीरीज़ है अगर आप लोग दोस्तों इसे हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो इसके सभी एपिसोड आपको मिल जाएंगे डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर और इसका जो दूसरा सीज़न है वो भी आपको काफ़ी जल्दी ही देखने को मिल जाएगा जहाँ तक न्यूज़ आई है मालूम पड़ा है कि वो आपको 2025 तक देखने को मिलेगा क्योंकि आप जब भी सीरीज़ को देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि इसका दूसरा सीज़न ज़रूर आएगा यहाँ पर दोस्तों जो बड़ी बात है वो इस मूवी की स्टोरी है शुरुआत के अंदर मुझे लगा कि अभी सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म होगी लेकिन जो इसका क्लाइमेक्स आया वो गजब का रहा था क्लाइमेक्स के अंदर स्टोरी जो है एकदम पलट जाती है और यहाँ पर ये यह पता लगाना थोड़ा मुश्किल रह जाता है कि आखिरकार इस मूवी के अंदर विलन कौन था और उसने ये सब कुछ क्यों किया है इस वेब सीरीज़ की जो तो कहानी शुरू होती है दिल्ली में जहाँ पर मशहूर राजनेता जगन्नाथ राय यानी कि जो आशूस राणा है उनके एक जो कि उनके बिजनेसम बेटे होते हैं जिनका रोल यहाँ पर जतिन गोस्वामी का है वो एक पार्टी के अंदर दो लड़कियों के साथ गलत काम करते हैं और उनके ऊपर मर्डर का आरोप लग जाता है इसके बाद इस केस की जो जांच होती है शुरू होती है जो कि जगन्नाथ राय पुलिस के अधिकारियों को रिश्वत देकर अपने बेटे को छुड़वा लेता है केस से बरी होने के बाद वो खुशी में होता है विकी एक शानदार पार्टी देता है जहाँ उसका मर्डर होता है और उसके बाद जगन्नाथ राय और विकी के मर्डर की जाँच सी को सौंप दी जाती है और इस केस की जाँच की, और इस केस की जो जांच की जिम्मेदारी रहती है वो सी बी ऑफिसर सूरज यादव यानी कि प्रतीप गांधी और पुलिस ऑफिसर सुधा भारद्वाज यानी कि रिजा चड्डाई की होती है अब केस के अंदर कुल छः लोगों को ऊपर जो सब होता है और विकी का जो मर्डर किसने किया है और इसका उद्देश्य क्या था ये आपको इस सीरीज के अंदर जानने को मिलेगा इस सीरीज़ की जो तो कहानी है उनका जो डायरेक्शन है वो बहुत ही बढ़िया है विजय मौर्या और पुनीत शर्मा ने यहाँ पर बेहतरीन तरीके से नावल से अड़ब किया है इसका जो स्क्रीन प्ले है बहुत ही बढ़िया है और यहाँ पर शुरू से सीरीज आपको बांधी भी रखती है और पूरी सीरीज़ के अंदर आप जो है अंदाज़ा लगाते रहेंगे कि आखिर ये मर्डर किसने किया है और क्यों किया है इस कहानी के अंदर राजनीतिक सासिक भी है बख भी यहाँ पर देखने को मिलेगा इसी के साथ आपको यहाँ पर जो है एक गज़ब की स्टोरी देखने को मिलेंगी स्टूडेंट पॉलिटिक्स जातिवाद और मीडिया का यहाँ पे जो रोल है वो भी चर्चा में देखने को मिलेगा सीरीज की जो कहानी है वो बहुत ही अच्छी है बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है इसकी शूटिंग दिल्ली से लेकर राजस्थान झारखंड छत्तीसगढ़ कोलकाता और चांदी जैसी जगह पर हुआ है क्योंकि जो मूवी के अंदर जो विलन दिखाया गए हैं वो अलग अलग लोकेशन पर होते हैं और जो सी वाले हैं और पुलिस ऑफिसर वहाँ पर ढूंढ निकलते हैं भले ही आप सीरीज एक नॉल पर आधारित है लेकिन हाँ तिगमांचु दुलिया ने इसे बहुत ही बेहतरीन बनाया है जो कि देखने लायक है अगर आप लोग क्राइम थ्रिलर मिक्स की सीरीज देखते हैं तो फिर आपको इसे मिस नहीं करना चाहिए डेफिनेटली आपको जो है वो एक बार ज़रूर देखना चाहिए अगर एक्टिंग की बात करें तो सीरीज़ में प्रतीक गांधी ने जो सी बी आई ऑफिसर का रोल प्ले किया है वो बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया भी है सूरज एक ऐसा अधिकारी है जिसकी अपनी राजनीतिक विचारधारा होती है और वे राजनेता अंबिका प्रसाद यानी कि विनोद कुमार का नज़दीकी भी होता है सुधा भारद्वाज के किरदार में मिर्चा चड्डा भी यहाँ पर दमदार लगती है और वो भी अपने किरदार के अंदर एकदम फिट बैठती है अगर आप एक बेहतरीन सीरीज़ को मिस नहीं करना चाहते तो आप लोग दोस्तों जो है इस सीरीज़ को देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है मैंने इसे दोस्तों काफ़ी समय पहले देखा था दो के अंदर ही मैंने देख लिया था और ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और मैं आपको यहाँ पर जो है जो सीज़न टू के बारे में बताऊँ तो भाई सीज़न टू जरूर आएगा क्योंकि यहाँ पर अभी तक ये पता नहीं लगा है कि आखिरकार किसने सब कुछ किया है और उसका मकसद क्या है सीज़न टू के अंदर वो राज खुल जाएंगे कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है आपको जब भी टाइम मिले तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर इंजॉय करिएगा मुझे उम्मीद है कि आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेंगी अगर आप भी बॉलीवुड की वेब सीरीज या फिर फिल्में देखते हो तो शायद प्रतीिक गांधी को जानते ही हो जिनकी एक बहुत ही बड़ी जो फेमस सीरीज़ रही है जहाँ से उनकी जो पॉपुलरिटी वो काफ़ी बड़ी है हम इन्हीं की एक शानदार सीरीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे साथ ही में मैं आपको यहाँ पर ये भी बताऊँगा ये कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है और इसका सीज़न टू कब आएगा ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे तो दोस्तों इस सीरीज़ का नाम है द ग्रेट इंडियन मर्डर 2022 में से रिलीज़ कराया गया था इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर आपको एक बहुत ही तगड़ी मिस्र दिखाई गई है अगर आप लोगों को ऐसी फिल्म देखना अच्छा लगता है जिसके अंदर मर्डर मिस्ट्री हो तो फिर ये सीरीज़ आपके लिए ही है ये आपको पूरी तरह से एंड तक बांधे रखेंगी यहाँ तक कि आप पता ही नहीं लगा पाएंगे कि इसका मुख्य विलन कौन है और उसने ये सब कुछ क्यों किया है तो चलिए बात करते हैं पहले इस सीरीज़ के बारे में मैं आपको कुछ यहाँ पर जानकारी देता हूँ फिर आगे इसके एपिसोड के बारे में बात करेंगे और कहाँ पर ये अवेलेबल वो भी बात करेंगे तो इस सीरीज़ के अंदर आपको लगभग जो है वो नौ एपिसोड देखने को मिलेंगे और इसकी जो कहानी है वो दोस्तों सिक्स अस्पेक्ट बाय विकास सौरभ जो है इनके ऊपर ही आधारित है तो जो लेड काफ्ट इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे प्रतीक गांधी पवली डम ऋचा चड्डा आशुतो सराना जतिन गोस्वामी रोचा लमनदार सारिब हासमी और ससंग अरोरा रघुवीर यादव शक्ति मोहन निकेतन ग्रोवर धीरज राणा रोशद राणा अमी वाघ लेमान कंचन घोष राजद भगत ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे इस सीरीज़ को जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग इसे छः पॉइंट सात की रेटिंग मिली है और जो रॉटन टॉमेटो वहां वहाँ पर भी लगभग जो है वो सत्तर प्रतिशत मिले हुए हैं तो आप यहाँ पर यह अनुमान लगा सकते हैं कि एक वॉचेबल सीरीज़ है अगर आप लोग दोस्तों इसे हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो इसके सभी एपिसोड आपको मिल जाएंगे डिजनी प्लस अफतार पे और इसका जो दूसरा सीज़न है वो भी आपको काफ़ी जल्दी देखने को मिल जाएगा जहाँ तक न्यूज़ आई है मालूम पड़ा है कि वो आपको 2025 तक देखने को मिलेगा क्योंकि आप जब भी सीरीज़ को देखेंगे तो आपको पता ही जाएगा कि इसका दूसरा सीज़न ज़रूर आएगा यहाँ पर दोस्तों जो बड़ी बात है वो इस मूवी की स्टोरी है शुरुआत के अंदर मुझे लगा कि अभी सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म होगी लेकिन जो इसका क्लाइमेक्स आया वो गज़ब का रहा था क्लाइमेक्स के अंदर स्टोरी जो है एकदम पलट जाती है और यहाँ पर ये यह पता लगाना थोड़ा मुश्किल रह जाता है कि आखिरकार इस मूवी के अंदर विलन कौन था और उसने ये सब कुछ क्यों किया है इस वेब सीरीज़ की जो कहानी शुरू होती है दिल्ली में जहाँ पर मशहूर राजनेता जगन्नाथ राय यानी ये जो आशूष राणा है उनके एक जो कि उनके बिजनेसमैन बेटे होते हैं जिनका रोल यहाँ पर जतिन गोस्वामी का है वो एक पार्टी के अंदर दो लड़कियों के साथ गलत काम करते हैं और उनके ऊपर मर्डर का आरोप लग जाता है इसके बाद इस केस की जो जांच होती है शुरू होती है जो कि जगन्नाथ राय पुलिस के अधिकारियों को रिश्वत देकर अपने बेटे को छुड़वा लेता है केस से बरी होने के बाद वो खुशी में होता है विकी एक शानदार पार्टी देता है जहाँ उसका मर्डर होता है और उसके बाद जगन्नाथ राय और विकी के मर्डर की जाँच सी को सौंप दी जाती है और इस केस की जाँच और इस केस की जो जांच की जिम्मेदारी रहती है वो सी बी आई ऑफिसर सूरज यादव यानी कि प्रतीप गांधी और पुलिस ऑफिसर सुधा भारद्वाज यानी कि रिजा चड्डाई की होती है अब केस के अंदर कुल छः लोगों को ऊपर जो सब होता है और का जो मर्डर किसने किया है और इसका उद्देश्य क्या था ये आपको इस सीरीज के अंदर जानने को मिलेगा इस सीरीज की जो तो कहानी है उनका जो तो डायरेक्शन है वो बहुत ही बढ़िया है विजय मौर्या और पुनीत शर्मा ने यहाँ पर बेहतरीन तरीके से नावल से अडो किया है इसका जो स्क्रीन प्ले है बहुत ही बढ़िया है और यहाँ पर जरूर से सीरीज आपको बांधी भी रखती है और पूरी सीरीज़ के अंदर आप जो है वो अंदाज़ा लगाते रहेंगे कि आखिर ये मर्डर किसने किया है और क्यों किया है इस कहानी के अंदर राजनीतिक सासिक भी हैं बुख भी यहाँ पर देखने को मिलेगा इसी के साथ आपको यहाँ पर जो है एक गज़ब की स्टोरी देखने को मिलेंगी स्टूडेंट पॉलिटिक्स जातिवाद और मीडिया का यहाँ पर जो रोल है वो भी चर्चा में देखने को मिलेगा सीरीज की जो कहानी है वो बहुत ही अच्छी है बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है इसकी शूटिंग दिल्ली से लेकर राजस्थान झारखंड छत्तीसगढ़ कोलकाता और चांदी जैसी जगह जा पर हुआ है क्योंकि जो मूवी के अंदर जो विलन दिखाए गए हैं वो अलग अलग लोकेशन पे होते हैं और जो सी वाले हैं और पुलिस ऑफिसर वहाँ पर ढूंढ निकलते हैं भले ही आप सीरीज एक नॉल पर आधारित है लेकिन हाँ दिग्माचु दुलिया ने इसे बहुत ही बेहतरीन बनाया है जो कि देखने लायक है अगर आप लोग क्राइम थ्रिलर मिक्स की सीरीज देखते हैं तो फिर आपको इसे मिस नहीं करना चाहिए डेफिनेटली आपको जो है वो एक बार ज़रूर देखना चाहिए अगर एक्टिंग की बात करें तो सीरीज में प्रतीक गांधी ने जो सी बी आई ऑफिसर का रोल प्ले किया है वो बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया भी है शुरू एक ऐसा अधिकारी है जिसकी अपनी राजनीतिक विचारधारा होती है और वे राजनेता अंबिका प्रसाद यानी कि विनोद कुमार का नज़दीकी भी होता है सोदा भारद्वाज की किरदार में मिर्चा चड्डा भी यहाँ पर दमदार लगती है और वो भी अपने किरदार के अंदर एकदम फिट बैठती है अगर आप एक बेहतरीन सीरीज़ को मिस नहीं करना चाहते तो आप लोग दोस्तों जो है इस सीरीज़ को देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है मैंने इसे दोस्तों काफ़ी समय पहले देखा था दो के अंदर ही मैंने देख लिया था और ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और मैं आपको यहाँ पर जो है जो सीज़न टू के बारे में बताऊँ तो भाई सीज़न टू ज़रूर आएगा क्योंकि यहाँ पर अभी तक ये पता नहीं लगा है कि आखिरकार किसने सब कुछ किया है और उसका मकसद क्या है सीज़न टू के अंदर वो सारे राज खुल जाएंगे कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है आपको जब भी टाइम मिले तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर इंजॉय करिएगा मुझे उम्मीद है कि आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेंगी अगर आप भी बॉलीवुड की वेब सीरीज़ या फिर फिल्में देखते हो गए तो शायद प्रतीक गांधी को जानते ही हो गए जिनकी एक बहुत ही बड़ी जो फेमस सीरीज़ रही है जहाँ से उनकी जो पॉपुलर्टी वो काफ़ी बड़ी है हम इन्हीं की एक शानदार सीरीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे साथ ही में मैं आपको यहाँ पर ये भी बताऊँगा ये कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है और इसका सीज़न टू कब आएगा ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे तो दोस्तों इस सीरीज़ का नाम है द ग्रेट इंडियन मर्डर 2022 में से रिलीज़ कराया गया था इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर आपको एक बहुत ही तगड़ी मिस्र दिखाई गई है अगर आप लोगों को ऐसी फिल्म देखना अच्छा लगता है जिसके अंदर मर्डर मिस्ट्री हो तो मेरी ये सीरीज़ आपके लिए ही है ये आपको पूरी तरह से एंड तक बांधे रखेंगी यहाँ तक कि आप पता ही नहीं लगा पाएंगे कि इसका मुख्य विलन कौन है और उसने ये सब कुछ क्यों किया है तो चलिए बात करते हैं पहले इस सीरीज़ के बारे में मैं आपको कुछ यहाँ पर जानकारी देता हूँ फिर आगे इसके एपिसोड के बारे में बात करेंगे और कहाँ पर ये अवेलेबल है वो भी बात करेंगे तो इस सीरीज़ के अंदर आपको लगभग जो है वो नौ एपिसोड देखने को मिलेंगे और इसकी जो कहानी है वो दोस्तों सिख्स एस्पेक्ट बाय विकास सौरभ जो है इनके ऊपर ही आधारित है तो जो लेड काफ इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे प्रतीक गांधी पवली डम ऋचा चड्डा आशुतोष राना जतिन गोस्वामी रोचा लमनदार सारिब हाशमी और ससंग अरोरा रघुवीर यादव शक्ति मोहन निकेतन ग्रोवर धीरज राणा रोशद राणा अमी वाघ लेमान कंचन घोष राजद भगत ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे इस सीरीज़ को जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग इसे छः पॉइंट सात की रेटिंग मिली है और जो रॉटेन टॉमेटो वहां वहाँ पर भी लगभग जो है वो सत्तर प्रतिशत मिले हुए हैं तो आप यहाँ पर यह अनुमान लगा सकते हैं कि एक वॉचेबल सीरीज है अगर आप लोग दोस्तों इसे हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो इसके सभी एपिसोड आपको मिल जाएंगे डिजनी प्लस हॉटस्टार पे और इसका जो दूसरा सीज़न है वो भी आपको काफ़ी जल्दी ही देखने को मिल जाएगा जहाँ तक न्यूज़ आई है मालूम पड़ा है कि वो आपको 2025 तक देखने को मिलेगा क्योंकि आप जब इस सीरीज़ को देखेंगे तो आपको पता ही जाएगा कि इसका दूसरा सीज़न ज़रूर आएगा यहाँ पर दोस्तों जो बड़ी बात है वो इस मूवी की स्टोरी है शुरुआत के अंदर मुझे लगा कि अभी सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म होगी लेकिन जो इसका क्लाइमेक्स आया वो गज़ब का रहा था क्लाइमेक्स के अंदर स्टोरी जो है एकदम पलट जाती है और यहाँ पर ये यह पता लगाना थोड़ा मुश्किल रह जाता है कि आखिरकार इस मूवी के अंदर विलन कौन था और उसने ये सब कुछ क्यों किया है इस वेब सीरीज़ की जो कहानी शुरू होती है दिल्ली में जहाँ पर मशहूर राजनेता जगन्नाथ राय यानी ये जो आशूस राना है उनके एक जो कि उनके बिजनेसम बेटे होते हैं जिनका रोल यहाँ पर जतिन गोस्वामी का है वो एक पार्टी के अंदर दो लड़कियों के साथ गलत काम करते हैं और उनके ऊपर मर्डर का आरोप लग जाता है इसके बाद इस केस की जो जांच होती है शुरू होती है जो कि जगन्नाथ राय पुलिस के अधिकारियों को रिश्वत देकर अपने बेटे को छुड़वा लेता है केस से बरी होने के बाद वो खुशी में होता है विकी एक शानदार पार्टी देता है जहाँ उसका मर्डर होता है और उसके बाद जगन्नाथ राय और विकी के मर्डर की जाँच सी को सौंप दी जाती है और इस केस की जाँच और इस केस की जो जांच की जिम्मेदारी रहती है वो सी बी ऑफिसर सूरज यादव यानी कि प्रतीप गांधी और पुलिस ऑफिसर सुधा भारद्वाज यानी कि रिजा चड्डाई की होती है अब केस के अंदर कुल छः लोगों को ऊपर जो सब होता है और विकी का जो मर्डर किसने किया है और इसका उद्देश्य क्या था ये आपको इस सीरीज के अंदर जानने को मिलेगा इस सीरीज की जो तो कहानी है उनका जो तो डायरेक्शन है वो बहुत ही बढ़िया है विजय मौर्या और पुनीत शर्मा ने यहाँ पर बेहतरीन तरीके से नावल से अडोप किया है इसका जो स्क्रीन प्ले वो बहुत ही बढ़िया है और यहाँ पर जरूर से सीरीज आपको बांधी भी रखती है और पूरी सीरीज़ के अंदर आप जो है वो अंदाज़ लगाते रहेंगे कि आखिर ये मर्डर किसने किया है और क्यों किया है इस कहानी के अंदर राजनीतिक सासिक भी हैं बुख भी यहाँ पर देखने को मिलेगा इसी के साथ आपको यहाँ पर जो है एक गज़ब की स्टोरी देखने को मिलेंगी स्टूडेंट पॉलिटिक्स जातिवाद और मीडिया का यहाँ पे जो रोल है वो भी चर्चा में देखने को मिलेगा सीरीज की जो कहानी है वो बहुत ही अच्छी है बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है इसकी शूटिंग दिल्ली से लेकर राजस्थान झारखंड छत्तीसगढ़ कोलकाता और चांदी जैसी जगह पे हुआ है क्योंकि तो जो मूवी के अंदर जो विलन दिखाया गए हैं वो अलग अलग लोकेशन पे होते हैं और जो सी वाले हैं और पुलिस ऑफिसर वहाँ पर ढूंढ निकलते हैं भले ही आप सीरीज एक नावल पर आधारित है लेकिन हाँ दिगमांच दुलिया ने इसे बहुत ही बेहतरीन बनाया है जो कि देखने लायक है अगर आप लोग क्राइम थ्रिलर मिक्स सीरीज देखते हैं तो फिर आपको इसे मिस नहीं करना चाहिए डेफिनेटली आपको जो है वो एक बार ज़रूर देखना चाहिए अगर एक्टिंग की बात करें तो सीरीज़ में प्रतीक गांधी ने जो सी बी आई ऑफिसर का रोल प्ले किया है वो बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया भी है शुरू एक ऐसा अधिकारी है जिसकी अपनी राजनीतिक विचारधारा होती है और वे राजनेता अंबिका प्रसाद यानी कि विनोद कुमार का नज़दीकी भी होता है सुधा भारद्वाज के किरदार में मेंचा चड्डा भी यहाँ पर दमदार लगती है और वो भी अपने किरदार के अंदर एकदम फिट बैठती है अगर आप एक बेहतरीन सीरीज़ को मिस नहीं करना चाहते तो आप लोग दोस्तों जो है इस सीरीज़ को देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है मैंने इसे दोस्तों काफ़ी समय पहले देखा था दो के अंदर ही मैंने देख लिया था और ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और मैं आपको यहाँ पर जो है जो सीज़न टू के बारे में बताऊँ तो भाई सीज़न टू ज़रूर आएगा क्योंकि यहाँ पर अभी तक ये पता नहीं लगा है कि आखिरकार किसने सब कुछ किया है और उसका मकसद क्या है सीज़न टू के अंदर वो राज खुल जाएंगे कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है आपको जब भी टाइम मिले तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर इंजॉय करिएगा मुझे उम्मीद है कि आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेंगी अगर आप भी बॉलीवुड की वेब सीरीज़ या फिर फिल्में देखते हो तो शायद प्रतिक गांधी को जानते ही हो जिनकी एक बहुत ही बड़ी जो फेमस सीरीज़ रही है जहाँ से उनकी जो पॉपुलर्टी वो काफ़ी बड़ी है आज हम इन्हीं की एक शानदार सीरीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे साथ ही में मैं आपको यहाँ पर ये भी बताऊँगा ये कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है और इसका सीज़न टू कब आएगा ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे तो दोस्तों इस सीरीज़ का नाम है द ग्रेट इंडियन मर्डर 2022 में से रिलीज़ कराया गया था इसकी ख़ास बात यह है कि इसके अंदर आपको एक बहुत ही तगड़ी मफ्र दिखाई गई है अगर आप लोगों को ऐसी फिल्म देखना अच्छा लगता है जिसके अंदर मर्डर मिस्ट्री हो तो मेरी ये सीरीज आपके लिए ही है ये आपको पूरी तरह से एंड तक बांधे रखेंगी यहाँ तक कि आप पता ही नहीं लगा पाएंगे कि इसका मुख्य विलन कौन है और उसने ये सब कुछ क्यों किया है तो चलिए बात करते हैं पहले इस सीरीज के बारे में मैं आपको कुछ यहाँ पर जानकारी देता हूँ फिर आगे इसके एपिसोड के बारे में बात करेंगे और कहाँ पर ये अवेलेबल है वो भी बात करेंगे तो इस सीरीज़ के अंदर आपको लगभग जो है वो नौ एपिसोड देखने को मिलेंगे और इसकी जो कहानी है वो दोस्तों सिक्स एस्पेक्ट बाय विकास सौरभ जो है इनके ऊपर ही आधारित है तो जो लेड कॉफ इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे प्रतीक गांधी पौली डम्ब ऋचा चड्डा आशतो सराना जतिन गोस्वामी रोचा लमनदार सारिब हाशमी और ससंग अरोरा रघुवीर यादव शक्ति मोहन निकेतन ग्रोवर धीरज राणा रोशद राणा अमी वाघ लेमान कंचन घोष राजद भगत ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे इस सीरीज को जो आईएमडीबी है वहाँ पर 10 में से लगभग इसे छः पॉइंट सात की रेटिंग मिली है और जो रॉटेन टॉमेटो है वहाँ पर भी लगभग जो है वो सत्तर प्रतिशत मिले हुए हैं। तो आप यहाँ पर यह अनुमान लगा सकते हैं कि एक वॉचेबल सीरीज है अगर आप लोग दोस्तों इसे हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो इसके सभी एपिसोड आपको मिल जाएंगे डिजनी प्लस ऑफ्टार पे और इसका जो दूसरा सीज़न है वो भी आपको काफ़ी जल्दी देखने को मिल जाएगा जहाँ तक न्यूज़ आई है मालूम पड़ा है कि वो आपको 2025 तक देखने को मिलेगा क्योंकि आप जब भी सीरीज़ को देखेंगे तो आपको पता चली जाएगा कि इसका दूसरा सीज़न ज़रूर आएगा यहाँ पर दोस्तों जो बड़ी बात है वो इस मूवी की स्टोरी है शुरुआत के अंदर मुझे लगा कि अभी सीरीज यहाँ पे ख़त्म होगी लेकिन जो इसका क्लाइमेक्स आया वो गजब का रहा था क्लाइमेक्स के अंदर स्टोरी जो है एकदम पलट जाती है और यहाँ पर यह पता लगाना थोड़ा मुश्किल रह जाता है कि आखिरकार इस मूवी के अंदर विलन कौन था और उसने ये सब कुछ क्यों किया है इस वेब सीरीज़ की जो कहानी शुरू होती है दिल्ली में जहाँ पर मशहूर राजनेता जगन्नाथ राय यानी कि जो आशूस राणा है उनके एक जो कि उनके बिजनेसमैन बेटे होते हैं जिनका रोल यहाँ पर जतिन गोस्वामी का है वो एक पार्टी के अंदर दो लड़कियों के साथ गलत काम करते हैं और उनके ऊपर मर्डर का आरोप लग जाता है इसके बाद इस केस की जो जांच होती है शुरू होती है जो कि जगन्नाथ राय पुलिस के अधिकारियों को रिश्वत देकर अपने बेटे को छुड़वा लेता है केस से बरी होने के बाद वो खुशी में होता है विकी एक शानदार पार्टी देता है जहाँ उसका मर्डर होता है और उसके बाद जगन्नाथ राय और विकी के मर्डर की जाँच सी को सौंप दी जाती है और इस केस की जांच और इस केस की जो जांच की जिम्मेदारी रहती है वो सी बी ऑफिसर सूरज यादव यानी कि प्रतीक गांधी और पुलिस ऑफिसर सुधा भारद्वाज यानी कि रिजा चड्डाई की होती है अब केस के अंदर कुल छः लोगों को ऊपर जो सब होता है और विकी का जो मर्डर किसने किया है और इसका उद्देश्य क्या था ये आपको इस सीरीज के अंदर जानने को मिलेगा इस सीरीज की जो तो कहानी है उनका जो तो डायरेक्शन है वो बहुत ही बढ़िया है विजय मौर्या और पुनीत शर्मा ने यहाँ पर बेहतरीन तरीके से नावल से अडोप किया है इसका जो स्क्रीन प्ले हो बहुत ही बढ़िया है और यहाँ पर शरू से सीरीज आपको बांधी भी रखती है और पूरी सीरीज़ के अंदर आप जो है वो अंदाज़ा लगाते रहेंगे कि आखिर ये मर्डर किसने किया है और क्यों किया है इस कहानी के अंदर राजनीतिक साहसिक भी है बोख भी यहाँ पर देखने को मिलेगा इसी के साथ आपको यहाँ पर जो है एक गज़ब की स्टोरी देखने को मिलेंगी स्टूडेंट पॉलिटिक्स जातिवाद और मीडिया का यहाँ पे जो रोल है वो भी चर्चा में देखने को मिलेगा सीरीज की जो कहानी है वो बहुत ही अच्छी है बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है इसकी शूटिंग दिल्ली से लेकर राजस्थान झारखंड छत्तीसगढ़ कोलकाता और चांदी जैसी जगह पे हुआ है क्योंकि तो जो मूवी के अंदर जो विलन दिखाया गया है वो अलग अलग लोकेशन पे होते हैं और जो सी बी ए वाले हैं और पुलिस ऑफिसर वहाँ पर ढूंढ निकलते हैं भले ही आप सीरीज एक नॉल पर आधारित है लेकिन हाँ दिगमांच दुलिया ने इसे बहुत ही बेहतरीन बनाया है जो कि देखने लायक है अगर आप लोग क्राइम थ्रिलर मिक्सड सीरीज देखते हैं तो फिर आपको इसे मिस नहीं करना चाहिए डेफिनेटली आपको जो है वो एक बार ज़रूर देखना चाहिए अगर एक्टिंग की बात करें तो सीरीज में प्रतीप गांधी ने जो सी ऑफिसर का रोल प्ले किया है वो बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया भी है सूरज एक ऐसा अधिकारी है जिसकी अपनी राजनीतिक विचारधारा होती है और वे राजनेता अंबिका प्रसाद यानी कि विनोद कुमार का नजदीकी भी होता है सुधा भारद्वाज के किरदार में मेंचा चड्डा भी यहाँ पर दमदार लगती है और वो भी अपने किरदार के अंदर एकदम फिट बैठती है अगर आप एक बेहतरीन सीरीज़ को मिस नहीं करना चाहते तो आप लोग दोस्तों जो है इस सीरीज़ को देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है मैंने इसे दोस्तों काफ़ी समय पहले देखा था दो के अंदर ही मैंने देख लिया था और ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और मैं आपको यहाँ पर जो है जो सीज़न टू के बारे में बताऊँ तो भाई सीज़न टू जरूर आएगा क्योंकि यहाँ पर अभी तक ये पता नहीं लगा है कि आखिरकार किसने सब कुछ किया है और उसका मकसद क्या है सीज़न टू के अंदर वो सर्राज खुल जाएंगे कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है आपको जब भी टाइम मिले तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर इंजॉय करिएगा मुझे उम्मीद है कि आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेंगी अगर आप भी बॉलीवुड की वेब सीरीज़ या फिर फिल्में देखते हो तो शायद प्रतीक गांधी को जानते ही हो जिनकी एक बहुत ही बड़ी जो फेमस सीरीज़ रही है जहाँ से उनकी जो पॉपुलरिटी वो काफ़ी बड़ी है आज हम इन्हीं की एक शानदार सीरीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे साथ ही में मैं आपको यहाँ पर यह भी बताऊँगा ये कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है और इसका सीज़न टू कब आएगा ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे तो दोस्तों इस सीरीज़ का नाम है द ग्रेट इंडियन मर्डर 2022 में से रिलीज़ कराया गया था इसकी ख़ास बात यह है कि इसके अंदर आपको एक बहुत ही तगड़ी मिस्र दिखाई गई है अगर आप लोगों को ऐसी फिल्म देखना अच्छा लगता है जिसके अंदर मर्डर मिस्ट्री हो तो मेरी ये सीरीज़ आपके लिए ही है ये आपको पूरी तरह से एंड तक बांधे रखेंगी यहाँ तक कि आप पता ही नहीं लगा पाएंगे कि इसका मुख्य विलन कौन है और उसने ये सब कुछ क्यों किया है तो चलिए बात करते हैं पहले इस सीरीज़ के बारे में मैं आपको कुछ यहाँ पर जानकारी देता हूँ फिर आगे इसके एपिसोड के बारे में बात करेंगे और कहाँ पर ये अवेलेबल है वो भी बात करेंगे तो इस सीरीज़ के अंदर आपको लगभग जो है वो नौ एपिसोड देखने को मिलेंगे और इसकी जो कहानी है वो दोस्तों सिक्स सस्पेक्ट बाय विकास सौरभ जो है इनके ऊपर ही आधारित है तो जो लेड कॉफ इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे प्रतीक गांधी पवली डम ऋचा चड्डा तो सराना जतिन गोस्वामी रोचा लमनदार सारिब हाशमी और ससंग अरोरा रघुवीर यादव शक्ति मोहन निकेतन ग्रोवर धीरज राणा रोसद राणा अमी वाघ लेमान कंचन घोष राजद भगत ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे इस सीरीज को जो आईएमडीबी है वहाँ पर 10 में से लगभग इसे 6.7 पॉइंट सात की रेटिंग मिली है और जो रॉट एन टॉमेटो वहाँ पर भी लगभग जो है वो सत्तर प्रतिशत मिले हुए हैं। तो आप यहाँ पर यही अनुमान लगा सकते हैं कि एक वॉचेबल सीरीज है अगर आप लोग दोस्तों इसे हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो इसके सभी एपिसोड आपको मिल जाएंगे डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर और इसका जो दूसरा सीज़न है वो भी आपको काफ़ी जल्दी ही देखने को मिल जाएगा जहाँ तक न्यूज़ आई है मालूम पड़ा है कि वो आपको 2025 तक देखने को मिलेगा क्योंकि आप जब इस सीरीज़ को देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि इसका दूसरा सीज़न ज़रूर आएगा यहाँ पर दोस्तों जो बड़ी बात है वो इस मूवी की स्टोरी है शुरुआत के अंदर मुझे लगा कि अभी सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म होगी लेकिन जो इसका क्लाइमेक्स आया वो गजब का रहा था क्लाइमेक्स के अंदर स्टोरी जो है एकदम पलट जाती है और यहाँ पर ये यह पता लगाना थोड़ा मुश्किल रह जाता है कि आखिरकार इस मूवी के अंदर विलन कौन था और उसने ये सब कुछ क्यों किया है इस वेब सीरीज़ की जो कहानी शुरू होती है दिल्ली में जहाँ पर मशहूर राजनेता जगन्नाथ राय यानी कि जो आशूस राणा है उनके एक जो कि उनके बिजनेसम बेटे होते हैं जिनका रोल यहाँ पर जतिन गोस्वामी का है वो एक पार्टी के अंदर दो लड़कियों के साथ गलत काम करते हैं और उनके ऊपर मर्डर का आरोप लग जाता है इसके बाद इस केस की जो जांच होती है शुरू होती है जो कि जगन्नाथ राय पुलिस के अधिकारियों को रिश्वत देकर अपने बेटे को छुड़वा लेता है केस से बरी होने के बाद वो खुशी में होता है विकी एक शानदार पार्टी देता है जहाँ उसका मर्डर होता है और उसके बाद जगन्नाथ राय और विकी के मर्डर की जाँच सी को सौंप दी जाती है और इस केस की जाँच और इस केस की जो जांच की जिम्मेदारी रहती है वो सी बी ऑफिसर सूरज यादव यानी कि प्रतीप गांधी और पुलिस ऑफिसर सुधा भारद्वाज यानी कि रिजा चड्डाई की होती है अब केस के अंदर कुल छः लोगों को ऊपर जो सब होता है और विकी का जो मर्डर किसने किया है और इसका उद्देश्य क्या था ये आपको इस सीरीज के अंदर जानने को मिलेगा इस सीरीज की जो तो कहानी है उनका जो तो डायरेक्शन है वो बहुत ही बढ़िया है विजय मौर्या और पुनीत शर्मा ने यहाँ पर बेहतरीन तरीके से नावल से अड़प किया है इसका जो स्क्रीन प्ले हो बहुत ही बढ़िया है और यहाँ पर शरू से सीरीज आपको बांधी भी रखती है और पूरी सीरीज़ के अंदर आप जो है अंदाज़ा लगाते रहेंगे कि आखिर ये मर्डर किसने किया है और क्यों किया है इस कहानी के अंदर राजनीतिक सासिक भी है बख भी यहाँ पर देखने को मिलेगा इसी के साथ आपको यहाँ पर जो है एक गज़ब की स्टोरी देखने को मिलेंगी स्टूडेंट पॉलिटिक्स जातिवाद और मीडिया का यहाँ पे जो रोल है वो भी चर्चा में देखने को मिलेगा सीरीज की जो कहानी है वो बहुत ही अच्छी है बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है ये इसकी शूटिंग दिल्ली से लेकर राजस्थान झारखंड छत्तीसगढ़ कोलकाता और चांदी जैसी जगहों पर हुआ है क्योंकि जो मूवी के अंदर जो विलन दिखाए गए हैं वो अलग अलग लोकेशन पर होते हैं और जो सी वाले हैं और पुलिस ऑफिसर वहाँ पर ढूंढ निकलते हैं भले ही आप सीरीज एक नॉल पर आधारित है लेकिन हाँ दिगमांच दुलिया ने इसे बहुत ही बेहतरीन बनाया है जो कि देखने लायक है अगर आप लोग क्राइम थ्रिलर मिक्स की सीरीज देखते हैं तो फिर आपको इसे मिस नहीं करना चाहिए डेफिनेटली आपको जो है वो एक बार ज़रूर देखना चाहिए अगर एक्टिंग की बात करें तो सीरीज़ में प्रतिप गांधी ने जो सी बी आई ऑफिसर का रोल प्ले किया है वो बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया भी है सूरज एक ऐसा अधिकारी है जिसकी अपनी राजनीतिक विचारधारा होती है और वे राजनेता अंबिका प्रसाद यानी कि विनोद कुमार का नज़दीकी भी होता है सुधा भारद्वाज के किरदार में मिर्चा चड्डा भी यहाँ पर दमदार लगती है और वो भी अपने किरदार के अंदर एकदम फिट बैठती है अगर आप एक बेहतरीन सीरीज़ को मिस नहीं करना चाहते तो आप लोग दोस्तों जो है इस सीरीज़ को देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है मैंने इसे दोस्तों काफ़ी समय पहले देखा था दो के अंदर ही मैंने देख लिया था और ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और मैं आपको यहाँ पर जो है जो सीज़न टू के बारे में बताऊँ तो भाई सीज़न टू जरूर आएगा क्योंकि यहाँ पर अभी तक ये पता नहीं लगा है कि आखिरकार किसने सब कुछ किया है और उसका मकसद क्या है सीजन टू के अंदर वो सारे राज खुल जाएंगे कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है आपको जब भी टाइम मिले तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर इंजॉय करिएगा मुझे उम्मीद है कि आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेंगी अगर आप भी बॉलीवुड की वेब सीरीज़ या फिर फिल्में देखते हो तो शायद प्रतीक गांधी को जानते ही हो जिनकी एक बहुत ही बड़ी जो फेमस सीरीज़ रही है जहाँ से उनकी जो पॉपुलरिटी वो काफ़ी बड़ी है आज हम इन्हीं की एक शानदार सीरीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे साथ ही में मैं आपको यहाँ पर ये भी बताऊँगा ये कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है और इसका सीज़न टू कब आएगा ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे तो दोस्तों इस सीरीज़ का नाम है द ग्रेट इंडियन मर्डर 2022 में से रिलीज़ कराया गया था इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर आपको एक बहुत ही तगड़ी मिस्र दिखाई गई है अगर आप लोगों को ऐसी फिल्म देखना अच्छा लगता है जिसके अंदर मर्डर मिस्ट्री हो तो फिर ये सीरीज़ आपके लिए ही है ये आपको पूरी तरह से एंड तक बांधे रखेंगी यहाँ तक कि आप पता ही नहीं लगा पाएंगे कि इसका मुख्य विलन कौन है और उसने ये सब कुछ क्यों किया है तो चलिए बात करते हैं पहले इस सीरीज़ के बारे में मैं आपको कुछ यहाँ पर जानकारी देता हूँ फिर आगे इसके एपिसोड के बारे में बात करेंगे और कहाँ पर ये अवेलेबल वो भी बात करेंगे तो इस सीरीज़ के अंदर आपको लगभग जो है वो नौ एपिसोड देखने को मिलेंगे और इसकी जो कहानी है वो दोस्तों सिक्स अस्पेक्ट बाई विकास सौरभ जो है इनके ऊपर ही आधारित है तो जो लेड कॉफ थी इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे प्रतीक गांधी पवली डम ऋचा चड्डा तो सराना जतिन गोस्वामी रोचा लमनदार सारिब हासमी और ससंग अरोरा रघुवीर यादव शक्ति मोहन निकेतन ग्रोवर धीरज राणा रोशद राणा अमी बाग लेमान कंचन घोष राजद भगत ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे इस सीरीज़ को जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग इसे छः पॉइंट सात की रेटिंग मिली है और जो रोटेन टॉमेटो वहां वहाँ पर भी लगभग जो है वो सत्तर प्रतिशत मिले हुए हैं तो आप यहाँ पर यह अनुमान लगा सकते हैं कि एक वॉचेबल सीरीज़ है अगर आप लोग दोस्तों इसे हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो इसके सभी एपिसोड आपको मिल जाएंगे डिजनी प्लस अफतार पे और इसका जो दूसरा सीज़न है वो भी आपको काफ़ी जल्दी ही देखने को मिल जाएगा जहाँ तक न्यूज़ आई है मालूम पड़ा है कि वो आपको 2025 तक देखने को मिलेगा क्योंकि आप जब इस सीरीज़ को देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि इसका दूसरा सीज़न ज़रूर आएगा यहाँ पर दोस्तों जो बड़ी बात है वो इस मूवी की स्टोरी है शुरुआत के अंदर मुझे लगा कि अब ये सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म होगी लेकिन जो इसका क्लाइमेक्स आया वो गज़ब का रहा था क्लाइमेक्स के अंदर स्टोरी जो है एकदम पलट जाती है और यहाँ पर ये यह पता लगाना थोड़ा मुश्किल रह जाता है कि आखिरकार इस मूवी के अंदर विलन कौन था और उसने ये सब कुछ क्यों किया है इस वेब सीरीज़ की जो कहानी शुरू होती है दिल्ली में जहाँ पर मशहूर राजनेता जगन्नाथ राय यानी ये जो आशूष राणा है उनके एक जो कि उनके बिजनेसमैन बेटे होते हैं जिनका रोल यहाँ पर जतिन गोस्वामी का है वो एक पार्टी के अंदर दो लड़कियों के साथ गलत काम करते हैं और उनके ऊपर मर्डर का आरोप लग जाता है इसके बाद इस केस की जो जांच होती है शुरू होती है जो कि जगन्नाथ राय पुलिस के अधिकारियों को रिश्वत देकर अपने बेटे को छुड़वा लेता है केस से बरी होने के बाद वो खुशी में होता है विकी एक शानदार पार्टी देता है जहाँ उसका मर्डर होता है और उसके बाद जगन्नाथ राय और विकी के मर्डर की जाँच सी को सौंप दी जाती है और इस केस की जाँच और इस केस की जो जांच की जिम्मेदारी रहती है वो सी बी आई ऑफिसर सूरज यादव यानी कि प्रदीप गांधी और पुलिस ऑफिसर सुधा भारद्वाज यानी कि रिजा चड्डाई की होती है अब केस के अंदर कुल छः लोगों को ऊपर जो सब होता है और वीक का जो मर्डर किसने किया है और इसका उद्देश्य क्या था ये आपको इस सीरीज के अंदर जानने को मिलेगा इस सीरीज की जो तो कहानी है उनका जो तो डायरेक्शन है वो बहुत ही बढ़िया है विजय मौर्या और पुनीत शर्मा ने यहाँ पर बेहतरीन तरीके से नावल से अडोप किया है इसका जो स्क्रीन प्ले वो बहुत ही बढ़िया है और यहाँ पर जरूर से सीरीज आपको बांधी भी रखती है और पूरी सीरीज़ के अंदर आप जो है वो अंदाज़ा लगाते रहेंगे कि आखिर ये मर्डर किसने किया है और क्यों किया है इस कहानी के अंदर राजनीतिक सासिक भी है बख भी यहाँ पर देखने को मिलेगा इसी के साथ आपको यहाँ पर जो है एक गज़ब की स्टोरी देखने को मिलेंगी स्टूडेंट पॉलिटिक्स जातिवाद और मीडिया का यहाँ पर जो रोल है वो भी चर्चा में देखने को मिलेगा सीरीज की जो कहानी है वो बहुत ही अच्छी है बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है इसकी शूटिंग दिल्ली से लेकर राजस्थान झारखंड छत्तीसगढ़ कोलकाता और चांदी जैसी जगह पर हुआ है क्योंकि जो मूवी के अंदर जो विलन दिखाए गए हैं वो अलग अलग लोकेशन पे होते हैं और जो सी वाले हैं और पुलिस ऑफिसर वहाँ पर ढूंढ निकलते हैं भले ही आप सीरीज एक नॉल पर आधारित है लेकिन हाँ दिग्मांचु दुलिया ने इसे बहुत ही बेहतरीन बनाया है जो कि देखने लायक है अगर आप लोग क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री सीरीज देखते हैं तो फिर आपको इसे मिस नहीं करना चाहिए डेफिनेटली आपको जो है वो एक बार ज़रूर देखना चाहिए अगर एक्टिंग की बात करें तो सीरीज़ में प्रतीक गांधी ने जो सी बी आई ऑफिसर का रोल प्ले किया है वो बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया भी है शुरू एक ऐसा अधिकारी है जिसकी अपनी राजनीतिक विचारधारा होती है और वे राजनेता अंबिका प्रसाद यानी कि विनोद कुमार का नज़दीकी भी होता है सोदा भारद्वाज के किरदार में मिर्चा चड्डा भी यहाँ पर दमदार लगती है और वो भी अपने किरदार के अंदर एकदम फिट बैठती है अगर आप एक बेहतरीन सीरीज़ को मिस नहीं करना चाहते तो आप लोग दोस्तों जो है इस सीरीज़ को देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है मैंने इसे दोस्तों काफ़ी समय पहले देखा था दो के अंदर ही मैंने देख लिया था और ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और मैं आपको यहाँ पर जो है जो सीज़न टू के बारे में बताऊँ तो भाई सीज़न टू ज़रूर आएगा क्योंकि यहाँ पर अभी तक ये पता नहीं लगा है कि आखिरकार किसने सब कुछ किया है और उसका मकसद क्या है सीज़न टू के अंदर वो सर्राज़ खुल जाएंगे कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है आपको जब भी टाइम मिले तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर इंजॉय करिएगा मुझे उम्मीद है कि आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेंगी अगर आप भी बॉलीवुड की वेब सीरीज़ या फिर फिल्में देखते हो गए तो शायद प्रतीक गांधी को जानते ही हो गए जिनकी एक बहुत ही बड़ी जो फेमस सीरीज़ रही है जहाँ से उनकी जो पॉपुलर्टी वो काफ़ी बड़ी है हम इन्हीं की एक शानदार सीरीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे साथ ही में मैं आपको यहाँ पर यह भी बताऊँगा ये कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है और इसका सीज़न टू कब आएगा ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे तो दोस्तों इस सीरीज़ का नाम है द ग्रेट इंडियन मर्डर 2022 में से रिलीज़ कराया गया था इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर आपको एक बहुत ही तगड़ी मिस्र दिखाई गई है अगर आप लोगों को ऐसी फिल्म देखना अच्छा लगता है जिसके अंदर मर्डर मिस्ट्री हो तो फिर ये सीरीज़ आपके लिए ही है ये आपको पूरी तरह से एंड तक बांधे रखेंगी यहाँ तक कि आप पता ही नहीं लगा पाएंगे कि इसका मुख्य विलन कौन है और उसने ये सब कुछ क्यों किया है तो चलिए बात करते हैं पहले इस सीरीज़ के बारे में मैं आपको कुछ यहाँ पर जानकारी देता हूँ फिर आगे इसके एपिसोड के बारे में बात करेंगे और कहाँ पर ये अवेलेबल है वो भी बात करेंगे तो इस सीरीज़ के अंदर आपको लगभग जो है वो नौ एपिसोड देखने को मिलेंगे और इसकी जो कहानी है वो दोस्तों सिक्स सस्पेक्ट बाय विकास सौरभ जो है इनके ऊपर ही आधारित है तो जो लेड कॉफ थी इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे प्रतीक गांधी पवली डम ऋचा चड्डा आशुतोस राना जतिन गोस्वामी रोचा लमनदार सारिब हाशमी और ससंग अरोरा रघुवीर यादव शक्ति मोहन निकेतन ग्रोवर धीरज राणा रोशद राणा अमी बाघ लेमान कंचन घोष राजद भगत ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे इस सीरीज़ को जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग इसे छः पॉइंट सात की रेटिंग मिली है और जो रॉटन टॉमेटो वहां वहाँ पर भी लगभग जो है वो सत्तर प्रतिशत मिले हुए हैं तो आप यहाँ पर यह अनुमान लगा सकते हैं कि एक वॉचेबल सीरीज़ है अगर आप लोग दोस्तों इसे हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो इसके सभी एपिसोड आपको मिल जाएंगे डिजनी प्लस ऑफटार पे और इसका जो दूसरा सीज़न है वो भी आपको काफ़ी जल्दी ही देखने को मिल जाएगा जहाँ तक न्यूज़ आई है मालूम पड़ा है कि वो आपको 2025 तक देखने को मिलेगा क्योंकि आप जब भी सीरीज़ को देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि इसका दूसरा सीज़न ज़रूर आएगा यहाँ पर दोस्तों जो बड़ी बात है वो इस मूवी की स्टोरी है शुरुआत के अंदर मुझे लगा कि अभी सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म होगी लेकिन जो इसका क्लाइमेक्स आया वो गज़ब का रहा था क्लाइमेक्स के अंदर स्टोरी जो है एकदम पलट जाती है और यहाँ पर ये यह पता लगाना थोड़ा मुश्किल रह जाता है कि आखिरकार इस मूवी के अंदर विलन कौन था और उसने ये सब कुछ क्यों किया है इस वेब सीरीज़ की जो कहानी शुरू होती है दिल्ली में जहाँ पर मशहूर राजनेता जगन्नाथ राय यानी ये जो आशूस राना है उनके एक जो कि उनके बिजनेसम बेटे होते हैं जिनका रोल यहाँ पर जतिन गोस्वामी का है वो एक पार्टी के अंदर दो लड़कियों के साथ गलत काम करते हैं और उनके ऊपर मर्डर का आरोप लग जाता है इसके बाद इस केस की जो जांच होती है शुरू होती है जो कि जगन्नाथ राय पुलिस के अधिकारियों को रिश्वत देकर अपने बेटे को छुड़वा लेता है केस से बरी होने के बाद वो खुशी में होता है विकी एक शानदार पार्टी देता है जहाँ उसका मर्डर होता है और उसके बाद जगन्नाथ राय और विकी के मर्डर की जाँच सी को सौंप दी जाती है और इस केस की जाँच और इस केस की जो जांच की जिम्मेदारी रहती है वो सी बी ऑफिसर सूरज यादव यानी कि प्रतीप गांधी और पुलिस ऑफिसर सुधा भारद्वाज यानी कि रिजा चड्डाई की होती है अब केस के अंदर कुल छः लोगों को ऊपर जो सब होता है और विकी का जो मर्डर किसने किया है और इसका उद्देश्य क्या था ये आपको इस सीरीज के अंदर जानने को मिलेगा इस सीरीज की जो तो कहानी है उनका जो तो डायरेक्शन है वो बहुत ही बढ़िया है विजय मौर्या और पुनीत शर्मा ने यहाँ पर बेहतरीन तरीके से नावल से अडोप किया है इसका जो स्क्रीन प्ले है बहुत ही बढ़िया है और यहाँ पर शरू से सीरीज आपको बांधी भी रखती है और पूरी सीरीज़ के अंदर आप जो है वो अंदाज़ लगाते रहेंगे कि आखिर ये मर्डर किसने किया है और क्यों किया है इस कहानी के अंदर राजनीतिक सासिक भी हैं बुक भी यहाँ पर देखने को मिलेगा इसी के साथ आपको यहाँ पर जो है एक गज़ब की स्टोरी देखने को मिलेंगी स्टूडेंट पॉलिटिक्स जातिवाद और मीडिया का यहाँ पे जो रोल है वो भी चर्चा में देखने को मिलेगा सीरीज की जो कहानी है वो बहुत ही अच्छी है बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है इसकी शूटिंग दिल्ली से लेकर राजस्थान झारखंड छत्तीसगढ़ कोलकाता और चांदी जैसी जगह पर हुआ है क्योंकि जो मूवी के अंदर जो विलन दिखाया गए हैं वो अलग अलग लोकेशन पर होते हैं और जो सी वाले हैं और पुलिस ऑफिसर वहाँ पर ढूंढ निकलते हैं भले ही आप सीरीज एक नॉवल पर आधारित है लेकिन हाँ दिगमांच दुल् ने इसे बहुत ही बेहतरीन बनाया है जो कि देखने लायक है अगर आप लोग क्राइम थ्रिलर मिक्स सीरीज देखते हैं तो फिर आपको इसे मिस नहीं करना चाहिए डेफिनेटली आपको जो है वो एक बार जरूर देखना चाहिए अगर एक्टिंग की बात करें तो सीरीज़ में प्रतिप गांधी ने जो सी बी आई ऑफिसर का रोल प्ले किया है वो बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया भी है शुरू एक ऐसा अधिकारी है जिसकी अपनी राजनीतिक विचारधारा होती है और वे राजनेता अंबिका प्रसाद यानी कि विनोद कुमार का नज़दीकी भी होता है सुधा भारद्वाज के किरदार में मेंचा चड्डा भी यहाँ पर दमदार लगती है और वो भी अपने किरदार के अंदर एकदम फिट बैठती है अगर आप एक बेहतरीन सीरीज़ को मिस नहीं करना चाहते तो आप लोग दोस्तों जो है इस सीरीज़ को देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है मैंने इसे दोस्तों काफ़ी समय पहले देखा था दो के अंदर ही मैंने देख लिया था और ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और मैं आपको यहाँ पर जो है जो सीज़न टू के बारे में बताऊँ तो भाई सीज़न टू ज़रूर आएगा क्योंकि यहाँ पर अभी तक ये पता नहीं लगा है कि आखिरकार किसने सब कुछ किया है और उसका मकसद क्या है सीज़न टू के अंदर वो राज खुल जाएंगे कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है आपको जब भी टाइम मिले तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर इंजॉय करिएगा मुझे उम्मीद है कि आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेंगी अगर आप भी बॉलीवुड की वेब सीरीज़ या फिर फिल्में देखते हो तो शायद प्रतिक गांधी को जानते ही हो जिनकी एक बहुत ही बड़ी जो फेमस सीरीज़ रही है जहाँ से उनकी जो पॉपुलर्टी वो काफ़ी बड़ी है हम इन्हीं की एक शानदार सीरीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे साथ ही में मैं आपको यहाँ पर ये भी बताऊँगा ये कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है और इसका सीज़न टू कब आएगा ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे तो दोस्तों इस सीरीज़ का नाम है द ग्रेट इंडियन मर्डर 2022 में से रिलीज़ कराया गया था इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर आपको एक बहुत ही तगड़ी मफ्र दिखाई गई है अगर आप लोगों को ऐसी फिल्म देखना अच्छा लगता है जिसके अंदर मर्डर मिस्ट्री हो तो मेरी ये सीरीज़ आपके लिए ही है ये आपको पूरी तरह से एंड तक बांधे रखेंगी यहाँ तक कि आप पता ही नहीं लगा पाएंगे कि इसका मुख्य विलन कौन है और उसने ये सब कुछ क्यों किया है तो चलिए बात करते हैं पहले इस सीरीज़ के बारे में मैं आपको कुछ यहाँ पर जानकारी देता हूँ फिर आगे इसके एपिसोड के बारे में बात करेंगे और कहाँ पर ये अवेलेबल है वो भी बात करेंगे तो इस सीरीज़ के अंदर आपको लगभग जो है वो नौ एपिसोड देखने को मिलेंगे और इसकी जो कहानी है वो दोस्तों सिख्स एस्पेक्ट बाय विकास सौरभ जो है इनके ऊपर ही आधारित है तो जो लेड कॉफ थी इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे प्रतीक गांधी पवली डम ऋचा चड्डा आशतो सराना जतिन गोस्वामी रोचा लमनदार सारिब हाशमी और ससंग अरोरा रघुवीर यादव शक्ति मोहन निकेतन ग्रोवर धीरज राणा रोशद राणा अमी वाघ लेमान कंचन घोष राजद भगत ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे इस सीरीज को जो आईएमडीबी है वहाँ पर 10 में से लगभग इसे 6.7 पॉइंट सात की रेटिंग मिली है और जो रॉट एन टोमेटो है वहाँ पर भी लगभग जो है वो सत्तर प्रतिशत मिले हुए हैं। तो आप यहाँ पर यह अनुमान लगा सकते हैं कि एक वॉचेबल सीरीज है अगर आप लोग दोस्तों इसे हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो इसके सभी एपिसोड आपको मिल जाएंगे डिजनी प्लस ऑफटार पे और इसका जो दूसरा सीज़न है वो भी आपको काफ़ी जल्दी ही देखने को मिल जाएगा जहाँ तक न्यूज़ आई है मालूम पड़ा है कि वो आपको 2025 तक देखने को मिलेगा क्योंकि आप जब इस सीरीज़ को देखेंगे तो आपको पता ही जाएगा कि इसका दूसरा सीज़न ज़रूर आएगा यहाँ पर दोस्तों जो बड़ी बात है वो इस मूवी की स्टोरी है शुरुआत के अंदर मुझे लगा कि अभी सीरीज यहाँ पे ख़त्म होगी लेकिन जो इसका क्लाइमेक्स आया वो गजब का रहा था क्लाइमेक्स के अंदर स्टोरी जो है एकदम पलट जाती है और यहाँ पर यह पता लगाना थोड़ा मुश्किल रह जाता है कि आखिरकार इस मूवी के अंदर विलन कौन था और उसने ये सब कुछ क्यों किया है इस वेब सीरीज़ की जो कहानी शुरू होती है दिल्ली में जहाँ पर मशहूर राजनेता जगन्नाथ राय यानी ये जो आशूस राणा है उनके एक जो कि उनके बिजनेसम बेटे होते हैं जिनका रोल यहाँ पर जतिन गोस्वामी का है वो एक पार्टी के अंदर दो लड़कियों के साथ गलत काम करते हैं और उनके ऊपर मर्डर का आरोप लग जाता है इसके बाद इस केस की जो जांच होती है शुरू होती है जो कि जगन्नाथ राय पुलिस के अधिकारियों को रिश्वत देकर अपने बेटे को छुड़वा लेता है केस से बरी होने के बाद वो खुशी में होता है विकी एक शानदार पार्टी देता है जहाँ उसका मर्डर होता है और उसके बाद जगन्नाथ राय और विकी के मर्डर की जाँच सी को सौंप दी जाती है और इस केस की जाँच और इस केस की जो जांच की जिम्मेदारी रहती है वो सी बी ऑफिसर सूरज यादव यानी कि प्रतीप गांधी और पुलिस ऑफिसर सुधा भारद्वाज यानी कि रिजा चड्डाई की होती है अब केस के अंदर कुल छः लोगों को ऊपर जो सब होता है और विकी का जो मर्डर किसने किया है और इसका उद्देश्य क्या था ये आपको इस सीरीज के अंदर जानने को मिलेगा इस सीरीज की जो तो कहानी है उनका जो तो डायरेक्शन है वो बहुत ही बढ़िया है विजय मौर्या और पुनीत शर्मा ने यहाँ पर बेहतरीन तरीके से नोवल से अडोप किया है इसका जो स्क्रीन प्ले हो बहुत ही बढ़िया है और यहाँ पर शरू से सीरीज आपको बांधी भी रखती है और पूरी सीरीज़ के अंदर आप जो है वो अंदाज़ा लगाते रहेंगे क्या आखिर ये मर्डर किसने किया है और क्यों किया है इस कहानी के अंदर राजनीतिक शासिक भी है बुख भी यहाँ पर देखने को मिलेगा इसी के साथ आपको यहाँ पर जो है एक गज़ब की स्टोरी देखने को मिलेंगी स्टूडेंट पॉलिटिक्स जातिवाद और मीडिया का यहाँ पे जो रोल है वो भी चर्चा में देखने को मिलेगा सीरीज की जो कहानी है वो बहुत ही अच्छी है बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है ये इसकी शूटिंग दिल्ली से लेकर राजस्थान झारखंड छत्तीसगढ़ कोलकाता और चांदी जैसी जगह जा पे हुआ है क्योंकि जो मूवी के अंदर जो विलन दिखाया गया है वो अलग अलग लोकेशन पे होते हैं और जो सी वाले हैं और पुलिस ऑफिसर वहाँ पर ढूंढ निकलते हैं भले ही आप सीरीज एक नॉल पर आधारित है लेकिन हाँ दिगमांच दुल् ने इसे बहुत ही बेहतरीन बनाया है जो कि देखने लायक है अगर आप लोग क्राइम थ्रिलर मिक्सड सीरीज देखते हैं तो फिर आपको इसे मिस नहीं करना चाहिए डेफिनेटली आपको जो है वो एक बार ज़रूर देखना चाहिए अगर एक्टिंग की बात करें तो सीरीज़ में प्रतिप गांधी ने जो सी बी आई ऑफिसर का रोल प्ले किया है वो बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया भी है शुरू एक ऐसा अधिकारी है जिसकी अपनी राजनीतिक विचारधारा होती है और वे राजनेता अंबिका प्रसाद यानी कि विनोद कुमार का नज़दीकी भी होता है सुधा भारद्वाज के किरदार में मेंचा चड्डा भी यहाँ पर दमदार लगती है और वो भी अपने किरदार के अंदर एकदम फिट बैठती है अगर आप एक बेहतरीन सीरीज़ को मिस नहीं करना चाहते तो आप लोग दोस्तों जो है इस सीरीज़ को देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है मैंने इसे दोस्तों काफ़ी समय पहले देखा था दो के अंदर ही मैंने देख लिया था और ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और मैं आपको यहाँ पर जो है जो सीज़न टू के बारे में बताऊँ तो भाई सीज़न टू जरूर आएगा क्योंकि यहाँ पर अभी तक ये पता नहीं लगा है कि आखिरकार किसने सब कुछ किया है और उसका मकसद क्या है सीज़न टू के अंदर वो सारे राज खुल जाएंगे कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है आपको जब भी टाइम मिले तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर इंजॉय करिएगा मुझे उम्मीद है कि आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेंगी अगर आप भी बॉलीवुड की वेब सीरीज़ या फिर फिल्में देखते हो तो शायद प्रतीक गांधी को जानते ही हो जिनकी एक बहुत ही बड़ी जो फेमस सीरीज़ रही है जहाँ से उनकी जो पॉपुलरिटी वो काफ़ी बड़ी है हम इन्हीं की एक शानदार सीरीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे साथ ही में मैं आपको यहाँ पर यह भी बताऊँगा ये कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है और इसका सीज़न टू कब आएगा ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे तो दोस्तों इस सीरीज़ का नाम है द ग्रेट इंडियन मर्डर 2022 में से रिलीज़ कराया गया था इसकी ख़ास बात यह है कि इसके अंदर आपको एक बहुत ही तगड़ी मफ्र दिखाई गई है अगर आप लोगों को ऐसी फिल्म देखना अच्छा लगता है जिसके अंदर मर्डर मिस्ट्री हो तो मेरी ये सीरीज़ आपके लिए ही है ये आपको पूरी तरह से एंड तक बांधे रखेंगी यहाँ तक कि आप पता ही नहीं लगा पाएंगे कि इसका मुख्य विलन कौन है और उसने ये सब कुछ क्यों किया है तो चलिए बात करते हैं पहले इस सीरीज़ के बारे में मैं आपको कुछ यहाँ पर जानकारी देता हूँ फिर आगे इसके एपिसोड के बारे में बात करेंगे और कहाँ पर ये अवेलेबल है वो भी बात करेंगे तो इस सीरीज़ के अंदर आपको लगभग जो है वो नौ एपिसोड देखने को मिलेंगे और इसकी जो कहानी है वो दोस्तों सिक्स एस्पेक्ट बाय विकास सौरभ जो है इनके ऊपर ही आधारित है तो जो लेड काफ्टी इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे प्रतीक गांधी पवली डम ऋचा चड्डा आशतो सराना जतिन गोस्वामी रोचा लमनदार सारिब हाशमी और ससंग अरोरा रघुवीर यादव शक्ति मोहन निकेतन ग्रोवर धीरज राणा रोशद राणा अमी वाघ लेमान कंचन घोष राजद भगत ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे इस सीरीज को जो आईएमडीबी है वहाँ पर 10 में से लगभग इसे 6.7 पॉइंट सात की रेटिंग मिली है और जो रॉटन टॉमेटो वहां वहाँ पर भी लगभग जो है वो सत्तर प्रतिशत मिले हुए हैं तो आप यहाँ पर ये यह अनुमान लगा सकते हैं कि एक वॉचेबल सीरीज है अगर आप लोग दोस्तों इसे हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो इसके सभी एपिसोड आपको मिल जाएंगे डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर और इसका जो दूसरा सीज़न है वो भी आपको काफ़ी जल्दी ही देखने को मिल जाएगा जहाँ तक न्यूज़ आई है मालूम पड़ा है कि वो आपको 2025 तक देखने को मिलेगा क्योंकि आप जब इस सीरीज़ को देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि इसका दूसरा सीज़न ज़रूर आएगा यहाँ पर दोस्तों जो बड़ी बात है वो इस मूवी की स्टोरी है शुरुआत के अंदर मुझे लगा कि अभी सीरीज यहाँ पे ख़त्म होगी लेकिन जो इसका क्लाइमेक्स आया वो गज़ब का रहा था क्लाइमेक्स के अंदर स्टोरी जो है एकदम पलट जाती है और यहाँ पर ये यह पता लगाना थोड़ा मुश्किल रह जाता है कि आखिरकार इस मूवी के अंदर विलन कौन था और उसने ये सब कुछ क्यों किया है इस वेब सीरीज़ की जो कहानी शुरू होती है दिल्ली में जहाँ पर मशहूर राजनेता जगन्नाथ राय यानी कि जो आशूस राणा है उनके एक जो कि उनके बिजनेसमैन बेटे होते हैं जिनका रोल यहाँ पर जतिन गोस्वामी का है वो एक पार्टी के अंदर दो लड़कियों के साथ गलत काम करते हैं और उनके ऊपर मर्डर का आरोप लग जाता है इसके बाद इस केस की जो जांच होती है शुरू होती है जो कि जगन्नाथ राय पुलिस के अधिकारियों को रिश्वत देकर अपने बेटे को छुड़वा लेता है केस से बरी होने के बाद वो खुशी में होता है विकी एक शानदार पार्टी देता है जहाँ उसका मर्डर होता है और उसके बाद जगन्नाथ राय और विकी के मर्डर की जाँच सी को सौंप दी जाती है और इस केस की जाँच और इस केस की जो जांच की जिम्मेदारी रहती है वो सी बी ऑफिसर सूरज यादव यानी कि प्रतीप गांधी और पुलिस ऑफिसर सुधा भारद्वाज यानी कि रिजा चड्डाई की होती है अब केस के अंदर कुल छः लोगों को ऊपर जो सब होता है और विकी का जो मर्डर किसने किया है और इसका उद्देश्य क्या था ये आपको इस सीरीज के अंदर जानने को मिलेगा इस सीरीज की जो तो कहानी है उनका जो तो डायरेक्शन है वो बहुत ही बढ़िया है विजय मौर्या और पुनीत शर्मा ने यहाँ पर बेहतरीन तरीके से नोवल से अडोब किया है इसका जो स्क्रीन प्ले है बहुत ही बढ़िया है और यहाँ पर शरू से ये सीरीज आपको बांधी भी रखती है और पूरी सीरीज़ के अंदर आप जो है वो अंदाज़ लगाते रहेंगे कि आखिर ये मर्डर किसने किया है और क्यों किया है इस कहानी के अंदर राजनीतिक सासिक भी है वक्त भी यहाँ पर देखने को मिलेगा इसी के साथ आपको यहाँ पर जो है एक गज़ब की स्टोरी देखने को मिलेंगी स्टूडेंट पॉलिटिक्स जातिवाद और मीडिया का यहाँ पे जो रोल है वो भी चर्चा में देखने को मिलेगा सीरीज की जो कहानी है वो बहुत ही अच्छी है बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है इसकी शूटिंग दिल्ली से लेकर राजस्थान झारखंड छत्तीसगढ़ कोलकाता और चांदी जैसी जगहों जा पर हुआ है क्योंकि तो जो मूवी के अंदर जो विलन दिखाया गए हैं वो अलग अलग लोकेशन पे होते हैं और जो सी वाले हैं और पुलिस ऑफिसर वहाँ पर ढूंढ निकलते हैं भले ही आप सीरीज एक नॉल पर आधारित है लेकिन हाँ तिगमांच दुलिया ने इसे बहुत ही बेहतरीन बनाया है जो कि देखने लायक है अगर आप लोग क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री सीरीज देखते हैं तो फिर आपको इसे मिस नहीं करना चाहिए डेफिनेटली आपको जो है वो एक बार ज़रूर देखना चाहिए अगर एक्टिंग की बात करें तो सीरीज़ में प्रतीप गांधी ने जो सी बी आई ऑफिसर का रोल प्ले किया है वो बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया भी है सूरज एक ऐसा अधिकारी है जिसकी अपनी राजनीतिक विचारधारा होती है और वे राजनेता अंबिका प्रसाद यानी कि विनोद कुमार का नज़दीकी भी होता है सुधा भारद्वाज के किरदार में मिर्चा चड्डा भी यहाँ पर दमदार लगती है और वो भी अपने किरदार के अंदर एकदम फिट बैठती है अगर आप एक बेहतरीन सीरीज़ को मिस नहीं करना चाहते तो आप लोग दोस्तों जो है इस सीरीज़ को देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है मैंने इसे दोस्तों काफ़ी समय पहले देखा था दो के अंदर ही मैंने देख लिया था और ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और मैं आपको यहाँ पर जो है जो सीज़न टू के बारे में बताऊँ तो भाई सीज़न टू जरूर आएगा क्योंकि यहाँ पर अभी तक ये पता नहीं लगा है कि आखिरकार किसने सब कुछ किया है और उसका मकसद क्या है सीज़न टू के अंदर वो सारे राज खुल जाएंगे कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है आपको जब भी टाइम मिले तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर इंजॉय करिएगा मुझे उम्मीद है कि आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेंगी अगर आप भी बॉलीवुड की वेब सीरीज़ या फिर फिल्में देखते हो तो शायद प्रतीक गांधी को जानते ही हो जिनकी एक बहुत ही बड़ी जो फेमस सीरीज़ रही है जहाँ से उनकी जो पॉपुलर्टी वो काफ़ी बड़ी है हम इन्हीं की एक शानदार सीरीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे साथ ही में मैं आपको यहाँ पर यह भी बताऊँगा ये कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है और इसका सीज़न टू कब आएगा ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे तो दोस्तों इस सीरीज़ का नाम है द ग्रेट इंडियन मर्डर 2022 में से रिलीज़ कराया गया था इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर आपको एक बहुत ही तगड़ी मफ्र दिखाई गई है अगर आप लोगों को ऐसी फिल्म देखना अच्छा लगता है जिसके अंदर मर्डर मिस्ट्री हो तो फिर ये सीरीज़ आपके लिए ही है ये आपको पूरी तरह से एंड तक बांधे रखेंगी यहाँ तक कि आप पता ही नहीं लगा पाएंगे कि इसका मुख्य विलन कौन है और उसने ये सब कुछ क्यों किया है तो चलिए बात करते हैं पहले इस सीरीज़ के बारे में मैं आपको कुछ यहाँ पर जानकारी देता हूँ फिर आगे इसके एपिसोड के बारे में बात करेंगे और कहाँ पर ये अवेलेबल वो भी बात करेंगे तो इस सीरीज़ के अंदर आपको लगभग जो है वो नौ एपिसोड देखने को मिलेंगे और इसकी जो कहानी है वो दोस्तों सिक्स एस्पेक्ट बाय विकास सौरभ जो है इनके ऊपर ही आधारित है तो जो लेड कॉफ थी इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे प्रतीक गांधी पौली डम रिचा चड्डा आशुतो सराना जतिन गोस्वामी रोचा लमनदार सारिब हासमी और ससंग अरोरा रघुवीर यादव शक्ति मोहन निकेतन ग्रोवर धीरज राणा रोशद राणा अमी वाघ लेमान कंचन घोष राजद भगत ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे इस सीरीज़ को जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग इसे छः पॉइंट सात की रेटिंग मिली है और जो रोटेन टॉमेटो है वहाँ पर भी लगभग जो है वो सत्तर प्रतिशत मिले हुए हैं तो आप यहाँ पर यह अनुमान लगा सकते हैं कि एक वॉचेबल सीरीज़ है अगर आप लोग दोस्तों इसे हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो इसके सभी एपिसोड आपको मिल जाएंगे डिजनी प्लस ऑफ्टार पे और इसका जो दूसरा सीज़न है वो भी आपको काफ़ी जल्दी देखने को मिल जाएगा जहाँ तक न्यूज़ आई है मालूम पड़ा है कि वो आपको 2025 तक देखने को मिलेगा क्योंकि आप जब भी सीरीज़ को देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि इसका दूसरा सीज़न ज़रूर आएगा यहाँ पर दोस्तों जो बड़ी बात है वो इस मूवी की स्टोरी है शुरुआत के अंदर मुझे लगा कि अब ये सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म होगी लेकिन जो इसका क्लाइमेक्स आया वो गज़ब का रहा था क्लाइमेक्स के अंदर स्टोरी जो है एकदम पलट जाती है और यहाँ पर ये यह पता लगाना थोड़ा मुश्किल रह जाता है कि आखिरकार इस मूवी के अंदर विलन कौन था और उसने ये सब कुछ क्यों किया है इस वेब सीरीज़ की जो कहानी शुरू होती है दिल्ली में जहाँ पर मशहूर राजनेता जगन्नाथ राय यानी ये जो आशूस राणा है उनके एक जो कि उनके बिजनेसमैन बेटे होते हैं जिनका रोल यहाँ पर जतिन गोस्वामी का है वो एक पार्टी के अंदर दो लड़कियों के साथ गलत काम करते हैं और उनके ऊपर मर्डर का आरोप लग जाता है इसके बाद इस केस की जो जांच होती है शुरू होती है जो कि जगन्नाथ राय पुलिस के अधिकारियों को रिश्वत देकर अपने बेटे को छुड़वा लेता है केस से बरी होने के बाद वो खुशी में होता है विकी एक शानदार पार्टी देता है जहाँ उसका मर्डर होता है और उसके बाद जगन्नाथ राय और विकी के मर्डर की जाँच सी को सौंप दी जाती है और इस केस की जाँच और इस केस की जो जांच की जिम्मेदारी रहती है वो सी बी आई ऑफिसर सूरज यादव यानी कि प्रतीप गांधी और पुलिस ऑफिसर सुधा भारद्वाज यानी कि रिजा चड्डाई की होती है अब केस के अंदर कुल छः लोगों को ऊपर जो सब होता है और वीकी का जो मर्डर किसने किया है और इसका उद्देश्य क्या था ये आपको इस सीरीज के अंदर जानने को मिलेगा इस सीरीज की जो तो कहानी है उनका जो तो डायरेक्शन है वो बहुत ही बढ़िया है विजय मौर्या और पुनीत शर्मा ने यहाँ पर बेहतरीन तरीके से नावल से अडोप किया है इसका जो स्क्रीन प्ले है बहुत ही बढ़िया है और यहाँ पर जरूर से ये सीरीज आपको बांधी भी रखती है और पूरी सीरीज़ के अंदर आप जो है वो अंदाज़ा लगाते रहेंगे कि आखिर ये मर्डर किसने किया है और क्यों किया है इस कहानी के अंदर राजनीतिक सासिक भी है बुक भी यहाँ पर देखने को मिलेगा इसी के साथ आपको यहाँ पर जो है एक गज़ब की स्टोरी देखने को मिलेंगी स्टूडेंट पॉलिटिक्स जातिवाद और मीडिया का यहाँ पर जो रोल है वो भी चर्चा में देखने को मिलेगा सीरीज की जो कहानी है वो बहुत ही अच्छी है बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है ये इसकी शूटिंग दिल्ली से लेकर राजस्थान झारखंड छत्तीसगढ़ कोलकाता और चांदी जैसी जगह जा पर हुआ है क्योंकि जो मूवी के अंदर जो विलन दिखाया गए हैं वो अलग अलग लोकेशन पे होते हैं और जो सी वाले हैं और पुलिस ऑफिसर वहाँ पर ढूंढ निकलते हैं भले ही आप सीरीज एक नॉल पर आधारित है लेकिन हाँ दिग्माचु दुलिया ने इसे बहुत ही बेहतरीन बनाया है जो कि देखने लायक है अगर आप लोग क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री सीरीज देखते हैं तो फिर आपको इसे मिस नहीं करना चाहिए डेफिनेटली आपको जो है वो एक बार ज़रूर देखना चाहिए अगर एक्टिंग की बात करें तो सीरीज़ में प्रतिप गांधी ने जो सी बी आई ऑफिसर का रोल प्ले किया है वो बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया भी है शुरू एक ऐसा अधिकारी है जिसकी अपनी राजनीतिक विचारधारा होती है और वे राजनेता अंबिका प्रसाद यानी कि विनोद कुमार का नज़दीकी भी होता है सोदा भारद्वाज के किरदार में मिर्चा चड्डा भी यहाँ पर दमदार लगती है और वो भी अपने किरदार के अंदर एकदम फिट बैठती है अगर आप एक बेहतरीन सीरीज़ को मिस नहीं करना चाहते तो आप लोग दोस्तों जो है इस सीरीज़ को देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है मैंने इसे दोस्तों काफ़ी समय पहले देखा था दो के अंदर ही मैंने देख लिया था और ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और मैं आपको यहाँ पर जो है जो सीज़न टू के बारे में बताऊँ तो भाई सीज़न टू ज़रूर आएगा क्योंकि यहाँ पर अभी तक ये पता नहीं लगा है कि आखिरकार किसने सब कुछ किया है और उसका मकसद क्या है सीज़न टू के अंदर वो सारे राज खुल जाएंगे कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है आपको जब भी टाइम मिले तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर इंजॉय करिएगा मुझे उम्मीद है कि आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेंगी अगर आप भी बॉलीवुड की वेब सीरीज़ या फिर फिल्में देखते हो गए तो शायद प्रतिक गांधी को जानते ही हो गए जिनकी एक बहुत ही बड़ी जो फेमस सीरीज़ रही है जहाँ से उनकी जो पॉपुलरिटी वो काफ़ी बड़ी है हम इन्हीं की एक शानदार सीरीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे साथ ही में मैं आपको यहाँ पर ये भी बताऊँगा ये कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है और इसका सीज़न टू कब आएगा ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे तो दोस्तों इस सीरीज़ का नाम है द ग्रेट इंडियन मर्डर 2022 में से रिलीज़ कराया गया था इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर आपको एक बहुत ही तगड़ी मिस्र दिखाई गई है अगर आप लोगों को ऐसी फिल्म देखना अच्छा लगता है जिसके अंदर मर्डर मिस्ट्री हो तो मेरी ये सीरीज़ आपके लिए ही है ये आपको पूरी तरह से एंड तक बांधे रखेंगी यहाँ तक कि आप पता ही नहीं लगा पाएंगे कि इसका मुख्य विलन कौन है और उसने ये सब कुछ क्यों किया है तो चलिए बात करते हैं पहले इस सीरीज़ के बारे में मैं आपको कुछ यहाँ पर जानकारी देता हूँ फिर आगे इसके एपिसोड के बारे में बात करेंगे और कहाँ पर ये अवेलेबल है वो भी बात करेंगे तो इस सीरीज़ के अंदर आपको लगभग जो है वो नौ एपिसोड देखने को मिलेंगे और इसकी जो कहानी है वो दोस्तों सिक्स अस्पेक्ट बाय विकास सौरभ जो है इनके ऊपर ही आधारित है तो जो लेड कॉफ थी इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे प्रतीक गांधी पौली डम ऋचा चड्डा आशुतोस राना जतिन गोस्वामी रोचा लमनदार सारिब हासमी और ससंग अरोरा रघुवीर यादव शक्ति मोहन निकेतन ग्रोवर धीरज राणा रोशद राणा अमी वाघ लेमान कंचन घोष राजद भगत ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे इस सीरीज़ को जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग इसे छः पॉइंट सात की रेटिंग मिली है और जो रॉटन टॉमेटो वहां वहाँ पर भी लगभग जो है वो सत्तर प्रतिशत मिले हुए हैं। तो आप यहाँ पर यह अनुमान लगा सकते हैं कि एक वॉचेबल सीरीज है अगर आप लोग दोस्तों इसे हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो इसके सभी एपिसोड आपको मिल जाएंगे डिजनी प्लस अफ्तार पे और इसका जो दूसरा सीज़न है वो भी आपको काफ़ी जल्दी ही देखने को मिल जाएगा जहाँ तक न्यूज़ आई है मालूम पड़ा है कि वो आपको 2025 तक देखने को मिलेगा क्योंकि आप जब इस सीरीज़ को देखेंगे तो आपको पता ही जाएगा कि इसका दूसरा सीज़न ज़रूर आएगा यहाँ पर दोस्तों जो बड़ी बात है वो इस मूवी की स्टोरी है शुरुआत के अंदर मुझे लगा कि अब ये सीरीज यहाँ पे खत्म होगी लेकिन जो इसका क्लाइमेक्स आया वो गजब का रहा था क्लाइमेक्स के अंदर स्टोरी जो है एकदम पलट जाती है और यहाँ पर यह पता लगाना थोड़ा मुश्किल रह जाता है कि आखिरकार इस मूवी के अंदर विलन कौन था और उसने ये सब कुछ क्यों किया है इस वेब सीरीज़ की जो कहानी शुरू होती है दिल्ली में जहाँ पर मशहूर राजनेता जगन्नाथ राय यानी ये जो आशूस राना है उनके एक जो कि उनके बिजनेसमैन बेटे होते हैं जिनका रोल यहाँ पर जतिन गोस्वामी का है वो एक पार्टी के अंदर दो लड़कियों के साथ गलत काम करते हैं और उनके ऊपर मर्डर का आरोप लग जाता है इसके बाद इस केस की जो जांच होती है शुरू होती है जो कि जगन्नाथ राय पुलिस के अधिकारियों को रिश्वत देकर अपने बेटे को छुड़वा लेता है केस से बरी होने के बाद वो खुशी में होता है विकी एक शानदार पार्टी देता है जहाँ उसका मर्डर होता है और उसके बाद जगन्नाथ राय और विकी के मर्डर की जाँच सी को सौंप दी जाती है और इस केस की जाँच और इस केस की जो जांच की जिम्मेदारी रहती है वो सी बी ऑफिसर सूरज यादव यानी कि प्रतीप गांधी और पुलिस ऑफिसर सुधा भारद्वाज यानी कि रिजा चड्डाई की होती है अब केस के अंदर कुल छः लोगों को ऊपर जो सब होता है और विकी का जो मर्डर किसने किया है और इसका उद्देश्य क्या था ये आपको इस सीरीज के अंदर जानने को मिलेगा इस सीरीज की जो तो कहानी है उनका जो तो डायरेक्शन है वो बहुत ही बढ़िया है विजय मौर्या और पुनीत शर्मा ने यहाँ पर बेहतरीन तरीके से नावल से अडोप किया है इसका जो स्क्रीन प्ले वो बहुत ही बढ़िया है और यहाँ पर शरू से सीरीज आपको बांधी भी रखती है और पूरी सीरीज़ के अंदर आप जो है वो अंदाज़ लगाते रहेंगे कि आखिर ये मर्डर किसने किया है और क्यों किया है इस कहानी के अंदर राजनीतिक सासिक भी हैं बुक भी यहाँ पर देखने को मिलेगा इसी के साथ आपको यहाँ पर जो है एक गजब की स्टोरी देखने को मिलेंगी स्टूडेंट पॉलिटिक्स जातिवाद और मीडिया का यहाँ पे जो रोल है वो भी चर्चा में देखने को मिलेगा सीरीज की जो कहानी है वो बहुत ही अच्छी है बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है इसकी शूटिंग दिल्ली से लेकर राजस्थान झारखंड छत्तीसगढ़ कोलकाता और चांदी जैसी जगह जा पे हुआ है क्योंकि तो तो जो मूवी के अंदर जो विलन दिखाए गए हैं वो अलग अलग लोकेशन पे होते हैं और जो सी वाले हैं और पुलिस ऑफिसर वहाँ पर ढूंढ निकलते हैं भले ही आप सीरीज एक नावल पर आधारित है लेकिन हाँ दिगमांच दुलिया ने इसे बहुत ही बेहतरीन बनाया है जो कि देखने लायक है अगर आप लोग क्राइम थ्रिलर मिक्स सीरीज देखते हैं तो फिर आपको इसे मिस नहीं करना चाहिए डेफिनेटली आपको जो है वो एक बार ज़रूर देखना चाहिए अगर एक्टिंग की बात करें तो सीरीज़ में प्रतिप गांधी ने जो सी बी आई ऑफिसर का रोल प्ले किया है वो बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया भी है शुरू एक ऐसा अधिकारी है जिसकी अपनी राजनीतिक विचारधारा होती है और वे राजनेता अंबिका प्रसाद यानी कि विनोद कुमार का नज़दीकी भी होता है सुधा भारद्वाज के किरदार में मेंचा चड्डा भी यहाँ पर दमदार लगती है और वो भी अपने किरदार के अंदर एकदम फिट बैठती है अगर आप एक बेहतरीन सीरीज़ को मिस नहीं करना चाहते तो आप लोग दोस्तों जो है इस सीरीज़ को देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है मैंने इसे दोस्तों काफ़ी समय पहले देखा था दो के अंदर मैंने देख लिया था और ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और मैं आपको यहाँ पर जो है जो सीज़न टू के बारे में बताऊँ तो भाई सीज़न टू ज़रूर आएगा क्योंकि यहाँ पर अभी तक ये पता नहीं लगा है कि आखिरकार किसने सब कुछ किया है और उसका मकसद क्या है सीज़न टू के अंदर वो सर राज खुल जाएंगे कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है आपको जब भी टाइम मिले तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर इंजॉय करिएगा मुझे उम्मीद है कि आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेंगी अगर आप भी बॉलीवुड की वेब सीरीज़ या फिर फिल्में देखते हो तो शायद प्रतिक गांधी को जानते ही हो जिनकी एक बहुत ही बड़ी जो फेमस सीरीज़ रही है जहाँ से उनकी जो पॉपुलर्टी वो काफ़ी बड़ी है आज हम इन्हीं की एक शानदार सीरीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे साथ ही में मैं आपको यहाँ पर ये भी बताऊँगा ये कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है और इसका सीज़न टू कब आएगा ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे तो दोस्तों इस सीरीज़ का नाम है द ग्रेट इंडियन मर्डर 2022 में से रिलीज़ कराया गया था इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर आपको एक बहुत ही तगड़ी मफ्ट दिखाई गई है अगर आप लोगों को ऐसी फिल्में देखना अच्छा लगता है जिसके अंदर मर्डर मिस्ट्री हो तो मेरी ये सीरीज़ आपके लिए ही है ये आपको पूरी तरह से एंड तक बांधे रखेंगी यहाँ तक कि आप पता ही नहीं लगा पाएंगे कि इसका मुख्य विलन कौन है और उसने ये सब कुछ क्यों किया है तो चलिए बात करते हैं पहले इस सीरीज़ के बारे में मैं आपको कुछ यहाँ पर जानकारी देता हूँ फिर आगे इसके एपिसोड के बारे में बात करेंगे और कहाँ पर ये अवेलेबल है वो भी बात करेंगे तो इस सीरीज़ के अंदर आपको लगभग जो है वो नौ एपिसोड देखने को मिलेंगे और इसकी जो कहानी है वो दोस्तों सिक्स एस्पेक्ट बाय विकास सौरभ जो है इनके ऊपर ही आधारित है तो जो लेड कॉफ्टी इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे प्रतीक गांधी पवली डम ऋचा चड्डा आशुतो स जतिन गोस्वामी रोचा लमनदार सारिभ हासमी और ससंग अरोरा रघुवीर यादव शक्ति मोहन निकेतन ग्रोवर धीरज राणा रोशद राणा अमी वाघ लेमान कंचन घोष राजद भगत ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे इस सीरीज को जो आईएमडीबी है वहाँ पर 10 में से लगभग इसे छ पॉइंट सात की रेटिंग मिली है और जो रॉटन टॉमेटो है वहाँ पर भी लगभग जो है वो सत्तर प्रतिशत मिले हुए हैं तो आप यहाँ पर यह अनुमान लगा सकते हैं कि एक वॉचेबल सीरीज है अगर आप लोग दोस्तों इसे हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो इसके सभी एपिसोड आपको मिल जाएंगे डिजनी प्लस ऑफटार पे और इसका जो दूसरा सीज़न है वो भी आपको काफ़ी जल्दी ही देखने को मिल जाएगा जहाँ तक न्यूज़ आई है मालूम पड़ा है कि वो आपको 2025 तक देखने को मिलेगा क्योंकि आप जब भी सीरीज़ को देखेंगे तो आपको पता चली जाएगा कि इसका दूसरा सीज़न ज़रूर आएगा यहाँ पर दोस्तों जो बड़ी बात है वो इस मूवी की स्टोरी है शुरुआत के अंदर मुझे लगा कि अभी सीरीज यहाँ पे ख़त्म होगी लेकिन जो इसका क्लाइमेक्स आया वो गजब का रहा था क्लाइमेक्स के अंदर स्टोरी जो है एकदम पलट जाती है और यहाँ पर यह पता लगाना थोड़ा मुश्किल रह जाता है कि आखिरकार इस मूवी के अंदर विलन कौन था और उसने ये सब कुछ क्यों किया है इस वेब सीरीज़ की जो कहानी शुरू होती है दिल्ली में जहाँ पर मशहूर राजनेता जगन्नाथ राय यानी ये जो आशूस राना है उनके एक जो कि उनके बिजनेसम बेटे होते हैं जिनका रोल यहाँ पर जतिन गोस्वामी का है वो एक पार्टी के अंदर दो लड़कियों के साथ गलत काम करते हैं और उनके ऊपर मर्डर का आरोप लग जाता है इसके बाद इस केस की जो जांच होती शुरू होती है जो कि जगन्नाथ राय पुलिस के अधिकारियों को रिश्वत देकर अपने बेटे को छुड़वा लेता है केस से बरी होने के बाद वो खुशी में होता है विकी एक शानदार पार्टी देता है जहां उसका मर्डर होता है और उसके बाद जगन्नाथ राय और विकी के मर्डर की जाँच सी को सौंप दी जाती है और इस केस की जाँच और इस केस की जो जांच की जिम्मेदारी रहती है वो सी बी ऑफिसर सूरज यादव यानी कि प्रतीक गांधी और पुलिस ऑफिसर सुधा भारद्वाज यानी कि रिजा चड्डाई की होती है अब केस के अंदर कुल छः लोगों को ऊपर जो सब होता है और विकी का जो मर्डर किसने किया है और इसका उद्देश्य क्या था ये आपको इस सीरीज के अंदर जानने को मिलेगा इस सीरीज की जो तो कहानी है उनका जो तो डायरेक्शन है वो बहुत ही बढ़िया है विजय मौर्या और पुनित शर्मा ने यहाँ पर बेहतरीन तरीके से नोवल से अडोप किया है इसका जो स्क्रीन प्ले हो बहुत ही बढ़िया है और यहाँ पर शरू से सीरीज आपको बांधी भी रखती है और पूरी सीरीज़ के अंदर आप जो है वो अंदाज़ा लगाते रहेंगे क्या आखिर ये मर्डर किसने किया है और क्यों किया है इस कहानी के अंदर राजनीतिक साहसिक भी है बुखे भी यहाँ पर देखने को मिलेगा इसी के साथ आपको यहाँ पर जो है एक गज़ब की स्टोरी देखने को मिलेंगी स्टूडेंट पॉलिटिक्स जातिवाद और मीडिया का यहाँ पे जो रोल है वो भी चर्चा में देखने को मिलेगा सीरीज की जो कहानी है वो बहुत ही अच्छी है बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है इसकी शूटिंग दिल्ली से लेकर राजस्थान झारखंड छत्तीसगढ़ कोलकाता और चांदनी जैसी जगह जा पे हुआ है क्योंकि तो जो मूवी के अंदर जो विलन दिखाया गए हैं वो अलग अलग लोकेशन पे होते हैं और जो सी वाले हैं और पुलिस ऑफिसर वहाँ पर ढूंढ निकलते हैं भले ही आप सीरीज एक नॉल पर आधारित है लेकिन हाँ दिगमांच दुलिया ने इसे बहुत ही बेहतरीन बनाया है जो कि देखने लायक है अगर आप लोग क्राइम थ्रिलर मिक्सड सीरीज देखते हैं तो फिर आपको इसे मिस नहीं करना चाहिए डेफिनेटली आपको जो है वो एक बार ज़रूर देखना चाहिए अगर एक्टिंग की बात करें तो सीरीज़ में प्रतिप गांधी ने जो सी बी आई ऑफिसर का रोल प्ले किया है वो बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया भी है सूरज एक ऐसा अधिकारी है जिसकी अपनी राजनीतिक विचारधारा होती है और वे राजनेता अंबिका प्रसाद यानी कि विनोद कुमार का नज़दीकी भी होता है सुधा भारद्वाज के किरदार में मेचा चड्डा भी यहाँ पर दमदार लगती है और वो भी अपने किरदार के अंदर एकदम फिट बैठती है अगर आप एक बेहतरीन सीरीज़ को मिस नहीं करना चाहते तो आप लोग दोस्तों जो है इस सीरीज़ को देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है मैंने इसे दोस्तों काफ़ी समय पहले देखा था दो के अंदर ही मैंने देख लिया था और ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और मैं आपको यहाँ पर जो है जो सीज़न टू के बारे में बताऊँ तो भाई सीज़न टू जरूर आएगा क्योंकि यहाँ पर अभी तक ये पता नहीं लगा है कि आखिरकार किसने सब कुछ किया है और उसका मकसद क्या है सीज़न टू के अंदर वो राज खुल जाएंगे कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है आपको जब भी टाइम मिले तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर इंजॉय करिएगा मुझे उम्मीद है कि आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेंगी अगर आप भी बॉलीवुड की वेब सीरीज़ या फिर फिल्में देखते हो तो शायद प्रतीक गांधी को जानते ही हो जिनकी एक बहुत ही बड़ी जो फेमस सीरीज़ रही है जहाँ से उनकी जो पॉपुलरिटी वो काफ़ी बड़ी है आज हम इन्हीं की एक शानदार सीरीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे साथ ही में मैं आपको यहाँ पर यह भी बताऊँगा ये कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है और इसका सीज़न टू कब आएगा ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे तो दोस्तों इस सीरीज़ का नाम है द ग्रेट इंडियन मर्डर 2022 में से रिलीज़ कराया गया था इसकी ख़ास बात यह है कि इसके अंदर आपको एक बहुत ही तगड़ी मफ्र दिखाई गई है अगर आप लोगों को ऐसी फिल्म देखना अच्छा लगता है जिसके अंदर मर्डर मिस्ट्री हो तो मेरी ये सीरीज़ आपके लिए ही है ये आपको पूरी तरह से एंड तक बांधे रखेंगी यहाँ तक कि आप पता ही नहीं लगा पाएंगे कि इसका मुख्य विलन कौन है और उसने ये सब कुछ क्यों किया है तो चलिए बात करते हैं पहले इस सीरीज़ के बारे में मैं आपको कुछ यहाँ पर जानकारी देता हूँ फिर आगे इसके एपिसोड के बारे में बात करेंगे और कहाँ पर ये अवेलेबल है वो भी बात करेंगे तो इस सीरीज़ के अंदर आपको लगभग जो है वो नौ एपिसोड देखने को मिलेंगे और इसकी जो कहानी है वो दोस्तों सिक्स अस्पेक्ट बाय विकास सौरभ जो है इनके ऊपर ही आधारित है तो जो लेड काफ्टी इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे प्रतीक गांधी पवली डम ऋचा चड्डा आशुतोष सराना जतिन गोस्वामी रोचा लमनदार सारिब हाशमी और ससंग अरोरा रघुवीर यादव शक्ति मोहन निकेतन ग्रोवर धीरज राणा रोसद राणा अमी वाघ लेमान कंचन घोष राजद भगत ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे इस सीरीज को जो आईएमडीबी है वहाँ पर 10 में से लगभग इसे छः पॉइंट सात की रेटिंग मिली है और जो रॉट एंड टॉमेटो वहाँ पर भी लगभग जो है वो सत्तर प्रतिशत मिले हुए हैं तो आप यहाँ पर यह अनुमान लगा सकते हैं कि एक वॉचेबल सीरीज़ है अगर आप लोग दोस्तों इसे हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो इसके सभी एपिसोड आपको मिल जाएंगे डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर और इसका जो दूसरा सीज़न है वो भी आपको काफ़ी जल्दी देखने को मिल जाएगा जहाँ तक न्यूज़ आई है मालूम पड़ा है कि वो आपको 2025 तक देखने को मिलेगा क्योंकि आप जब इस सीरीज़ को देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि इसका दूसरा सीज़न ज़रूर आएगा यहाँ पर दोस्तों जो बड़ी बात है वो इस मूवी की स्टोरी है शुरुआत के अंदर मुझे लगा कि अभी सीरीज यहाँ पे ख़त्म होगी लेकिन जो इसका क्लाइमेक्स आया वो गजब का रहा था क्लाइमेक्स के अंदर स्टोरी जो है एकदम पलट जाती है और यहाँ पर ये यह पता लगाना थोड़ा मुश्किल रह जाता है कि आखिरकार इस मूवी के अंदर विलन कौन था और उसने ये सब कुछ क्यों किया है इस वेब सीरीज़ की जो कहानी शुरू होती है दिल्ली में जहाँ पर मशहूर राजनेता जगन्नाथ राय यानी कि जो आशूस राणा है उनके एक जो कि उनके बिजनेसम बेटे होते हैं जिनका रोल यहाँ पर जतिन गोस्वामी का है वो एक पार्टी के अंदर दो लड़कियों के साथ गलत काम करते हैं और उनके ऊपर मर्डर का आरोप लग जाता है इसके बाद इस केस की जो जांच होती है शुरू होती है जो कि जगन्नाथ राय पुलिस के अधिकारियों को रिश्वत देकर अपने बेटे को छुड़वा लेता है केस से बरी होने के बाद वो खुशी में होता है विकी एक शानदार पार्टी देता है जहाँ उसका मर्डर होता है और उसके बाद जगन्नाथ राय और विकी के मर्डर की जाँच सी को सौंप दी जाती है और इस केस की जाँच और इस केस की जो जांच की जिम्मेदारी रहती है वो सी बी ऑफिसर सूरज यादव यानी कि प्रतीप गांधी और पुलिस ऑफिसर सुधा भारद्वाज यानी कि रिजा चड्डाई की होती है अब केस के अंदर कुल छः लोगों को ऊपर जो सब होता है और विकी का जो मर्डर किसने किया है और इसका उद्देश्य क्या था ये आपको इस सीरीज़ के अंदर जानने को मिलेगा इस सीरीज़ की जो तो कहानी है उनका जो तो डायरेक्शन है वो बहुत ही बढ़िया है विजय मौर्या और पुनीत शर्मा ने यहाँ पर बेहतरीन तरीके से नावल से अड़ो किया है इसका जो स्क्रीन प्ले हो बहुत ही बढ़िया है और यहाँ पर शरू से सीरीज़ आपको बांधी भी रखती है और पूरी सीरीज़ के अंदर आप जो है वो अंदाज़ा लगाते रहेंगे कि आखिर ये मर्डर किसने किया है और क्यों किया है इस कहानी के अंदर राजनीतिक साहसिक भी है बुखे भी यहाँ पर देखने को मिलेगा इसी के साथ आपको यहाँ पर जो है एक गज़ब की स्टोरी देखने को मिलेंगी स्टूडेंट पॉलिटिक्स जातिवाद और मीडिया का यहाँ पे जो रोल है वो भी चर्चा में देखने को मिलेगा सीरीज की जो कहानी है वो बहुत ही अच्छी है बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है इसकी शूटिंग दिल्ली से लेकर राजस्थान झारखंड छत्तीसगढ़ कोलकाता और चांदी जैसी जगह पर हुआ है क्योंकि तो जो मूवी के अंदर जो विलन दिखाया गया है वो अलग अलग लोकेशन पर होते हैं और जो सी वाले हैं और पुलिस ऑफिसर वहाँ पर ढूंढ निकलते हैं भले ही आप सीरीज एक नॉल पर आधारित है लेकिन हाँ दिग्मांच दुलिया ने इसे बहुत ही बेहतरीन बनाया है जो कि देखने लायक है अगर आप लोग क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री सीरीज देखते हैं तो फिर आपको इसे मिस नहीं करना चाहिए डेफिनेटली आपको जो है वो एक बार ज़रूर देखना चाहिए अगर एक्टिंग की बात करें तो सीरीज़ में प्रतीप गांधी ने जो सी बी आई ऑफिसर का रोल प्ले किया है वो बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया भी है सूरज एक ऐसा अधिकारी है जिसकी अपनी राजनीतिक विचारधारा होती है और वे राजनेता अंबिका प्रसाद यानी कि विनोद कुमार का नज़दीकी भी होता है सुधा भारद्वाज के किरदार में मेंचा चड्डा भी यहाँ पर दमदार लगती है और वो भी अपने किरदार के अंदर एकदम फिट बैठती है अगर आप एक बेहतरीन सीरीज़ को मिस नहीं करना चाहते तो आप लोग दोस्तों जो है इस सीरीज़ को देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है मैंने इसे दोस्तों काफ़ी समय पहले देखा था दो के अंदर ही मैंने देख लिया था और ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और मैं आपको यहाँ पर जो है जो सीज़न टू के बारे में बताऊँ तो भाई सीज़न टू ज़रूर आएगा क्योंकि यहाँ पर अभी तक ये पता नहीं लगा है कि आखिरकार किसने सब कुछ किया है और उसका मकसद क्या है सीजन टू के अंदर वो सर्राज़ खुल जाएंगे कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है आपको जब भी टाइम मिले तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर इंजॉय करिएगा मुझे उम्मीद है कि आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेंगी अगर आप भी बॉलीवुड की वेब सीरीज़ या फिर फिल्में देखते हो तो शायद प्रतीक गांधी को जानते ही हो जिनकी एक बहुत ही बड़ी जो फेमस सीरीज़ रही है जहाँ से उनकी जो पॉपुलरिटी वो काफ़ी बड़ी है आज हम इन्हीं की एक शानदार सीरीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे साथ ही में मैं आपको यहाँ पर यह भी बताऊँगा ये कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है और इसका सीज़न टू कब आएगा ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे तो दोस्तों इस सीरीज़ का नाम है द ग्रेट इंडियन मर्डर 2022 में से रिलीज़ कराया गया था इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर आपको एक बहुत ही तगड़ी मिस्र दिखाई गई है अगर आप लोगों को ऐसी फिल्म देखना अच्छा लगता है जिसके अंदर मर्डर मिस्ट्री हो तो मेरी ये सीरीज़ आपके लिए ही है ये आपको पूरी तरह से एंड तक बांधे रखेंगी यहाँ तक कि आप पता ही नहीं लगा पाएंगे कि इसका मुख्य विलन कौन है और उसने ये सब कुछ क्यों किया है तो चलिए बात करते हैं पहले इस सीरीज़ के बारे में मैं आपको कुछ यहाँ पर जानकारी देता हूँ फिर आगे इसके एपिसोड के बारे में बात करेंगे और कहाँ पर ये अवेलेबल वो भी बात करेंगे तो इस सीरीज़ के अंदर आपको लगभग जो है वो नौ एपिसोड देखने को मिलेंगे और इसकी जो कहानी है वो दोस्तों सिक्स अस्पेक्ट बाय विकास सौरभ जो है इनके ऊपर ही आधारित है तो जो लेड कॉफ थी इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे प्रतीक गांधी पवली डम ऋचा चड्डा आशतो सराना जतिन गोस्वामी रोचा लमनदार सारिब हासमी और ससंग अरोरा रघुवीर यादव शक्ति मोहन निकेतन ग्रोवर धीरज राणा रोशद राणा अमी बाग लेमान कंचन घोष राजद भगत ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे इस सीरीज को जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग इसे छः पॉइंट सात की रेटिंग मिली है और जो रोटेन टॉमेटो वहां वहाँ पर भी लगभग जो है वो सत्तर प्रतिशत मिले हुए हैं तो आप यहाँ पर ये यह अनुमान लगा सकते हैं कि एक वॉचेबल सीरीज़ है अगर आप लोग दोस्तों इसे हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो इसके सभी एपिसोड आपको मिल जाएंगे डिजनी प्लस ऑफर पर और इसका जो दूसरा सीज़न है वो भी आपको काफ़ी जल्दी ही देखने को मिल जाएगा जहाँ तक न्यूज़ आई है मालूम पड़ा है कि वो आपको 2025 तक देखने को मिलेगा क्योंकि आप जब इस सीरीज़ को देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि इसका दूसरा सीज़न ज़रूर आएगा यहाँ पर दोस्तों जो बड़ी बात है वो इस मूवी की स्टोरी है शुरुआत के अंदर मुझे लगा कि अभी सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म होगी लेकिन जो इसका क्लाइमेक्स आया वो गज़ब का रहा था क्लाइमेक्स के अंदर स्टोरी जो है एकदम पलट जाती है और यहाँ पर ये यह पता लगाना थोड़ा मुश्किल रह जाता है कि आखिरकार इस मूवी के अंदर विलन कौन था और उसने ये सब कुछ क्यों किया है इस वेब सीरीज़ की जो कहानी शुरू होती है दिल्ली में जहाँ पर मशहूर राजनेता जगन्नाथ राय यानी ये जो आशूष राणा है उनके एक जो कि उनके बिजनेसमैन बेटे होते हैं जिनका रोल यहाँ पर जतिन गोस्वामी का है वो एक पार्टी के अंदर दो लड़कियों के साथ गलत काम करते हैं और उनके ऊपर मर्डर का आरोप लग जाता है इसके बाद इस केस की जो जांच होती है शुरू होती है जो कि जगन्नाथ राय पुलिस के अधिकारियों को रिश्वत देकर अपने बेटे को छुड़वा लेता है केस से बरी होने के बाद वो खुशी में होता है विकी एक शानदार पार्टी देता है जहाँ उसका मर्डर होता है और उसके बाद जगन्नाथ राय और विकी के मर्डर की जाँच सी को सौंप दी जाती है और इस केस की जाँच और इस केस की जो जांच की जिम्मेदारी रहती है वो सी बी आई ऑफिसर सूरज यादव यानी कि प्रदीप गांधी और पुलिस ऑफिसर सुधा भारद्वाज यानी कि रिजा चड्डाई की होती है अब केस के अंदर कुल छः लोगों को ऊपर जो सब होता है और वीक का जो मर्डर किसने किया है और इसका उद्देश्य क्या था ये आपको इस सीरीज के अंदर जानने को मिलेगा इस सीरीज की जो तो कहानी है उनका जो तो डायरेक्शन है वो बहुत ही बढ़िया है विजय मौर्या और पुनीत शर्मा ने यहाँ पर बेहतरीन तरीके से नावल से अड़ब किया है इसका जो स्क्रीन प्ले वो बहुत ही बढ़िया है और यहाँ पर जरूर से ये सीरीज आपको बांधे भी रखती है और पूरी सीरीज़ के अंदर आप जो है वो अंदाज़ लगाते रहेंगे कि आखिर ये मर्डर किसने किया है और क्यों किया है इस कहानी के अंदर राजनीतिक सासिक भी है बुख भी यहाँ पर देखने को मिलेगा इसी के साथ आपको यहाँ पर जो है एक गज़ब की स्टोरी देखने को मिलेंगी स्टूडेंट पॉलिटिक्स जातिवाद और मीडिया का यहाँ पे जो रोल है वो भी चर्चा में देखने को मिलेगा सीरीज की जो कहानी है वो बहुत ही अच्छी है बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है ये इसकी शूटिंग दिल्ली से लेकर राजस्थान झारखंड छत्तीसगढ़ कोलकाता और चांदी जैसी जगह पर हुआ है क्योंकि जो मूवी के अंदर जो विलन दिखाए गए हैं वो अलग अलग लोकेशन पे होते हैं और जो सी वाले हैं और पुलिस ऑफिसर वहाँ पर ढूंढ निकलते हैं भले ही आप सीरीज एक नॉल पर आधारित है लेकिन हाँ दिग्मांच दुलिया ने इसे बहुत ही बेहतरीन बनाया है जो कि देखने लायक है अगर आप लोग क्राइम थ्रिलर मिक्स सीरीज देखते हैं तो फिर आपको इसे मिस नहीं करना चाहिए डेफिनेटली आपको जो है वो एक बार ज़रूर देखना चाहिए अगर एक्टिंग की बात करें तो सीरीज़ में प्रतीक गांधी ने जो सी बी आई ऑफिसर का रोल प्ले किया है वो बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया भी है शुरू एक ऐसा अधिकारी है जिसकी अपनी राजनीतिक विचारधारा होती है और वे राजनेता अंबिका प्रसाद यानी कि विनोद कुमार का नज़दीकी भी होता है सोदा भारद्वाज के किरदार में मिर्चा चड्डा भी यहाँ पर दमदार लगती है और वो भी अपने किरदार के अंदर एकदम फिट बैठती है अगर आप एक बेहतरीन सीरीज़ को मिस नहीं करना चाहते तो आप लोग दोस्तों जो है इस सीरीज़ को देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है मैंने इसे दोस्तों काफ़ी समय पहले देखा था दो के अंदर ही मैंने देख लिया था और ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और मैं आपको यहाँ पर जो है जो सीज़न टू के बारे में बताऊँ तो भाई सीज़न टू ज़रूर आएगा क्योंकि यहाँ पर अभी तक ये पता नहीं लगा है कि आखिरकार किसने सब कुछ किया है और उसका मकसद क्या है सीज़न टू के अंदर वो सर्राज़ खुल जाएंगे कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है आपको जब भी टाइम मिले तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर इंजॉय करिएगा मुझे उम्मीद है कि आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेंगी अगर आप भी बॉलीवुड की वेब सीरीज़ या फिर फिल्में देखते हो गए तो शायद प्रतीिक गांधी को जानते ही हो गए जिनकी एक बहुत ही बड़ी जो फेमस सीरीज़ रही है जहाँ से उनकी जो पॉपुलरटी वो काफ़ी बड़ी है आज हम इन्हीं की एक शानदार सीरीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे साथ ही में मैं आपको यहाँ पर ये भी बताऊँगा ये कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है और इसका सीज़न टू कब आएगा ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे तो दोस्तों इस सीरीज़ का नाम है द ग्रेट इंडियन मर्डर 2022 में से रिलीज़ कराया गया था इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर आपको एक बहुत ही तगड़ी मिस्र दिखाई गई है अगर आप लोगों को ऐसी फिल्म देखना अच्छा लगता है जिसके अंदर मर्डर मिस्ट्री हो तो फिर ये सीरीज़ आपके लिए ही है ये आपको पूरी तरह से एंड तक बांधे रखेंगी यहाँ तक कि आप पता ही नहीं लगा पाएंगे कि इसका मुख्य विलन कौन है और उसने ये सब कुछ क्यों किया है तो चलिए बात करते हैं पहले इस सीरीज़ के बारे में मैं आपको कुछ यहाँ पर जानकारी देता हूँ फिर आगे इसके एपिसोड के बारे में बात करेंगे और कहाँ पर ये अवेलेबल है वो भी बात करेंगे तो इस सीरीज़ के अंदर आपको लगभग जो है वो नौ एपिसोड देखने को मिलेंगे और इसकी जो कहानी है वो दोस्तों सिक्स अस्पेक्ट बाय विकास सौरभ जो है इनके ऊपर ही आधारित है तो जो लेड कॉफ थी इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे प्रतीक गांधी पवली डम रिचा चड्डा आशतो सराना जतिन गोस्वामी रोचा लमनदार सारिफ़ हासमी और ससंग अरोरा रघुवीर यादव शक्ति मोहन निकेतन ग्रोवर धीरज राणा रोशद राणा अमी वाघ लेमान कंचन घोष राजद भगत ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे इस सीरीज़ को जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग इसे छ पॉइंट सात की रेटिंग मिली है और जो रॉटन टॉमेटो वहां वहाँ पर भी लगभग जो है वो सत्तर प्रतिशत मिले हुए हैं तो आप यहाँ पर यह अनुमान लगा सकते हैं कि एक वॉचेबल सीरीज़ है अगर आप लोग दोस्तों इसे हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो इसके सभी एपिसोड आपको मिल जाएंगे डिजनी प्लस अफ्तार पे और इसका जो दूसरा सीज़न है वो भी आपको काफ़ी जल्दी ही देखने को मिल जाएगा जहाँ तक न्यूज़ आई है मालूम पड़ा है कि वो आपको 2025 तक देखने को मिलेगा क्योंकि आप जब इस सीरीज़ को देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि इसका दूसरा सीज़न ज़रूर आएगा यहाँ पर दोस्तों जो बड़ी बात है वो इस मूवी की स्टोरी है शुरुआत के अंदर मुझे लगा कि अभी सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म होगी लेकिन जो इसका क्लाइमेक्स आया वो गज़ब का रहा था क्लाइमेक्स के अंदर स्टोरी जो है एकदम पलट जाती है और यहाँ पर ये यह पता लगाना थोड़ा मुश्किल रह जाता है कि आखिरकार इस मूवी के अंदर विलन कौन था और उसने ये सब कुछ क्यों किया है इस वेब सीरीज़ की जो कहानी शुरू होती है दिल्ली में जहाँ पर मशहूर राजनेता जगन्नाथ राय यानी ये जो आशूस राना है उनके एक जो कि उनके बिजनेसमैन बेटे होते हैं जिनका रोल यहाँ पर जतिन गोस्वामी का है वो एक पार्टी के अंदर दो लड़कियों के साथ गलत काम करते हैं और उनके ऊपर मर्डर का आरोप लग जाता है इसके बाद इस केस की जो जांच होती है शुरू होती है जो कि जगन्नाथ राय पुलिस के अधिकारियों को रिश्वत देकर अपने बेटे को छुड़वा लेता है केस से बरी होने के बाद वो खुशी में होता है विकी एक शानदार पार्टी देता है जहाँ उसका मर्डर होता है और उसके बाद जगन्नाथ राय और विकी के मर्डर की जाँच सी को सौंप दी जाती है और इस केस की जाँच और इस केस की जो जांच की जिम्मेदारी रहती है वो सी बी आई ऑफिसर सूरज यादव यानी कि प्रतीप गांधी और पुलिस ऑफिसर सुधा भारद्वाज यानी कि रिजा चड्डाई की होती है अब केस के अंदर कुल छः लोगों को ऊपर जो सब होता है और विकी का जो मर्डर किसने किया है और इसका उद्देश्य क्या था ये आपको इस सीरीज के अंदर जानने को मिलेगा इस सीरीज की जो तो कहानी है उनका जो तो डायरेक्शन है वो बहुत ही बढ़िया है विजय मौर्या और पुनीत शर्मा ने यहाँ पर बेहतरीन तरीके से नावल से अडोप किया है इसका जो स्क्रीन प्ले है बहुत ही बढ़िया है और यहाँ पर शरू से सीरीज आपको बांधी भी रखती है और पूरी सीरीज़ के अंदर आप जो है वो अंदाज़ लगाते रहेंगे कि आखिर ये मर्डर किसने किया है और क्यों किया है इस कहानी के अंदर राजनीतिक सासिक भी हैं बुख भी यहाँ पर देखने को मिलेगा इसी के साथ आपको यहाँ पर जो है एक गजब की स्टोरी देखने को मिलेंगी स्टूडेंट पॉलिटिक्स जातिवाद और मीडिया का यहाँ पर जो रोल है वो भी चर्चा में देखने को मिलेगा सीरीज की जो कहानी है वो बहुत ही अच्छी है बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है इसकी शूटिंग दिल्ली से लेकर राजस्थान झारखंड छत्तीसगढ़ कोलकाता और चांदी जैसी जगह पर हुआ है क्योंकि जो मूवी के अंदर जो विलन दिखाया गए हैं वो अलग अलग लोकेशन पर होते हैं और जो सी वाले हैं और पुलिस ऑफिसर वहाँ पर ढूंढ निकलते हैं भले ही आप सीरीज एक नॉल पर आधारित है लेकिन हाँ दिग्माच दुल् ने इसे बहुत ही बेहतरीन बनाया है जो कि देखने लायक है अगर आप लोग क्राइम थ्रिलर मिक्स की सीरीज देखते हैं तो फिर आपको इसे मिस नहीं करना चाहिए डेफिनेटली आपको जो है वो एक बार ज़रूर देखना चाहिए अगर एक्टिंग की बात करें तो सीरीज़ में प्रतीक गांधी ने जो सी बी आई ऑफिसर का रोल प्ले किया है वो बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया भी है शुरू एक ऐसा अधिकारी है जिसकी अपनी राजनीतिक विचारधारा होती है और वे राजनेता अंबिका प्रसाद यानी कि विनोद कुमार का नज़दीकी भी होता है सोदा भारद्वाज के किरदार में मिचा चड्डा भी यहाँ पर दमदार लगती है और वो भी अपने किरदार के अंदर एकदम फिट बैठती है अगर आप एक बेहतरीन सीरीज़ को मिस नहीं करना चाहते तो आप लोग दोस्तों जो है इस सीरीज़ को देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है मैंने इसे दोस्तों काफ़ी समय पहले देखा था दो के अंदर मैंने देख लिया था और ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और मैं आपको यहाँ पर जो है जो सीज़न टू के बारे में बताऊँ तो भाई सीज़न टू ज़रूर आएगा क्योंकि यहाँ पर अभी तक ये पता नहीं लगा है कि आखिरकार किसने सब कुछ किया है और उसका मकसद क्या है सीज़न टू के अंदर वो राज खुल जाएंगे कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है आपको जब भी टाइम मिले तो आप इस सीरीज़ को जरूर इंजॉय करिएगा मुझे उम्मीद है कि आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेंगी अगर आप भी बॉलीवुड की वेब सीरीज़ या फिर फिल्में देखते हो तो शायद प्रतिक गांधी को जानते ही हो जिनकी एक बहुत ही बड़ी जो फेमस सीरीज़ रही है जहाँ से उनकी जो पॉपुलर्टी वो काफ़ी बड़ी है आज हम इन्हीं की एक शानदार सीरीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे साथ ही में मैं आपको यहाँ पर ये भी बताऊँगा ये कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है और इसका सीज़न टू कब आएगा ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे तो दोस्तों इस सीरीज़ का नाम है द ग्रेट इंडियन मर्डर 2022 में से रिलीज़ कराया गया था इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर आपको एक बहुत ही तगड़ी मफ्र दिखाई गई है अगर आप लोगों को ऐसी फिल्में देखना अच्छा लगता है जिसके अंदर मर्डर मिस्ट्री हो तो मेरी ये सीरीज़ आपके लिए ही है ये आपको पूरी तरह से एंड तक बांधे रखेंगी यहाँ तक कि आप पता ही नहीं लगा पाएंगे कि इसका मुख्य विलन कौन है और उसने ये सब कुछ क्यों किया है तो चलिए बात करते हैं पहले इस सीरीज़ के बारे में मैं आपको कुछ यहाँ पर जानकारी देता हूँ फिर आगे इसके एपिसोड के बारे में बात करेंगे और कहाँ पर ये अवेलेबल है वो भी बात करेंगे तो इस सीरीज़ के अंदर आपको लगभग जो है वो नौ एपिसोड देखने को मिलेंगे और इसकी जो कहानी है वो दोस्तों सिक्स एस्पेक्ट बाय विकास सौरभ जो है इनके ऊपर ही आधारित है तो जो लेड कॉफ थी इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे प्रतीक गांधी पवली डम ऋचा चड्डा आशतो सराना जतिन गोस्वामी रोचा लमनदार सारिब हाशमी और ससंग अरोरा रघुवीर यादव शक्ति मोहन निकेतन ग्रोवर धीरज राणा रोशद राणा अमी वाघ लेमान कंचन घोष राजद भगत ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे इस सीरीज को जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग इसे छ पॉइंट सात की रेटिंग मिली है और जो रॉटन टॉमेटो है वहाँ पर भी लगभग जो है वो सत्तर प्रतिशत मिले हुए हैं तो आप यहाँ पर यह अनुमान लगा सकते हैं कि एक वॉचेबल सीरीज है अगर आप लोग दोस्तों इसे हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो इसके सभी एपिसोड आपको मिल जाएंगे डिजनी प्लस हॉटस्टार पे और इसका जो दूसरा सीज़न है वो भी आपको काफ़ी जल्दी ही देखने को मिल जाएगा जहाँ तक न्यूज़ आई है मालूम पड़ा है कि वो आपको 2025 तक देखने को मिलेगा क्योंकि आप जब इस सीरीज़ को देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि इसका दूसरा सीज़न ज़रूर आएगा यहाँ पर दोस्तों जो बड़ी बात है वो इस मूवी की स्टोरी है शुरुआत के अंदर मुझे लगा कि अभी सीरीज यहाँ पे ख़त्म होगी लेकिन जो इसका क्लाइमेक्स आया वो गजब का रहा था क्लाइमेक्स के अंदर स्टोरी जो है एकदम पलट जाती है और यहाँ पर यह पता लगाना थोड़ा मुश्किल रह जाता है कि आखिरकार इस मूवी के अंदर विलन कौन था और उसने ये सब कुछ क्यों किया है इस वेब सीरीज़ की जो कहानी शुरू होती है दिल्ली में जहाँ पर मशहूर राजनेता जगन्नाथ राय यानी ये जो आशूस राणा है उनके एक जो कि उनके बिजनेसम बेटे होते हैं जिनका रोल यहाँ पर जतिन गोस्वामी का है वो एक पार्टी के अंदर दो लड़कियों के साथ गलत काम करते हैं और उनके ऊपर मर्डर का आरोप लग जाता है इसके बाद इस केस की जो जांच होती है शुरू होती है जो कि जगन्नाथ राय पुलिस के अधिकारियों को रिश्वत देकर अपने बेटे को छुड़वा लेता है केस से बरी होने के बाद वो खुशी में होता है विकी एक शानदार पार्टी देता है जहाँ उसका मर्डर होता है और उसके बाद जगन्नाथ राय और विकी के मर्डर की जाँच सी को सौंप दी जाती है और इस केस की जाँच की, और इस केस की जो जांच की जिम्मेदारी रहती है वो सी बी ऑफिसर सूरज यादव यानी कि प्रतीक गांधी और पुलिस ऑफिसर सुधा भारद्वाज यानी कि रिजा चड्डाई की होती है अब केस के अंदर कुल छः लोगों को ऊपर जो सब होता है और विकी का जो मर्डर किसने किया है और इसका उद्देश्य क्या था ये आपको इस सीरीज के अंदर जानने को मिलेगा इस सीरीज की जो तो कहानी है उनका जो डायरेक्शन है वो बहुत ही बढ़िया है विजय मौर्या और पुनीत शर्मा ने यहाँ पर बेहतरीन तरीके से नोवल से अडोप किया है इसका जो स्क्रीन प्ले हो बहुत ही बढ़िया है और यहाँ पर जरूर से सीरीज आपको बांधी भी रखती है और पूरी सीरीज़ के अंदर आप जो है वो अंदाज़ा लगाते रहेंगे क्या आखिर ये मर्डर किसने किया है और क्यों किया है इस कहानी के अंदर राजनीतिक सासिक भी है बुख भी यहाँ पर देखने को मिलेगा इसी के साथ आपको यहाँ पर जो है एक गज़ब की स्टोरी देखने को मिलेंगी स्टूडेंट पॉलिटिक्स जातिवाद और मीडिया का यहाँ पे जो रोल है वो भी चर्चा में देखने को मिलेगा सीरीज की जो कहानी है वो बहुत ही अच्छी है बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है इसकी शूटिंग दिल्ली से लेकर राजस्थान झारखंड छत्तीसगढ़ कोलकाता और चांदी जैसी जगह पे हुआ है क्योंकि जो मूवी के अंदर जो विलन दिखाया गया है वो अलग अलग लोकेशन पे होते हैं और जो सी वाले हैं और पुलिस ऑफिसर वहाँ पर ढूंढ निकलते हैं भले ही आप सीरीज एक नॉल पर आधारित है लेकिन हाँ दिगमांच दुलिया ने इसे बहुत ही बेहतरीन बनाया है जो कि देखने लायक है अगर आप लोग क्राइम थ्रिलर मिक्स सीरीज देखते हैं तो फिर आपको इसे मिस नहीं करना चाहिए डेफिनेटली आपको जो है वो एक बार ज़रूर देखना चाहिए अगर एक्टिंग की बात करें तो सीरीज़ में प्रतिप गांधी ने जो सी बी आई ऑफिसर का रोल प्ले किया है वो बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया भी है सूरज एक ऐसा अधिकारी है जिसकी अपनी राजनीतिक विचारधारा होती है और वे राजनेता अंबिका प्रसाद यानी कि विनोद कुमार का नज़दीकी भी होता है सुधा भारद्वाज के किरदार में मिचा चड्डा भी यहाँ पर दमदार लगती है और वो भी अपने किरदार के अंदर एकदम फिट बैठती है अगर आप एक बेहतरीन सीरीज़ को मिस नहीं करना चाहते तो आप लोग दोस्तों जो है इस सीरीज़ को देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है मैंने इसे दोस्तों काफ़ी समय पहले देखा था दो के अंदर ही मैंने देख लिया था और ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और मैं आपको यहाँ पर जो है जो सीज़न टू के बारे में बताऊँ तो भाई सीज़न टू जरूर आएगा क्योंकि यहाँ पर अभी तक ये पता नहीं लगा है कि आखिरकार किसने सब कुछ किया है और उसका मकसद क्या है सीज़न टू के अंदर वो सारे राज खुल जाएंगे कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है आपको जब भी टाइम मिले तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर इंजॉय करिएगा मुझे उम्मीद है कि आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेंगी अगर आप भी बॉलीवुड की वेब सीरीज़ या फिर फिल्में देखते हो तो शायद प्रतिक गांधी को जानते ही हो जिनकी एक बहुत ही बड़ी जो फेमस सीरीज़ रही है जहाँ से उनकी जो पॉपुलरिटी वो काफ़ी बड़ी है हम इन्हीं की एक शानदार सीरीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे साथ ही में मैं आपको यहाँ पर यह भी बताऊँगा ये कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है और इसका सीज़न टू कब आएगा ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे तो दोस्तों इस सीरीज़ का नाम है द ग्रेट इंडियन मर्डर 2022 में से रिलीज़ कराया गया था इसकी ख़ास बात यह है कि इसके अंदर आपको एक बहुत ही तगड़ी मफ्र दिखाई गई है अगर आप लोगों को ऐसी फिल्म देखना अच्छा लगता है जिसके अंदर मर्डर मिस्ट्री हो तो मेरी ये सीरीज़ आपके लिए ही है ये आपको पूरी तरह से एंड तक बांधे रखेंगी यहाँ तक कि आप पता ही नहीं लगा पाएंगे कि इसका मुख्य विलन कौन है और उसने ये सब कुछ क्यों किया है तो चलिए बात करते हैं पहले इस सीरीज़ के बारे में मैं आपको कुछ यहाँ पर जानकारी देता हूँ फिर आगे इसके एपिसोड के बारे में बात करेंगे और कहाँ पर ये अवेलेबल है वो भी बात करेंगे तो इस सीरीज़ के अंदर आपको लगभग जो है वो नौ एपिसोड देखने को मिलेंगे और इसकी जो कहानी है वो दोस्तों सिक्स एस्पेक्ट बाय विकास सौरभ जो है इनके ऊपर ही आधारित है तो जो लेड कॉफ इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे प्रतीक गांधी पवली डम रिचा चड्डा आशतो सराना जतिन गोस्वामी रोचा लमनदार सारिब हाशमी और ससंग अरोरा रघुवीर यादव शक्ति मोहन निकेतन ग्रोवर धीरज राणा रोशद राणा अमी वाघ लेमान कंचन घोष राजद भगत ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे इस सीरीज को जो आईएमडीबी है वहाँ पर 10 में से लगभग इसे 6.7 पॉइंट सात की रेटिंग मिली है और जो रॉट एन टोमेटो है वहाँ पर भी लगभग जो है वो सत्तर प्रतिशत मिले हुए हैं। तो आप यहाँ पर यह अनुमान लगा सकते हैं कि एक वॉचेबल सीरीज है अगर आप लोग दोस्तों इसे हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो इसके सभी एपिसोड आपको मिल जाएंगे डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर और इसका जो दूसरा सीज़न है वो भी आपको काफ़ी जल्दी ही देखने को मिल जाएगा जहाँ तक न्यूज़ आई है मालूम पड़ा है कि वो आपको 2025 तक देखने को मिलेगा क्योंकि आप जब इस सीरीज़ को देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि इसका दूसरा सीज़न ज़रूर आएगा यहाँ पर दोस्तों जो बड़ी बात है वो इस मूवी की स्टोरी है शुरुआत के अंदर मुझे लगा कि अभी सीरीज यहाँ पे ख़त्म होगी लेकिन जो इसका क्लाइमेक्स आया वो गजब का रहा था क्लाइमेक्स के अंदर स्टोरी जो है एकदम पलट जाती है और यहाँ पर ये यह पता लगाना थोड़ा मुश्किल रह जाता है कि आखिरकार इस मूवी के अंदर विलन कौन था और उसने ये सब कुछ क्यों किया है इस वेब सीरीज़ की जो कहानी शुरू होती है दिल्ली में जहाँ पर मशहूर राजनेता जगन्नाथ राय यानी कि जो आशूस राणा है उनके एक जो कि उनके बिजनेसम बेटे होते हैं जिनका रोल यहाँ पर जतिन गोस्वामी का है वो एक पार्टी के अंदर दो लड़कियों के साथ गलत काम करते हैं और उनके ऊपर मर्डर का आरोप लग जाता है इसके बाद इस केस की जो जांच होती है शुरू होती है जो कि जगन्नाथ राय पुलिस के अधिकारियों को रिश्वत देकर अपने बेटे को छुड़वा लेता है केस से बरी होने के बाद वो खुशी में होता है विकी एक शानदार पार्टी देता है जहाँ उसका मर्डर होता है और उसके बाद जगन्नाथ राय और विकी के मर्डर की जाँच सी को सौंप दी जाती है और इस केस की जाँच और इस केस की जो जांच की जिम्मेदारी रहती है वो सी बी आई ऑफिसर सूरज यादव यानी कि प्रतीप गांधी और पुलिस ऑफिसर सुधा भारद्वाज यानी कि रिजा चड्डाई की होती है अब केस के अंदर कुल छः लोगों को ऊपर जो सब होता है और विकी का जो मर्डर किसने किया है और इसका उद्देश्य क्या था ये आपको इस सीरीज के अंदर जानने को मिलेगा इस सीरीज की जो तो कहानी है उनका जो तो डायरेक्शन है वो बहुत ही बढ़िया है विजय मौर्या और पुनीत शर्मा ने यहाँ पर बेहतरीन तरीके से नावल से अडोब किया है इसका जो स्क्रीन प्ले है बहुत ही बढ़िया है और यहाँ पर शरू से ये सीरीज आपको बांधी भी रखती है और पूरी सीरीज़ के अंदर आप जो है वो अंदाज़ लगाते रहेंगे कि आखिर ये मर्डर किसने किया है और क्यों किया है इस कहानी के अंदर राजनीतिक सासिक भी है बुख भी यहाँ पर देखने को मिलेगा इसी के साथ आपको यहाँ पर जो है एक गज़ब की स्टोरी देखने को मिलेंगी स्टूडेंट पॉलिटिक्स जातिवाद और मीडिया का यहाँ पे जो रोल है वो भी चर्चा में देखने को मिलेगा सीरीज की जो कहानी है वो बहुत ही अच्छी है बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है ये इसकी शूटिंग दिल्ली से लेकर राजस्थान झारखंड छत्तीसगढ़ कोलकाता और चांदी जैसी जगहों जा पर हुआ है क्योंकि जो मूवी के अंदर जो विलन दिखाया गए हैं वो अलग अलग लोकेशन पर होते हैं और जो सी वाले हैं और पुलिस ऑफिसर वहाँ पर ढूंढ निकलते हैं भले ही आप सीरीज एक नॉल पर आधारित है लेकिन हाँ दिग्माच दुलिया ने इसे बहुत ही बेहतरीन बनाया है जो कि देखने लायक है अगर आप लोग क्राइम थ्रिलर मिक्स सीरीज देखते हैं तो फिर आपको इसे मिस नहीं करना चाहिए डेफिनेटली आपको जो है वो एक बार ज़रूर देखना चाहिए अगर एक्टिंग की बात करें तो सीरीज़ में प्रतीप गांधी ने जो सी बी आई ऑफिसर का रोल प्ले किया है वो बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया भी है सूरज एक ऐसा अधिकारी है जिसकी अपनी राजनीतिक विचारधारा होती है और वे राजनेता अंबिका प्रसाद यानी कि विनोद कुमार का नज़दीकी भी होता है सुधा भारद्वाज के किरदार में मिर्चा चड्डा भी यहाँ पर दमदार लगती है और वो भी अपने किरदार के अंदर एकदम फिट बैठती है अगर आप एक बेहतरीन सीरीज़ को मिस नहीं करना चाहते तो आप लोग दोस्तों जो है इस सीरीज़ को देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है मैंने इसे दोस्तों काफ़ी समय पहले देखा था दो के अंदर ही मैंने देख लिया था और ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और मैं आपको यहाँ पर जो है जो सीज़न टू के बारे में बताऊँ तो भाई सीज़न टू जरूर आएगा क्योंकि यहाँ पर अभी तक ये पता नहीं लगा है कि आखिरकार किसने सब कुछ किया है और उसका मकसद क्या है सीज़न टू के अंदर वो सारे राज खुल जाएंगे कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है आपको जब भी टाइम मिले तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर इंजॉय करिएगा मुझे उम्मीद है कि आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेंगी अगर आप भी बॉलीवुड की वेब सीरीज़ या फिर फिल्में देखते हो तो शायद प्रतीिक गांधी को जानते ही हो जिनकी एक बहुत ही बड़ी जो फेमस सीरीज़ रही है जहाँ से उनकी जो पॉपुलर्टी वो काफ़ी बड़ी है आज़म इन्हीं की एक शानदार सीरीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे साथ ही में मैं आपको यहाँ पर ये भी बताऊँगा ये कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है और इसका सीज़न टू कब आएगा ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे तो दोस्तों इस सीरीज़ का नाम है द ग्रेट इंडियन मर्डर 2022 में से रिलीज़ कराया गया था इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर आपको एक बहुत ही तगड़ी मिस्र दिखाई गई है अगर आप लोगों को ऐसी फिल्म देखना अच्छा लगता है जिसके अंदर मर्डर मिस्ट्री हो तो फिर ये सीरीज़ आपके लिए ही है ये आपको पूरी तरह से एंड तक बांधे रखेंगी यहाँ तक कि आप पता ही नहीं लगा पाएंगे कि इसका मुख्य विलन कौन है और उसने ये सब कुछ क्यों किया है तो चलिए बात करते हैं पहले इस सीरीज़ के बारे में मैं आपको कुछ यहाँ पर जानकारी देता हूँ फिर आगे इसके एपिसोड के बारे में बात करेंगे और कहाँ पर ये अवेलेबल वो भी बात करेंगे तो इस सीरीज़ के अंदर आपको लगभग जो है वो नौ एपिसोड देखने को मिलेंगे और इसकी जो कहानी है वो दोस्तों सिक्स अस्पेक्ट बाई विकास सौरभ जो है इनके ऊपर ही आधारित है तो जो लेड कॉफ थी इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे प्रतीक गांधी पवली डम ऋचा चड्डा तो सराना जतिन गोस्वामी रोचा लमनदार सारिब हासमी और ससंग अरोरा रघुवीर यादव शक्ति मोहन निकेतन ग्रोवर धीरज राणा रोशद राणा अमी बाग लेमान कंचन घोष राजद भगत ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे इस सीरीज़ को जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग इसे छः पॉइंट सात की रेटिंग मिली है और जो रोटेन टॉमेटो वहां वहाँ पर भी लगभग जो है वो सत्तर प्रतिशत मिले हुए हैं तो आप यहाँ पर यह अनुमान लगा सकते हैं कि एक वॉचेबल सीरीज़ है अगर आप लोग दोस्तों इसे हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो इसके सभी एपिसोड आपको मिल जाएंगे डिजनी प्लस अफार पे और इसका जो दूसरा सीज़न है वो भी आपको काफ़ी जल्दी ही देखने को मिल जाएगा जहाँ तक न्यूज़ आई है मालूम पड़ा है कि वो आपको 2025 तक देखने को मिलेगा क्योंकि आप जब इस सीरीज़ को देखेंगे तो आपको पता ही जाएगा कि इसका दूसरा सीज़न ज़रूर आएगा यहाँ पर दोस्तों जो बड़ी बात है वो इस मूवी की स्टोरी है शुरुआत के अंदर मुझे लगा कि अब ये सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म होगी लेकिन जो इसका क्लाइमेक्स आया वो गज़ब का रहा था क्लाइमेक्स के अंदर स्टोरी जो है एकदम पलट जाती है और यहाँ पर ये यह पता लगाना थोड़ा मुश्किल रह जाता है कि आखिरकार इस मूवी के अंदर विलन कौन था और उसने ये सब कुछ क्यों किया है इस वेब सीरीज़ की जो कहानी शुरू होती है दिल्ली में जहाँ पर मशहूर राजनेता जगन्नाथ राय यानी ये जो आशूष राणा है उनके एक जो कि उनके बिजनेसमैन बेटे होते हैं जिनका रोल यहाँ पर जतिन गोस्वामी का है वो एक पार्टी के अंदर दो लड़कियों के साथ गलत काम करते हैं और उनके ऊपर मर्डर का आरोप लग जाता है इसके बाद इस केस की जो जांच होती है शुरू होती है जो कि जगन्नाथ राय पुलिस के अधिकारियों को रिश्वत देकर अपने बेटे को छुड़वा लेता है केस से बरी होने के बाद वो खुशी में होता है विकी एक शानदार पार्टी देता है जहाँ उसका मर्डर होता है और उसके बाद जगन्नाथ राय और विकी के मर्डर की जाँच सी को सौंप दी जाती है और इस केस की जाँच और इस केस की जो जांच की जिम्मेदारी रहती है वो सी बी आई ऑफिसर सूरज यादव यानी कि प्रदीप गांधी और पुलिस ऑफिसर सुधा भारद्वाज यानी कि रिजा चड्डाई की होती है अब केस के अंदर कुल छः लोगों को ऊपर जो सब होता है और वीक का जो मर्डर किसने किया है और इसका उद्देश्य क्या था ये आपको इस सीरीज के अंदर जानने को मिलेगा इस सीरीज की जो तो कहानी है उनका जो तो डायरेक्शन है वो बहुत ही बढ़िया है विजय मौर्या और पुनीत शर्मा ने यहाँ पर बेहतरीन तरीके से नावल से अडोप किया है इसका जो स्क्रीन प्ले वो बहुत ही बढ़िया है और यहाँ पर जरूर से सीरीज आपको बांधी भी रखती है और पूरी सीरीज़ के अंदर आप जो है वो अंदाज़ा लगाते रहेंगे कि आखिर ये मर्डर किसने किया है और क्यों किया है इस कहानी के अंदर राजनीतिक सासिक भी है बख भी यहाँ पर देखने को मिलेगा इसी के साथ आपको यहाँ पर जो है एक गज़ब की स्टोरी देखने को मिलेंगी स्टूडेंट पॉलिटिक्स जातिवाद और मीडिया का यहाँ पर जो रोल है वो भी चर्चा में देखने को मिलेगा सीरीज की जो कहानी है वो बहुत ही अच्छी है बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है इसकी शूटिंग दिल्ली से लेकर राजस्थान झारखंड छत्तीसगढ़ कोलकाता और चांदी जैसी जगह पर हुआ है क्योंकि जो मूवी के अंदर जो विलन दिखाया गए हैं वो अलग अलग लोकेशन पे होते हैं और जो सी वाले हैं और पुलिस ऑफिसर वहाँ पर ढूंढ निकलते हैं भले ही आप सीरीज एक नॉल पर आधारित है लेकिन हाँ दिग्मांचु दुलिया ने इसे बहुत ही बेहतरीन बनाया है जो कि देखने लायक है अगर आप लोग क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री सीरीज देखते हैं तो फिर आपको इसे मिस नहीं करना चाहिए डेफिनेटली आपको जो है वो एक बार ज़रूर देखना चाहिए अगर एक्टिंग की बात करें तो सीरीज़ में प्रतीक गांधी ने जो सी बी आई ऑफिसर का रोल प्ले किया है वो बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया भी है शुरू एक ऐसा अधिकारी है जिसकी अपनी राजनीतिक विचारधारा होती है और वे राजनेता अंबिका प्रसाद यानी कि विनोद कुमार का नज़दीकी भी होता है सोदा भारद्वाज के किरदार में मिर्चा चड्डा भी यहाँ पर दमदार लगती है और वो भी अपने किरदार के अंदर एकदम फिट बैठती है अगर आप एक बेहतरीन सीरीज़ को मिस नहीं करना चाहते तो आप लोग दोस्तों जो है इस सीरीज़ को देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है मैंने इसे दोस्तों काफ़ी समय पहले देखा था दो के अंदर ही मैंने देख लिया था और ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और मैं आपको यहाँ पर जो है जो सीज़न टू के बारे में बताऊँ तो भाई सीज़न टू ज़रूर आएगा क्योंकि यहाँ पर अभी तक ये पता नहीं लगा है कि आखिरकार किसने सब कुछ किया है और उसका मकसद क्या है सीज़न टू के अंदर वो सर्राज़ खुल जाएंगे कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है आपको जब भी टाइम मिले तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर इंजॉय करिएगा मुझे उम्मीद है कि आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेंगी अगर आप भी बॉलीवुड की वेब सीरीज़ या फिर फिल्में देखते हो गए तो शायद प्रतिक गांधी को जानते ही हो गए जिनकी एक बहुत ही बड़ी जो फेमस सीरीज़ रही है जहाँ से उनकी जो पॉपुलर्टी वो काफ़ी बड़ी है आज हम इन्हीं की एक शानदार सीरीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे साथ ही में मैं आपको यहाँ पर ये भी बताऊँगा ये कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है और इसका सीज़न टू कब आएगा ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे तो दोस्तों इस सीरीज़ का नाम है द ग्रेट इंडियन मर्डर 2022 में से रिलीज़ कराया गया था इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर आपको एक बहुत ही तगड़ी मफ्र दिखाई गई है अगर आप लोगों को ऐसी फिल्म देखना अच्छा लगता है जिसके अंदर मर्डर मिस्ट्री हो तो मेरी ये सीरीज़ आपके लिए ही है ये आपको पूरी तरह से एंड तक बांधे रखेंगी यहाँ तक कि आप पता ही नहीं लगा पाएंगे कि इसका मुख्य विलन कौन है और उसने ये सब कुछ क्यों किया है तो चलिए बात करते हैं पहले इस सीरीज़ के बारे में मैं आपको कुछ यहाँ पर जानकारी देता हूँ फिर आगे इसके एपिसोड के बारे में बात करेंगे और कहाँ पर ये अवेलेबल है वो भी बात करेंगे तो इस सीरीज़ के अंदर आपको लगभग जो है वो नौ एपिसोड देखने को मिलेंगे और इसकी जो कहानी है वो दोस्तों सिक्स सस्पेक्ट बाय विकास सौरभ जो है इनके ऊपर ही आधारित है तो जो लेड कॉफ थी इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे प्रतीक गांधी पवली डम ऋचा चड्डा आशुतोस राना जतिन गोस्वामी रोचा लमनदार सारिब हाशमी और ससंग अरोरा रघुवीर यादव शक्ति मोहन निकेतन ग्रोवर धीरज राणा रोशद राणा अमी वाघ लेमान कंचन घोष राजद भगत ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे इस सीरीज़ को जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग इसे छः पॉइंट सात की रेटिंग मिली है और जो रॉटन टॉमेटो वहां वहाँ पर भी लगभग जो है वो सत्तर प्रतिशत मिले हुए हैं तो आप यहाँ पर यह अनुमान लगा सकते हैं कि एक वॉचेबल सीरीज़ है अगर आप लोग दोस्तों इसे हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो इसके सभी एपिसोड आपको मिल जाएंगे डिजनी प्लस ऑफ्टार पे और इसका जो दूसरा सीज़न है वो भी आपको काफ़ी जल्दी ही देखने को मिल जाएगा जहाँ तक न्यूज़ आई है मालूम पड़ा है कि वो आपको 2025 तक देखने को मिलेगा क्योंकि आप जब भी सीरीज़ को देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि इसका दूसरा सीज़न ज़रूर आएगा यहाँ पर दोस्तों जो बड़ी बात है वो इस मूवी की स्टोरी है शुरुआत के अंदर मुझे लगा कि अब ये सीरीज यहाँ पे खत्म होगी लेकिन जो इसका क्लाइमेक्स आया वो गजब का रहा था क्लाइमेक्स के अंदर स्टोरी जो है एकदम पलट जाती है और यहाँ पर यह पता लगाना थोड़ा मुश्किल रह जाता है कि आखिरकार इस मूवी के अंदर विलन कौन था और उसने ये सब कुछ क्यों किया है इस वेब सीरीज़ की जो कहानी शुरू होती है दिल्ली में जहाँ पर मशहूर राजनेता जगन्नाथ राय यानी कि जो आशूस राणा है उनके एक जो कि उनके बिजनेसमैन बेटे होते हैं जिनका रोल यहाँ पर जतिन गोस्वामी का है वो एक पार्टी के अंदर दो लड़कियों के साथ गलत काम करते हैं और उनके ऊपर मर्डर का आरोप लग जाता है इसके बाद इस केस की जो जांच होती है शुरू होती है जो कि जगन्नाथ राय पुलिस के अधिकारियों को रिश्वत देकर अपने बेटे को छुड़वा लेता है केस से बरी होने के बाद वो खुशी में होता है विकी एक शानदार पार्टी देता है जहाँ उसका मर्डर होता है और उसके बाद जगन्नाथ राय और विकी के मर्डर की जाँच सी को सौंप दी जाती है और इस केस की जाँच और इस केस की जो जांच की जिम्मेदारी रहती है वो सी बी ऑफिसर सूरज यादव यानी कि प्रतीप गांधी और पुलिस ऑफिसर सुधा भारद्वाज यानी कि रिजा चड्डाई की होती है अब केस के अंदर कुल छः लोगों को ऊपर जो सब होता है और विकी का जो मर्डर किसने किया है और इसका उद्देश्य क्या था ये आपको इस सीरीज के अंदर जानने को मिलेगा इस सीरीज की जो तो कहानी है उनका जो तो डायरेक्शन है वो बहुत ही बढ़िया है विजय मौर्या और पुनीत शर्मा ने यहाँ पर बेहतरीन तरीके से नावल से अडोप किया है इसका जो स्क्रीन प्ले है बहुत ही बढ़िया है और यहाँ पर शरू से सीरीज आपको बांधी भी रखती है और पूरी सीरीज़ के अंदर आप जो है वो अंदाज़ लगाते रहेंगे कि आखिर ये मर्डर किसने किया है और क्यों किया है इस कहानी के अंदर राजनीतिक सासिक भी हैं बुक भी यहाँ पर देखने को मिलेगा इसी के साथ आपको यहाँ पर जो है एक गज़ब की स्टोरी देखने को मिलेंगी स्टूडेंट पॉलिटिक्स जातिवाद और मीडिया का यहाँ पे जो रोल है वो भी चर्चा में देखने को मिलेगा सीरीज की जो कहानी है वो बहुत ही अच्छी है बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है ये इसकी शूटिंग दिल्ली से लेकर राजस्थान झारखंड छत्तीसगढ़ कोलकाता और चांदी जैसी जगह पर हुआ है क्योंकि जो मूवी के अंदर जो विलन दिखाया गए हैं वो अलग अलग लोकेशन पर होते हैं और जो सी वाले हैं और पुलिस ऑफिसर वहाँ पर ढूंढ निकलते हैं भले ही आप सीरीज एक नॉल पर आधारित है लेकिन हाँ दिगमांच दुल् ने इसे बहुत ही बेहतरीन बनाया है जो कि देखने लायक है अगर आप लोग क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री सीरीज देखते हैं तो फिर आपको इसे मिस नहीं करना चाहिए डेफिनेटली आपको जो है वो एक बार ज़रूर देखना चाहिए अगर एक्टिंग की बात करें तो सीरीज़ में प्रतिप गांधी ने जो सी बी आई ऑफिसर का रोल प्ले किया है वो बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया भी है शुरू एक ऐसा अधिकारी है जिसकी अपनी राजनीतिक विचारधारा होती है और वे राजनेता अंबिका प्रसाद यानी कि विनोद कुमार का नज़दीकी भी होता है सुधा भारद्वाज की किरदार में मिचा चड्डा भी यहाँ पर दमदार लगती है और वो भी अपने किरदार के अंदर एकदम फिट बैठती है अगर आप एक बेहतरीन सीरीज़ को मिस नहीं करना चाहते तो आप लोग दोस्तों जो है इस सीरीज़ को देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है मैंने इसे दोस्तों काफ़ी समय पहले देखा था दो के अंदर ही मैंने देख लिया था और ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और मैं आपको यहाँ पर जो है जो सीज़न टू के बारे में बताऊँ तो भाई सीज़न टू ज़रूर आएगा क्योंकि यहाँ पर अभी तक ये पता नहीं लगा है कि आखिरकार किसने सब कुछ किया है और उसका मकसद क्या है सीज़न टू के अंदर वो सारे राज खुल जाएंगे कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है आपको जब भी टाइम मिले तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर इंजॉय करिएगा मुझे उम्मीद है कि आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेंगी